गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग जितने लोग आ चुके हैं एक बार अपनी प्रेजेंस बताइए गुड इवनिंग और सब लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ये सबसे रिक्वेस्ट है यूजली मैं बोलता नहीं हूँ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं या आप अपने पर्सनल शेयर कर दीजिए जैसा कि ये स्टार्ट किया मैं पहले बोला कि ये सबसे बड़ी क्लास होने वाली है और अब ये लगातार चलता भी रहेगा आपका फर्स्ट एग्जाम आ गया तो लगातार चलेगा जैसे एग्जाम कोई पास आता है इस टाइप से हम लोग एक्टिव रहेंगे तो जी स्टार्ट किया जाए सब लोग आ चुके हैं स्टार्ट किया जाए जी चलिए स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली uh, अभी हम लोग करेंगे क्या तो मैं आपको हंड्रेड क्वेश्चन तो का. का एक सेक्शन है तो ये पूरे हंड्रेड क्वेश्चन हम लोग को फिनिश करना है ठीक है ना तो हंड्रेड क्वेश्चन पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपरली और ये सारे क्वेश्चन जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट इससे पूरे में आपके एट टू टेन मोस्ट टॉपिक्स को रिवाइज करूंगा और इन हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है तो आप ये समझो कि जो लोग लो कि आपका होने क्या वाला है ये सिक्स आवर्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है पहले ये समझ लो ठीक है और ये प्लीज आज की क्लास देखिए मैं पूरे जोश में हूं वो तो ऐसा नहीं कि मैं दिन भर सो ही रहा था मैं काम ही कर रहा था फिर आज मेरी मेंस की भी क्लास थी आज सिक्स वाली क्लास मैंने ओवर कर दिया था सारी क्लासेस मैंने अटेंड किया है ना ये मेरे लिए बहुत नॉर्मल सी बात है क्योंकि मेरे को हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट आपके यहाँ तक फर्स्ट एग्जाम तक एक्टिव रहना है ठीक है ना कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर हंड्रेड परसेंट तैयारी कर रहा है तो मैं उसके साथ हूँ ठीक है चाय वाय कॉफी फिर लेके बैठीगा ठीक है ना कि आपकी आदत हो सकता है अभी नहीं बन पा रही हूँ मैं तो देखो इंजीनियर आदमी हूँ तो इंजीनियर है तो रात भर जगने की तो आदत तो यही है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं ठीक है लेकिन आपका होने क्या वाला ये इंपॉर्टेंट समझना तो 20 से 25 ट्वेंटी का आज पूरा जुगाड़ बैठ जाएगा ठीक है ना तो ये अगर आवर्स आपने सही से दे दिए इसलिए इस क्लास को मैंने ओपन टू ऑल रखा है कि जो भी स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या ऑफ किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से हैं ठीक है उनको ये पता होना चाहिए कि अभी एग्जाम के जो दो महीने बाकी हैं ये फर्स्ट एग्जाम या आगे इन फ्यूचर कोई भी एग्जाम देना है तो किस वे में उनको तैयारी करनी है तो इसलिए कुछ मेरी फॉर्मिलिटीज भी होती है सबके लिए ऐसा नहीं कि ये पेड वाला ये नॉन पेड कुछ तो फॉर्मिलिटीज है इसके बाद जितनी भी और क्लासेस होंगी आपकी आ, ये क्लासेस होंगी जो आपकी मैराथन वो आपकी फिर उसमें रहेंगे प्रीमियम में इसलिए पहली क्लास मैंने ओपन टू ऑल रखा है ठीक है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट तो ये हंड्रेड क्वेश्चन डिस्कशन करना है इसके अलावा इसके अलावा क्या करना है इसके अलावा ज्योमेट्री जो पोर्सन है ज्योमेट्री

सक्सेस के लिए कितना आप सेक्रीफाइस करने को तैयार हो अगर आप एक रात नहीं कर से तो भैया इतनी बड़ी सक्सेस है थोड़ा तो बनता ही है ब्रेक ब्रेक तो तो मैं तो नहीं ब्रेक दूंगा ठीक है ना बाकी आप देखो उठ के चले जाओगे तो मैं तो कुछ कह नहीं पाऊंगा है ना लेकिन ये आपकी खुद की वो है रजनी गंधा ये कौन है भैया रजनी गंधा का ऐड कर रहे हैं ये नए आ गए हैं क्या अच्छे कुमार अजय देवगन के बाद चलिए स्टार्ट करते हैं तो दो आज के मुद्दे हैं एक तो ज्योमेट्री टॉपिक अपने को फिनिश करना है ज्योमेट्री एक बड़ा टॉपिक है तो कुल मिला जो फॉरेस्टर वाले हैं, उनका कम से कम थर्टी क्वेश्चन का थर्टी क्वेश्चन का ये नहीं करूंगी एक मैरा सब कुछ कवर हो जाएगा थर्टी क्वेश्चन उनके यहाँ से क्लियर हो सकते हैं अगर वो अच्छे से प्रिपेयर करें थर्टी क्वेश्चन ठीक है ना तो बहुत ही एक्टिव होकर पार्टिसिपेशन वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है जितने लोग आ चुके हैं वीडियो को शेयर कर दो मैं यूजली बोलता नहीं ये सब वीडियो को शेयर करना लेकिन ये एक हिस्ट्री है तो सबको जानना चाहिए कि आपके अमरजीत सर क्लास लेने जा रहे हैं मैराथन सिक्स आवर्स वीडियो को शेयर कर देना चलिए फिर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपन लोग ज्योमेट्री टॉपिक कंप्लीट करेंगे ठीक है तो ज्योमेट्री टॉपिक बहुत ही बेसिक टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये कई टॉपिक का मिक्सचर है तो इसमें अलग अलग क्वेश्चन आते हैं फोर टू फाइव क्वेश्चन आ जाते हैं किसी भी एग्जाम में टू आ जाते हैं तो सबसे सब पहले इसको फिनिश करेंगे फिर अपन हंड्रेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज आप मेरे को नींद दो मैं आपको सिलेक्शन दूंगा सुभाष चंद्र बोस के बाद अब ये मेरा नारा है ठीक है आप मेरे को नींद दो मैं आपको सिलेक्शन दूंगा तो ज्योमेट्री में वैसे होता क्या है सबसे पहले ज्योमेट्री में हम लोग को पढ़ना होता है लाइन एंड एंगल लाइन एंड एंगल दूसरा टॉपिक हमको पढ़ना होता है ट्राइंगल और फिर हमको पढ़ना होता है कॉर्डिलेटरल और फिर हमको पढ़ना होता है सर्कल ये चार इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ज्योमेट्री में जो पार्ट होता है ठीक है तो ज्योमेट्री टॉपिक पहले पूरा एक बार रिवाइज करेंगे और फिर अपन आ जाएंगे उस पर हंड्रेड क्वेश्चन पे आसपास पापा मम्मी भैया बहन दीदी फूफा चाचा जिसका भी फोन हो सबका फोन अपने पास रख लो एक से खत्म हो दूसरे स्टार्ट कर दो सबका फोन अपने पास रख लो ठीक है ना आज कोई टिकटॉक नहीं देखेगा सबका फोन यहीं पे आ जाना चाहिए चलिए तो स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर तो सबसे पहला आपका आता है ज्योमेट्री में लाइन एंड एंगल अगर मैं आपसे सिंपल पूछू लाइन लाइन किससे फॉर्म होता है लाइन को फॉर्म करने के लिए सबसे बेसिक जो चीज है क्या रिक्वायरमेंट है लाइन को फॉर्म करने के लिए लाइन को फॉर्म करने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है पॉइंट की इन <coughs> पॉइंट्स आपके मिलके इन पॉइंट्स आपके मिलके क्या फॉर्म करते हैं लाइन इन पॉइंट्स मिलके क्या फॉर्म करते हैं लाइन ठीक है तो लाइन क्या हो जाएगा इनफोनाइट पॉइंट से मीट करते हो जो फॉर्म करेगा फिगर दैट इज लाइन तो लाइन में बेसिकली क्या लेंथ है नो ब्रेथ नो हाइट ओनली लेंथ ठीक है तो ये इसको बोले कि वन डी केवल एक ही डायमेंशन इसमें है तो इसको बोलेंगे वन डी क्या बोलेंगे वन डी ठीक है फिर होता है एंगल ठीक है एंगल अब एक्चुअली एक होता है एंगल और एक होता है आपका रे ठीक है ना अब एंगल को फॉर्म करने के लिए लाइन जरूरत पड़ती है लेकिन कई दफा स्टूडेंट कंफ्यूज आता है कि लाइन और रे दोनों में डिफरेंस क्या है लाइन और रे दोनों में डिफरेंस क्या है तो आज हम लोग इन दोनों का डिफरेंस सबसे पहले क्लियर करेंगे ठीक है ना देखो सबसे पहले क्या होता है कि अगर मान लो मैंने एक फिक्स एक फिक्स लेंथ ले लिया मान लो मैंने एक फिक्स ले लिया फाइव सेंटीमीटर कि ये यह यहां से यहां से फिक्स है ठीक है तो ये ना लाइन है ना रे है ये एक आपने फिक्स डायमेंशन को काउंट कर लिया यहाँ पे ठीक है ना बट अगर मैंने क्या किया कि एक जगह से फिक्स है बट एक जगह से ये इन्फोनाइट तक जा सकता है यहां तो ये यह फिक्स है बट यहां पे ये यह इन्फोनाइट तक जा सकता है ठीक है दूसरे केस में आप ये कह सकते हैं कि ये यहां पे भी इन्फ्रेंट जा सकता है और यहां पे भी इंफ्रैट जा सकता है ठीक है ना तो इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं क्वेश्चन बताएगा पहले वाले को क्या कहते हैं Kabul? दूसरे वाले क्या कहते हैं अगर एक एंड आपका एक एंड क्या फिक्स है वो है? एक एंड आपका फिक्स नहीं है इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं क्वेश्चन बताएगा फर्स्ट वाले क्या कहते हैं तो फर्स्ट वाला तो ये तो लाइन सेगमेंट है ये लाइन सेगमेंट है आपने एक फिक्स फिक्स क्या लिया है डायमेंशन लिया है एक फिक्स ले लिया तो ये लाइन सेगमेंट है अगर एक फिक्स है एक फिक्स है और एक कहीं तक भी जा सकता है इन्फिनिटी तो इसको क्या बोलेंगे रे बोलेंगे अगर दोनों साइड कहीं भी जा सकता है इसको क्या बोलेंगे लाइन बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे लाइन बोलेंगे अब जो आपका एंगल फॉर्म होता है तो एंगल बेसिकली दो रे से फॉर्म होता है दो रे से बेसिक पकड़ चलो एंगल जो फॉर्म होता है दो रे से फॉर्म होता है तो जैसे एक ये रे है इनके बीच में जो ये बेंडिंग है जो झुकाव है बेंडिंग है वही आपका एंगल है इनके बीच में जो झुकाव है बेंडिंग है वही इनका एंगल है ठीक है तो जो भी एंगल है इसको हमने थीटा बोल दिया थीटा कुछ भी हो सकता है मान लीजिए सिक्सटी डिग्री है सेवेंटी डिग्री है एट्टी डिग्री है थीटा कुछ भी हो सकता है ठीक है अब एक क्वेश्चन ये है कि एंगल को जो मेजर करते हैं एंगल को मेजर करते हैं क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट है एंगल को मेजर करते हैं वो क्लॉकवाइज मेजर करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं एंगल को जो मेजर करते हैं वो क्लॉकवाइज मेजर करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं बताइए आर्म्स को बोल सकते हैं आप वेरी गुड अरे कोई जीरो जीरो नहीं अभी जीरो से हीरो बनाना है जो एंगल है उसको मेजर जो करते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट 191 हो चुके हैं 200 का टारगेट था मेरा देखो अब सर इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन टू अस प्लीज कंटिन्यू लेक्चर कंप्रेंसिवली भैया हमको एग्जाम नहीं देना है एग्जाम आप ही लोग को देना है मान लीजिए किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मैं मेरी निगाह तो कमेंट पे ही होती है हो सकता है आप नए होंगे मैं मोदी जी नहीं हूँ मेरी निगाह कमेंट पे ही होती है आपके आंसर पे ही मेरे को समझाना होता है तो कई लोग बोल रहे हैं एंटी क्लॉक कई लोग क्लॉक वाइज बोल रहे हैं और कुछ का आंसर आ रहा है नहा लगुन ठीक है तो कोई बात नहीं कई लोग ऐसे आंसर करेंगे कि जिसका कोई रिलेशन नहीं बैठेगा देखो एंगल को आप दोनों से मेजर कर सकते हो क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज तो ये तो क्वेश्चन ही गलत है या कहने का मतलब क्वेश्चन पूछने जरूरत ही नहीं थी लेकिन कई दफा होता क्या है कि हमारे माइंड में सेट होता है कि एंगल को एंटी क्लॉकवाइज वाइज ही मेजर करते हैं एंगल को दोनों तरीके से मेजर कर सकते हैं ठीक है ना बात यह रहती है कि एंटी क्लॉकवाइज वाइज जब एंगल को मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है और जो क्लॉकवाइज वाइज एंगल को मेजर करते हैं वो निगेटिव होता है तो हमारे माइंड में एक ही नोटेशन फिट होता है इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एंगल को एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करते हैं तो सबसे पहले दिमाग का कूड़ा बाहर करना है जब तो कमेंट पढ़ेंगे तभी तो, तो पता चलेगा चलो अब ये जो आपका एंगल में मेजर कर रहा हूं ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज वाइज है तो इसको मैं क्या बोलूंगा पॉजिटिव अगर मान लो मैं कह रहा हूं ये फिक्स पॉइंट से एक ये रे है एक रे ये है अब मैं कह रहा हूं ये एंगल 30 डिग्री है ये 30 डिग्री है तो आप कहेंगे थर्टी डिग्री क्या है क्लॉक वाइज है थर्टी डिग्री क्या है क्लॉक वाइज है अगर मैं पूछू एंटी क्लॉक वाइज में कितना हो जाएगा तो क्या बताएंगे थर्टी डिग्री क्लॉक वाइज है अगर मैं पूछू एंटी क्लॉक वाइज में कितना है तो क्या बताएंगे एंटी क्लॉक वाइज में कितना हो जाएगा क्लॉक वाइज थर्टी है तो अगर ऑप्शन में थर्टी डिग्री क्लॉक वाइज है तो उसको टिक कर देना या माइनस थर्टी डिग्री दिया उसको टिक कर देना ये दोनों सही है अगर ऐसा गिवन दिया है आंसर में थर्टी डिग्री गिवन दिया है तो इसको बिल्कुल टिक मत करना एकदम गलत हो जाएगा <coughs> ये वन फिफ्टी कहां से लेके हो आप ये 150 फिफ्टी कहाँ से आप लेके आए हो 270 बता रहे हैं कोई कोई 330 बता रहे हैं चलो अच्छी बात है नंबर ही बता रहे ईटर नगर नहा लोगों ने आंसर नहीं किया तो इसका मतलब अभी सब लोग जगे हुए हैं कोई नींद में नहीं है अभी जहां टाइम बढ़ता जाएगा बारह एक बजे के बाद सब देखना सबके आंसर ऐसे आएंगे इसका आंसर क्या होगा वो सर इसका आंसर आर्टिकल ट्वेंटी सेवन सर अखबार है इसका आंसर तो चलो अभी गलीमत है कि आंसर जो आपके आ रहे हैं वो नंबर में ही आ रहे हैं तो आपको ये तो क्लियर है कि मैथ की क्लास चल रही है पता चला दो बजे बात कोई कह रहा है आप कौन तू कौन <laughs> तो पता चले देखते देखते झपकी आ गया अचानक नींद खुली कि भाई ये है कौन ये है ना हम तो पिक्चर देख रहे थे अचानक ये कौन आ गया एंगल वेंगल तो मैं एक क्लियर क्वेश्चन आपको देता हूं प्रॉपरली क्वेश्चन कि मान लो अगर गिवन दिया है कि ये रे है आपकी ए बी और ये है आपकी एसी और जो ये गिवन दिया है ये गिवन दिया है ये है फोर्टी फाइव डिग्री ठीक है तो आपको बताना है कि एंगल ये जो एंगल है एंगल है ये कितना है ये एंगल कितना है पहला ऑप्शन है आपके पास 45 डिग्री दूसरा ऑप्शन आपके पास है माइनस फोर्टी फाइव डिग्री तीसरा ऑप्शन आपके पास है फोर्टी फाइव डिग्री एंटी क्लॉग वाइज चौथा ऑप्शन आपके पास है थ्री हंड्रेड फिफ्टीन डिग्री बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है इसमें से कौन सा करेक्ट है जब भी मैं इस टाइप की क्लास देता हूं तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन में केवल नींद भगाने वाले देता हूं ये जो आंसर लोग बी कर रहे हैं ये वही हैं जिनको अभी भी नहीं पता है कि शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है भैया माइनस फोर्टी बाई फाइव डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री एंटी क्लॉक या थ्री सिक्सटी में फोर्टी फाइव को माइनस करो थ्री सिक्सटी में फोर्टी फाइव माइनस करो तीनों एक ही तो सही है इनको अभी भी क्लियर नहीं हुआ शक्तिमान खत्म हो गया कि गंगाधर ही शक्तिमान था इनको अभी लगता है दोनों अलग अलग है ये तीनों सेम है थ्री प्लस टू भी फाइव होता है टेन डिवाइड बाई टू भी फाइव होता है एट में थ्री जाएगा वो भी फाइव होगा ट्वेंटी में फोर से डिवाइड करो वो भी फाइव होगा तो इन चार में कौन सही है तो चारों को सही बताना है आज अपनी डायरी में लिख लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि शक्तिमान ही गंगा गंगाधरता ये तीनों सही है ठीक है चलो जग जाओ मतलब देखो ये गलत बात है देखो मतलब अभी से सोने लगे मतलब अभी पांच मिनट नहीं हुआ है छह घंटे क्लास है सोने लगे गलत बात है भाई जग जाओ भाई ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी रे है ओ ए रे ओ ए और ये है आपकी सी ठीक है ना ओ सी और ये गिवन दिया थर्टी डिग्री ये गिवन थर्टी डिग्री तो बताना है एंगल एंगल OAC कितना होगा एंगल ओसी कितना होगा OAC. एंगल OAC कितना होगा पहला ऑप्शन है थर्टी डिग्री दूसरा ऑप्शन है वन ट्वेंटी डिग्री तीसरा ऑप्शन है थर्टी डिग्री क्लॉकवाइज चौथा ऑप्शन है थर्टी डिग्री एंटी क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज एक और ऑप्शन ले लो एक और ऑप्शन टू टेन डिग्री पांच ऑप्शन दे दिए टू टेन डिग्री तो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं किसी का आंसर वन फिफ्टी आ रहा है किसी का वन ट्वेंटी आ रहा है किसी का फिफ्टीन आ रहा है कोई एकदम चुपचाप बैठा है कि ज्यादा लिखेंगे तो थक जाएंगे तो लिखना नहीं है जैसे मैं एक बार घूमने गया आ, हिमाचल गया था मैं वहां पे मैकलोड गंज है घूमने गया तो वहां पे चढ़ाई पड़ रही थी तो एक पूरी फैमिली थी तो उस फैमिली में एक थोड़ा सा एजेड होगा पर्सन तो वो कह रहा है कि वो लोग थके होंगे जैसे मैं भी थक गया तो चढ़ाई चढ़ चड़ा रहे थे हम लोग पहाड़ का वो ट्रैकिंग कर रहे थे तो उसके साथ उनकी लेडी बेटी होंगी मतलब आंटी टाइप की थी कह रहा हम लोग आप लोग मुस्कुराओ हंसो तो हंसने में थकावट नहीं आती है तो मुझे तो पहले वो पर्सन बहुत चूतिया लगा कि ये कह रहा है कि हंसने में थकावट नहीं आती हंसो लेकिन उससे ज्यादा लगे बाकी लोग लोग हंसना स्टार्ट कर दिए तो इसलिए कुछ लोग जवाब नहीं दे रहे कि थक जाएंगे हम एओसी कह रहे हैं एंगल ही नहीं होगा सर एओसी एंगल नहीं होगा क्या सर कह रहे सर क्वेश्चन ही खत्म है ए सी एंगल ही नहीं होगा अरे ओ एसी एंगल नहीं बनेगा ओ अब ये वो लोग हैं थोड़ा जगे हुए हैं कि एंगल नहीं होगा ये पहचान लिया अब कई लोगों ने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया कि वो ए सी नहीं बन रहा है तो चलो एओसी बना देते हैं एओसी तो एओसी बना के वो आंसर दे रहे हैं लेकिन वो भी गलत दे रहे हैं एंगल गलत है एंगल गलत है मैं देख रहा हूं कितने लोग टोकेंगे एंगल गलत है एंगल पढ़ना कितने लोगों आता है ये चीज पता कर रहा हूं मैं एंगल गलत है अब अगर एंगल एओसी भी मान लिया उसको तो सही निकालो कि मैं एओसी को ही कंसीडर कर लू बहुत मुश्किल है कितने लोग छह घंटे टिकेंगे लेकिन देखते हैं एंगल एओसी कितना हो जाएगा ये पूरा एंगल एओसी हो जाएगा अब बताइए कितना है चाय हम आपको पिलाएं चलिए कोई बात नहीं पिला देंगे जी तो एओसी कितना हो जाएगा तो 180 ये पूरा 180 और 30 कितना हो गया 210 180 प्लस 30 कितना हो जाएगा 210 तो 210 होगा ना 210 150 कैसे होगा देखिए ये टोटल थर्टी है एओसी तो पूरा ये है ना तो ये स्ट्रेट लाइन वन एट्टी होता है और फिर थर्टी कितना हो टू टेन तो टू टेन वाला सही हो जाएगा चलिए कोई बात नहीं कई लोगों को थोड़ा सा भी ये कंफ्यूजन है कि एंगल के बारे में तो मैं नेक्स्ट स्टार्ट करता हूं टाइप ऑफ एंगल्स टाइप ऑफ एंगल्स कोई बात नहीं अगर कंफ्यूजन है तो अपन दूर करेंगे टाइप ऑफ एंगल्स आपको समझाता हूँ तो एंगल के जो टाइप होते हैं सबसे पहला होता है जीरो डिग्री सबसे पहले होता है जीरो डिग्री एंगल जीरो डिग्री एंगल क्या होता है कि आपका एक रे ओ -ए है दूसरी रे इसी के अगर ऊपर लाई कर जाए इसी के ऊपर दूसरी रे लाई कर जाए तो इसको बोलते हैं जीरो डिग्री एंगल ठीक है इनके बीच में कोई है ही नहीं कोई गैप तो इसको क्या बोलेंगे जीरो डिग्री एंगल ठीक है जीरो डिग्री दूसरा क्या है एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल क्या होता है कि मान लीजिए आपकी एक रे ओ ए और अगर इसकी जो परपेंडिकुलर वाला होगा परपेंडिकुलर तो ये जो ओ ए है इसका परपेंडिकुलर इसके बीच में कहीं भी आपकी दूसरी रे हो बीच में कहीं भी दूसरी रे हो जैसे मान लो मैंने ये बोल दिया OB तो इसके बीच का जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल तो बेसिकली एक्यूट एंगल कितने कितने एंगल के बीच में होता है एक्यूट एंगल की रेंज क्या है कहां से कहां के बीच में होगा एक्यूट एंगल बताइए तो जीरो डिग्री से ज्यादा होगा और नाइनटी डिग्री से क्या होगा कम होगा मोर देन जीरो एंड लेस देन नाइनटी वो क्या हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल ठीक है थर्ड होता है आपका राइट एंगल राइट एंगल राइट एंगल क्या होता है कि एक आपका ओ ए रे है इसके जस्ट परपेंडिकुलर रे एक मैंने ड्रॉ कर दिया दैट इज ओ बी तो ये जो आपका एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा राइट right एंगल तो राइट right एंगल कितना हो जाता है 90 डिग्री राइट एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री ठीक है थर्ड हो गया कंप्लीट फोर्थ फोर्थ क्या है कि ये आपकी ओ ये ए ये परपेंडिकुलर वाली और ये इसके जस्ट अपोजिट वाली जस्ट अपोजिट तो इस परपेंडिकुलर से ज्यादा बट इससे बीच में कहीं पे भी अगर एक रे है तो ये जो एंगल बनाएगा इसको क्या बोलेंगे ऑप्टूज एंगल क्या बोलेंगे ऑप्टूज एंगल कोई बताएगा ऑप्टूज एंगल की रेंज क्या है किससे ज्यादा होगा और किससे कम होगा ऑप्ट्यूज एंगल ऑप्ट्यूज एंगल किससे ज्यादा होगा और किससे कम होगा टॉपटूज तो एंगल क्या होगा ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 लेस देन 180 90 और 180 के बीच में ऑप्ट्यूज एंगल होगा ठीक है फिफ्थ क्या होता है आपका जस्ट अपोजिट इसको कोई बताएगा डिग्री बोलते हैं इसको बताएगा कोई इसका नाम क्या होता है कोई बताएगा इसका नाम क्या होगा डिग्री को क्या बोलते हैं ऑप्टिव एंगल आपका क्या हो गया नाइनटी से 180 बीच में नाइन्टी से 180 बीच में वन एट्टी डिग्री क्या बोलेंगे 180 क्या बोलेंगे स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल ठीक है अब अगर आपका 180 से ज्यादा है 180 से ज्यादा है और 360 से कम है ये पूरा अगर घूम जाएगा 360 हो जाएगा तो 180 ज्यादा 360 कम जो भी एंगल होगा इसको क्या बोलेंगे सिक्स वाला कोई बताएगा इसको क्या बोलेंगे इसका नेम क्या है 180 से ज्यादा 360 से कम नहीं नहीं कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा कॉम्प्लीमेंट्री कहां से आ गया अभी जी ंग जी कॉम्प्लीमेंट्री कहां से आ गया वेरी गुड वेरी गुड इसको क्या बोलेंगे Reflex angle. इसको क्या बोलेंगे? Reflex angle. ठीक है एंड लास्ट अगर कोई पूरा घूम जाए पूरा घूम के यहां पे आ जाए 360 इसको क्या बोलेंगे अगर पूरा घूम के आ जाए वहां पे तो उसको क्या बोलेंगे बताइए अगर पूरा घूम के वहीं पे आ जाए उसको क्या बोलेंगे जितने लोग लाइव देख रहे हैं प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कर देना आज इस पूरे छह घंटे मनाथन बदले आपसे एक ही चीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं वीडियो शेयर कर देना आज अगर पूरा कंप्लीट घूम जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे कंप्लीट एंगल सप्लीमेंट्री नहीं क्या बोलेंगे कंप्लीट एंगल सप्लीमेंट्री नहीं कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री भी आएगा मैं समझाऊंगा क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री आएगा समझाऊंगा इसको नहीं ठीक है ना तो ये सारे एंगल के टाइप हो गए अब मैं रैंडम कोई भी एंगल दूंगा आपको बताना है इसका कौन से टाइप का रैंडम कोई भी दूंगा ठीक है वन हंड्रेड फिफ्टीन डिग्री बताना है ये कौन सा टाइप रहा है वन हंड्रेड फिफ्टीन आपको बताना है टाइप इसका थोड़ा सा फास्ट प्लीज मैं इजी क्वेश्चन पे अभी कर रहा हूँ अभी अभी डिफिकल्टी नहीं बढ़ा रहा हूँ मैं अभी इजी क्वेश्चन चल रहा है तो थोड़ा सा आपको स्पीड करना है देखिए टिक वही पाएगा जो एक्टिव रहेगा टू बी वेरी अगर आप 10 मिनट बिना कमेंट किए बिना आंसर किए बैठे रहे नींद आ जाएगी तो आपको सिंपल तरीके बता रहा हूं टिकने का 185 एट्टी फाइव है टू सर चार आए थे सर को मतलब खुश मत करना जो भी दोस्त दोस्त हैं सबको बुला लो 200 कर दो भाई ऑप्टिउस चलो नेक्स्ट नेक्स्ट 315 डिग्री जल्दी बताइए 315 नेक्स्ट 315 बताइए क्या आंसर होगा 315 315 सेकेंड वाला 315 बताइए आंसर क्या होगा वेरी गुड वेरी गुड नेक्स्ट वन एट्टी डिग्री वन एट्टी डिग्री क्या हो जाएगा बताइए वन एट्टी डिग्री वन एट्टी डिग्री क्या हो जाएगा वन एट्टी बताइए क्या हो जाएगा नेक्स्ट सिक्सटी सेवन डिग्री क्या हो जाएगा सिक्सटी सेवन डिग्री डिग्री है बताइए वेरी गुड ठीक है यहां तक ओके चलो अब एक एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में डिस्कस करता हूं ये जो आपका वन एट्टी डिग्री होता है जिसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं इसमें एक प्रॉपर्टी वर्क करती है उसको बोलते हैं लीनियर पेयर या लीनियर एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं लीनियर एंगल प्रॉपर्टी ठीक है ना उसके बेसिस पे क्या है कि मान लीजिए ये ओ पॉइंट है एक रे ओ ए है और एक रे ओ बी है ठीक है तो ये एंगल ए जाएगा एंगल AOB बी कितना हो जाएगा बताइए एंगल कितना हो जाएगा एंगल ए बी कितना हो जाएगा वैल्यू ऑफ एंगल ए कितना है वैल्यू ऑफ एंगल AOB बी कितना हो जाएगा वन एट्टी ठीक है एंगल ए बी वन एट्टी है वेरी गुड अच्छा मैंने क्या किया मैंने क्या किया साजन जी ओ पॉइंट से एक रे को पास कराया ओ पॉइंट से ओ पॉइंट से एक रे को पास कराया डेट इज ओसी ओसी तो अब ये दो एंगल में ब्रेक हो गया एंगल एओ प्लस एंगल एसी ये और एंगल बीओसी एंगल बीओसी अब बताइए एंगल एओ और बी का सम कितना है <laughs> एंगल एओसी प्लस बीओसी का सम कितना है अगर बफर करेगा मेरे को फोन में दिख रहा है जैसे आपको फोन में दिखता है सेम फोन में मेरे को दिखता है एक स्टूडेंट को कैसा दिखता है एक स्टूडेंट लाइफ कैसे ली मैं उसको समझने का पूरा ट्राई करता हूं आपको स्क्रीन में कैसा दिखता होगा सब मैं ट्राई करता हूं मैं आपसे जुड़े रहने का पूरा ट्राई करता हूँ जी ठीक है ना तो अगर बफर होगा तो मैं तीर शांत हो जाऊंगा दोनों का सम फिर भी 180। अगर मैंने एक और रे बना दिया एक तो मेरी रे भी काफी अच्छी बनती है ड्राइंग तो मेरी आप लोगों को पता ही कितनी है कितनी अच्छी है डी बना दिया अब एंगल ए प्लस एंगल सीओ प्लस एंगल डीओ इसका सम क्या होगा इसका सम क्या होगा अगेन कितना वन एट्टी तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये वन एट्टी है तो इससे कितनी भी रे निकाल दो कितनी भी रे निकाल लो जितने भी एंगल होंगे इन सबका सम क्या होगा वन एट्टी होगा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सबका सम क्या होगा वन एट्टी होगा ठीक है इसी पे क्वेश्चन करेंगे अपन इसी पे क्वेश्चन करेंगे मान लीजिए ये आपका ओ ए बी और ये आपका एक रे एंगल एक्स है ये एंगल वाई है ठीक है ना क्वेश्चन ये है, रेशियो ऑफ एक और एंगल बनाते हैं ये वाई ये है एंगल वाई इतना है और ये एंगल जेड है तीन एंगल बना दिए ठीक है रेशियो ऑफ एंगल रेशियो ऑफ एंगल एक्स कॉमा वाई एंड जेड इज इज टू इज थ्री इज टू फाइव टू इज टू थ्री इज अच्छा जितने भी स्टूडेंट मेरे से पढ़ते हैं क्लास लेते हैं एक बात बताइए मैंने आपको क्या सिखाया है कि जब भी आपको रेशियो गिवन देगा क्या करना है मैं क्वेश्चन बाद में कंप्लीट करूंगा पहले ये बात बताइए मेरे को मैंने आपको क्या बोला हुआ है जब भी आपको रेशियो गिवन दे पूरी लाइफ में करना क्या है आपको बताइए ये पूरा रिवीजन वाला है मैराथन क्लास देखिए पूरा रिवीजन एक कह रहे हैं जोर का हवा आ रहा है तो ठंडी लग रही क्या जी जोर का हवा आ रहा है तो जब भी रेशियो दे क्या करना है एक्स का मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई ठीक है ना डिवीजन नहीं जी डिवीजन नहीं डिवीजन नहीं एक्स का मल्टीप्लाई एक कोई वेरिएबल का मल्टीप्लाई करना है ठीक है तो रेशियो ऑफ एंगल एक्स वाई एंगल्स सम ऑफ समीज एंगल्स फाइंड द सम ऑफ दी जंगल्स निकालिए आंसर फाइंड द सम ऑफ दी जंगल्स फाइंड द सम ऑफ दी जंगल्स देखिए दो टाइप के मनुष्य होते हैं जैसे मान लो ये आपका घर है ये यहाँ पे है आपको अपने घर जाना है एक तो ऐसे जा सकते हैं दूसरा मनुष्य क्या करेगा पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाएगा और पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद फिर अपने घर जाएगा घर वो भी जाएगा अरे भैया यहाँ पे पूछ रहा हूं दी जंगल्स अगर ये अभी जस्ट बताइए स्ट्रेट लाइन है तो तीनों का सम क्या होगा 180 एट्टी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है तीनों का सम क्या है 180 एट्टी सॉल्व करके जोड़ रहे हो 180 आ रहा है कि नहा लघु आंसर आ रहा है क्वेश्चन तो समझो क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं मैं सम आप दी एंगल्स तीनों एंगल का सम अभी इसके जस्ट पहले यही कौन से बताया कि कितने भी रे बना दो सबका सम क्या होता है 180. तो क्या क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत थी देखो आज एक काम जरूर कर लो अपने पास कोई भारी चीज जरूर रखो और बीच बीच में अपने मारते जाओ ईमानदारी से देखिए सिलेक्शन अगर लेना है तो अपने को पनिश करना आना चाहिए सर हम लोग एडवांस से आपकी इंप्रेस करना <laughs> नींद आ रहा है लेडी <laughs> अपने भारी चीज मान लो नींद नी चला जाएगा पप्पू नाला अच्छा जब मैं पप्पू नाला ऐसा है कि जब मैं ऑलमोस्ट मेरे आने का दो या तीन दिन बाकी था ईटानगर से नो मैं दोनों जगह पे था तब मुझे पता चला पप्पू नाला ये जगह है चलो तो ये मैं क्या कह रहा हूं कि एग्जाम आने वाला है देखो एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालो क्वेश्चन सही से पढ़ा करो दुनिया भर का टाइम वेस्ट करोगे लेकिन क्वेश्चन पढ़ने में पूरा टाइम आपको बचाना है तो क्वेश्चन पढ़ने में टाइम बचाइए देखिए कभी कभी एग्जाम ना खेल देता है यहां पे खेल दिया मैंने तो सम दी जेंगल मतलब सॉली निकालना था वन एट्टी बताना था लेकिन अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं अब क्वेश्चन ये है फाइंड डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल एंड स्मॉलेस्ट एंगल जो सबसे बड़ा और सबसे छोटे एंगल का डिफरेंस है वो क्या पप्पू नाला अरे मतलब ठीक है मतलब उसको हाँ पप्पू नाला होगा कहने मतलब मैं लगभग डेली जाता था कि इंटरनेशनल नाला को दोनों जगह पढ़ाता था मैं लेकिन मेरे को जगह का नाम नहीं याद हो लास्ट में किसी ने एक है दो तो दिन बाकी था ऐसा कुछ था अब आपको निकालने की जरूरत है तो अब आपको जरूरत है आपने क्या किया कि सबसे पहले आपने क्या किया रेशियो क्या है टूटू टू क्या है रेशियो टू इटू थ्री टू फाइव है टू स्टू थ्री टू फाइव तो एक हो गया टू एक्स दूसरा हो गया थ्री एक्स तीसरा हो गया फाइव एक्स तीनों का सम कितना है वन एट्टी के बराबर तो फाइव प्लस थ्री एट प्लस टू टेन तो 10x इक्वल तू 180 तो x कितना हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 10 आंसर कितना आ गया 18 अब सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 5x छोटा कौन 2x डिफरेंट कितना है 3x तो 3 इन 2 18 कितना आंसर आएगा 54 कितना आंसर आएगा 54 तो 54 करेक्ट आंसर है ठीक है चलो बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मान लीजिए अगेन OA ये B है इस बार A की रे पास कराई मैंने ये x है ये y है ठीक है रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ x एंड y इज रेशियो ऑफ x एंड y इज 7:5 7:5 फाइंड डिफरेंस ऑफ देखो इसी में प्रैक्टिस भी करनी है सो प्लीज एक्टिव रहना है एक्टिव आंसर कोई बस वही बीस पच्चीस स्टूडेंट के आ रहे हैं बाकी लोग एकदम से छह अच्छा घंटे क्लास है ना हाँ तो आराम से बढ़िया लेट के नहीं देखना है कोई लोड पोट नहीं करेगा कोई भी लोड पोट नहीं करेगा पूरे घंटे में हम आपको लोड पोट होते हुए दिख रहे हैं क्या चलो अब यहाँ पे डिफरेंस पूछ रहा है तो एक हो गया सेवन एक्स एक हो गया फाइव एक्स दोनों को जोड़ दो वन एट्टी के बराबर कर दो तो कितना हो जाएगा ट्वेल्व एक्स इक्वल टू वन एट्टी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 2 से काटा 6 2 से काटा कितना 90 6 से काटा 15 डिफरेंट पूछ रहा है तो एक है 7x और दूसरा है 5x बचा कितना 2x x 15 पुट करो तो 2 into 15 कितना होता है 30 डिग्री 30 डिग्री आपका आंसर आ गया वेरी गुड 30 आंसर आ गया आगे बढ़ते हैं तो आपके दो एंगल होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन आ जाता है एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और दूसरे होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल दूसरे होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल देखो कोई किसी को हाय भेज रहा है मतलब ये मतलब क्या मतलब गूगल उगल है क्या मतलब यहाँ पे सर्च कर रहे हो कोई पूछ रहा है यहाँ पे देखो ये भी पूछ लो कि इस समय नहाल लगुन में आलू का रेट क्या चल रहा है भाई कोई बता दो ये भी पूछ लो मतलब सब बातचीतें कर लो मतलब चलो तो एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एक होता है सप्लीमेंट्री चलो आप लोग हंस लो फिर मैं स्टार्ट करू तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री क्या होता है ऐसे दो एंगल ऐसे दो एंगल ऐसे दो एंगल जिनका सम जिनका सम 90 डिग्री हो ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो उसको क्या बोलते हैं बताइए ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री उसको क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बोलते, है बोलते हैं या सप्लीमेंट्री बोलते हैं बताइए ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री या है, सप्लीमेंट्री देखो नोट्स बनाने के चक्कर में पड़ी है एक स्टूडेंट डाउट नोट्स बनाना है

और अगर सम 180 होता है उसको क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री उसको क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री अगर सम 90 तो कॉम्प्लीमेंट्री 180 तो क्या हो जाएगा सप्लीमेंट्री ठीक है यहां तक बात क्लियर है तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री का केस है मान लो मैं कहता हूं एंगल ए थीटा है एंगल ए थीटा है तो एंगल बी कितना हो जाएगा खबर कब सुनेंगे अभी ठीक है अगर आप सबको कॉल करके थोड़ा बुला बीच-बीच में इंटरनेट का हल्का-फुल्का वो हो रहा है इशू कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा अगर ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री है अगर ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री है एंगल ए थीटा है तो एंगल बी कितना हो जाएगा 90 थीटा सॉरी बट नाइनटी माइनस टीटा टीटा को पहली बार टीटा सुन रहा हूं मैं? Okay, लिखने में दिक्कत हो रही होगी इट्स ओके बट आ गई नाइनटी माइनस टीटा ठीक है सेम सप्लीमेंट्री में अगर ए एंगल थीटा है तो बी एंगल कितना हो जाएगा वन एट्टी माइनस टीटा ठीक है चलिए इसके बेसिस में बताइएगा अगर एंगल ए ओ बी कॉम्प्लीमेंट्री है अगर एंगल ए कॉम्प्लीमेंट्री है अगर एंगल ए दूंगा तो आपको एंगल बी बताना है ठीक है तो अगर एंगल ए नोट ऑट मत करो मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा डोंट वरी मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा नोट मत करो एक्टिव रहो नोट्स मैं खुद हैंड रिटन आपको इसका प्रोवाइड कर दूंगा टेंशन मत लो एक्टिव रहो बस अरे जस्ट जस्ट आई एम जस्ट टेकिंग फन कि वो थोड़ा सा माहौल अच्छा रहे बस ठीक है तो क्योंकि ये थर्टी है तो बी कितना हो जाएगा 60. कुछ नहीं करना है नाइनटी में क्या कर देना है माइनस कर देना है अगर ए है एट्टी नाइन तो बी कितना हो जाएगा ए एट्टी नाइन है बी कितना हो जाएगा ए एट्टी नाइन है बी कितना हो जाएगा छह सौ बता ए <laughs> है बी कितना हो जाएगा वन हो जाएगा ठीक है वन सेम यहां पे अगर सप्लीमेंट्री है एंगल ए बी सप्लीमेंट्री है अगर ए एंगल गिवन दिया है ए एंगल गिवन दिया है आपको डिग्री डिग्री सॉरी बताना एंगल बी कितना हो जाएगा वेरी गुड वन ओके लोड पोट हो गया लोड <laughs> पोट नहीं होना है भाई अगर एंगल ए वन थर्टी बी कितना हो जाएगा <laughs> मेरे को आज ही नहीं बोलूंगा ठीक है कोई बात नहीं इट्स ओके हो आज मैं अह मैंने ये बोल दिया ना कि एक्स्ट्रा नेट पैक करवा दो है ना तो मेरे पास कई स्टूडेंट के मैसेज आए कि सर नेट पैक कैसे करते हैं नेट पैक एक का है सर मेरा नेट पैक आप करवा दो मेरा नेट पैक आप करवा दो जब मैं ऑफिसर बन जाऊंगा मैं सर पे कर दूंगा मैं क्लास के लिए रेडी होना था मेरे को तो ये 130 है तो आपका बी कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा बी कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा ठीक है अब अगर एंगल एंगल ए जो है 172 डिग्री है तो बी कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा एट डिग्री ठीक है दोनों का सम कितना होता है वन एट्टी चलो वेरी गुड वेरी गुड असंभव असंभव कहा असंभव हो गया इसी पे एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं अच्छा क्वेश्चन इफ द रेशियो ऑफ इफ द रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल If the ratio of two supplementary angles हाँ जी अभी क्लियर है चलिए इफ द रेशियो ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल नहीं नहीं नेटवर्क गोन नहीं है एक्चुअली uh, दो दो तो मतलब हमारा ब्रॉडबैंड में दो एक्चुअली तो मैंने दूसरा वाला कनेक्ट किया जो थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बस नेटवर्क नहीं गया दूसरा वाला कर रहा था जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो थ्रू नहीं है मेरे थ्रू गया था इन इज टू थ्री इज टू सॉरी टू इज टू टू इज टू सेवन इफ द रेशियो ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज टू इज सेवन फाइंड सम सम ऑफ ऑफ समीज टू एंगल सम ऑफ दीज टू एंगल्स फाइंड सम ऑफ दीज टू एंगल्स सम बताना है कितना होगा वेरी गुड वेरी गुड इसे कहते हैं सीखना अलर्ट होके बैठे थे अलर्ट होके कि लास्ट टाइम हमसे गलती हो गई थी इस बार ये गलती नहीं करेंगे सर इस बार अल्ट्रा एक्टिव है प्लीज वीडियो जरूर शेयर कर देना वीडियो ये जो लाइव क्लास है आप शेयर जरूर कर देना शेयर इस बार गलती नहीं हुई तुरंत जैसे ही क्वेश्चन पूछा मैंने तुरंत आंसर किया तुरंत आंसर की सर वन है क्योंकि सम पूछ रहा है और है क्या ये सप्लीमेंट्री तो अगर सप्लीमेंट्री है तो आपका सम कितना हो जाएगा एंगल का 180 एट्टी क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अच्छा इसी में दूसरा क्वेश्चन बताइए अगर मैं पूछूं कि इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल इन दोनों में जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसकी वैल्यू निकालिए तो बताइए स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा बताइए तो अगर स्मॉलेस्ट एंगल पूछेगा तो सॉल्व करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा टू एक्स ये हो जाएगा 7x एक्स दोनों को जोड़ा इक्वल टू वन तो नाइन एक्स इक्वल टू वन तो एक्स कितना हो जाएगा आपका वन डिवाइड बाई नाइन कितना आ जाएगा कट के ट्वेंटी तो एक्स ट्वेंटी आ गया तो ट्वेंटी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो ट्वेंटी तो इंटू टू कितना हो जाएगा फोर्टी डिग्री ट्वेंटी इंटू टू कितना हो जाएगा फोर्टी डिग्री ट्वेंटी इंटू टू कितना हो जाएगा फोर्टी डिग्री ठीक है आगे बढ़ते हैं तो ये आपका हो गया कंप्लीट हाँ जी सही कह ने बताया कि सर एक घंटा कंप्लीट हो गया है अच्छा कितने लोगों को पता ही चला एक घंटा कब कंप्लीट हो गया है कितने ऐसे लोग हैं इनको पता नहीं चला घंटा कब कंप्लीट हो गया कोई तो ऐसा होगा मेरी तरह जिसको पता नहीं चला कि एक घंटा का कंप्लीट हो गया आगे जो नेक्स्ट एंगल है उसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल देखो इसी इसी को क्या बोलते है? हैं कंपेरिजन जब लोग एक घंटे पढ़ाई करते लगता है एक घंटा बहुत है अभी पता है माइंड मेकअप क्या है कि छह घंटे पढ़ाई करना है तो एक घंटा पता नहीं चला इसीलिए हमेशा गोल लाइफ में बड़े बनाओ बड़े गोल गोल लाइफ में बड़े बनाओ वर्टिकली अपोजिट एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है अगर दो लाइन को हम दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये जो एंगल्स होते हैं इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल ये जो एंगल होते हैं इसको क्या बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल ए बी सी डी तो ये जो अपोजिट साइड के होंगे इनको क्या बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल ठीक है अब बताना है हो हो एंगल ए का वर्टिकली अपोजिट क्या होगा एंगल ए का वर्टिकली अपोजिट क्या होगा एंगल ए के अपोजिट वाला हो जाएगा इसका वर्टिकली अपोजिट तो एंगल ए का अपोजिट क्या हो जाएगा सी बी कहां से हो जाएगा भाई बी कहां से हो जाएगा एंगल ए का वर्टिकली क्या हो जाएगा सी, एंगल बी का क्या हो जाएगा एंगल बी का क्या हो जाएगा बी के बताइए बी का क्या हो जाएगा? डी, ए का अपोजिट और ये आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं ये आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं अगर मैं पूछू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इसका सम कितना होगा क्या बताएंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इसका सम कितना होगा सम वेरी गुड तो ये टोटल एंगल का सम कितना हो जाएगा थ्री सिक्सटी डिग्री कितना हो जाएगा थ्री सिक्सटी डिग्री वेरी गुड चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं मान लीजिए ये दो आपकी लाइन है एक दूसरे को कट करती है अगर मैं कहता हूं कि एंगल ये जो है आपका ये है 60 डिग्री तो बताना है ये एंगल बी कितना है एंगल सी कितना है एंगल डी कितना है बताना है एंगल बी कितना है एंगल सी कितना है और एंगल डी कितना है तीनों बताना है ऑल इक्वल थोड़ी होगा ऑल इक्वल थोड़ी होगा देखिए सी और 60 ये दोनों बराबर हैं, ऑल 60 थोड़ी हो जाएगा सी और 60 बराबर है तो एंगल सी तो आ जाएगा 60 डिग्री क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल अब ये दोनों थोड़ी वर्टिकली अपोजिट है अब यहां पे बी कैसे सॉल्व होगा तो ये देखो एक स्ट्रेट लाइन है अगर मैं इसको नेमिंग कर दू तो ए स्ट्रेट लाइन है तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा वन एट्टी होगा इन दोनों का सम कितना होगा वन एट्टी होगा तो अगर ये सिक्सटी है तो बी कितना हो जाएगा तो बी क्या हो जाएगा वन एट्टी में सिक्सटी को माइनस कर दो वन एट्टी में सिक्सटी माइनस कर दो कितना आएगा वन ट्वेंटी आएगा? आएगा तो बी हो जाएगा वन ट्वेंटी बी हो जाएगा वन ट्वेंटी अब ओपांग जी एक बात बताइए ओपांग जी हमारे बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं पासी घाट में रहते हैं बड़े ही नेक दिल के इंसान भी हैं ओपांग जी एक बात आई कि एंगल डी क्या होगा एंगल डी एंगल डी कैसे निकालेंगे तो एंगल डी क्या है बी का वर्टिकली अपोजिट तो एंगल डी कितना हो जाएगा वन ट्वेंटी एंगल डी कितना हो जाएगा वन ट्वेंटी कर्मा लुकी बता रहे हैं फिफ्टी फिफ्टी कहां से आ जाएगी जी फिफ्टी कहां से फिफ्टी कहां से आ जाएगा अच्छा इत, जितने लोग लाइव हैं एक बात आइए मतलब ऐसे ही लंबी क्लास थोड़ी बहुत बीच में बातचीत में चलती रहेंगी थोड़ी बहुत बस है ना थोड़ी बहुत एक सौ बीस हाँ कितने लोगों को साउथ की मूवी बहुत पसंद है साउथ की मूवी मतलब मैं तो एकदम दीवाना हूं मतलब साउथ की मूवी कितने लोगों को साउथ की मूवी बहुत पसंद है और जब से थिएटर में रिलीज होने लगी है मैं तो मतलब पूछो नहीं मतलब मेरे इतना जीवन में इतना खुशी इंसान नहीं होगा मैं वो प्राणी हूं कि जो उन्हीं के लैंग्वेज पिक्चर देख लेता था मतलब अगर साउथ की मूवी हिंदी में नहीं आ रही तो मैं अल्ले बल्ले उसी में निपटा निपटाता था मूवी इंग्लिश सब इंग्लिश का सब टाइटल है तो बहुत बढ़िया बिना सब टाइटल के देख डालता था मैं बहुत लोग हैं देखिए मैं पहले भी कई दफा बोल चुका हूँ इस बार बहुत लोग एक साथ भीड़ में आए टोटल श्रम भी आ चुके हैं क्या बात है भैया टोटल श्रम भी आ चुके हैं आप लोग का जब तक एग्जाम का फेज चल रहा है ना एग्जाम का फेज नहीं भोजपुरी भोजपुरी तो बहुत ही अजीब टाइप से है भोजपुरी मतलब भोजपुरी तो एक बार मतलब ऐसा हो जाएगा ना कि चल क्या रहा है मतलब दिमाग मतलब अजीब अलग ही चला जाता है भोजपुरी में जब तक आपका एग्जाम का फेज चल रहा है मेरी आपसे बहुत ही दिल से रिक्वेस्ट है बहुत ही एक्सपीरियंस आप बोल रहे हैं बॉलीवुड बिल्कुल छोड़ दो और साउथ ही देखा करो आप खुश बहुत रहोगे और जब एग्जाम हो जाए फिर कुछ भी करो फिर फिर साउथ देखो बॉलीवुड बिल्कुल छोड़ दो प्यार मोहब्बत का चक्कर बिल्कुल छोड़ दो है ना तो बॉलीवुड बिल्कुल छोड़ दो साउथ ही देखो मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है उसमें कई लोग मतलब इस टाइप से कि वो साउथ में नहीं देखूंगा मूवी मतलब सीखने मैं हॉलीवुड देखता हूँ सीखने को मिलता है मतलब तुम्हारे सामने किताबें धरी हैं किताबों से नहीं सीख रहे हो इसलिए बॉलीवुड बिल्कुल छोड़ दो जब तक एग्जाम चल रहा है फिर तो कुछ भी करो चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आगे एक और इसी में बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे एक और बेहतरीन क्वेश्चन ए बी एक लाइन है सी डी एक लाइन ठीक है इस बार क्या हुआ ये एंगल एक्स है ये एंगल वाई है एंगल एक्स एंगल वाई इस बार वैल्यू नहीं गिवन देगा वो कह रहा है रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ एंगल एक्स एंड एंगल वाई इज रेशियो गिवन दिया है रेशियो गिवन कि फोर इंस टू फाइव फोर इंस टू फाइव रेशियो गिवन दिया फोर इंस टू फाइव फाइंड वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ इसको मान लो जेड मान लो इसको डब्लू मान लो फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल डब्ल्यू एंगल डब्लू मतलब ये वैल्यू तो पूछ रहा है एंगल डब्लू कितना होगा तो एंगल डब्लू के लिए सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा एंगल वाई कितना है एंगल वाई आ जाएगा उसका अपोजिट वाला होगा कह रहे हैं सर एसआई के एग्जाम में हॉलीवुड मूवी के ऊपर क्वेश्चन आया था इसलिए हॉलीवुड की मूवी देखना चाहिए मतलब एसआई के एग्जाम में मेरे हिसाब से मैथ में सौ क्वेश्चन थे जीके में सौ क्वेश्चन थे इंग्लिश सब्जेक्टिव था तो 200 क्वेश्चन ये होगा इंग्लिश के क्वेश्चन में काउंट नहीं कर रहा हूं दो में एक क्वेश्चन हॉलीवुड का आया था तो कहना है सर हॉलीवुड की मूवी देखना चाहिए मतलब इसके अलावा जो बाकी 199 क्वेश्चन है उनसे मतलब नहीं है सर मेरे को एंगल वाई कितना होगा हो सकता है जो बनाने वाला ये पूछ सकता है रेबिड के दांत कितने हैं तो हो सकता है कि मान लो हॉलीवुड का दीवाना हो मैं तो साउथ के पूछूं अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं चलिए एंगल वाई कितना है वाई पता करो तो उसके बाद डब्लू आ जाएगा तो एक्स प्लस वाई मतलब क्या फोर एक्स प्लस फाइव एक्स कितना हो जाएगा सम वन एट्टी तो नाइन एक्स इक्वल टू वन एट्टी रेबिड के तीर कितना होता है हमसे पूछ रहे एक स्टूडेंट हमारी थी जिनके घर में खुद रेबिट पला था उनको नहीं पता था एग्जाम के तक कि उसके तीत कितने हैं उनको चार ही दिखा करते थे बेचारा उनका क्वेश्चन गलत हो गया जिनके सामने प्रैक्टिकली हमेशा रेबिट घूमता था तो एक्स कितना आ गया ट्वेंटी अब वाई निकालना है तो वाई कितना है फाइव एक्स तो फाइव इंटू ट्वेंटी कितना हो गया हंड्रेड तो वाई हंड्रेड तो डब्लू हंड्रेड ई हंड्रेड तो डब्लू हंड्रेड ठीक है तो डब्ल्यू कितना हो गया हंड्रेड आ गया आपका चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्या है पहला लाइन आने वाली है आपकी पहला लाइन ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट पहले लाइन में तीन एंगल बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन बताएगा पहले लाइन की कंडीशन क्या होती है यू वेरी वेरी कमेडी आई लव हार्ड हार्ड सबसे पहले तो आप इंग्लिश ग्रामर के क्लास ज्वाइन करो और अगर आप ज्वाइन करते हो, तो मैं सर सर का सर जो मैं पढ़ाते हैं इनकी आ, मैं सैलरी गम करूंगा सर मतलब अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं आपको मीट अरे मोंगलाइन जी आ चुके हैं क्या बात है जी कैसे हैं जी आप ये हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट है और अच्छा लगता है कोई पुराना स्टूडेंट मिल जाता है अच्छा अच्छा ये लिख रहे हो आप नेवर मीट ईच अदर मुझे लगा कोई अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बता रहा है हाँ तो पहला लाइन क्या होती है वेरी गुड पहला लाइन क्या होती है जो कभी मीट ना करें ठीक है ना जो कभी मीट ना करें या इंटरसेक्ट ना करें ठीक है इंटरसेक्ट वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा मीट मतलब तो मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ी देर ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं होंगे आगे जाती जाएंगी आगे पीछे कहीं इंटरसेक्ट नहीं होंगे ठीक है अच्छा ये एक ट्रांसफर लाइन कट कर रही है तो इसमें टोटल आठ एंगल बन रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच टोटल आठ एंगल बन रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू इज कॉन्स्टेंट ये भी सही है मीट एट इन्फिनिटी ये फिर से कुछ भावना वाली बात लग रही है कि हम यहाँ नहीं दुनिया के उस कोने पे आपसे मिलेंगे मीट एट infinity सौ जन्म लेने से भी दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे बस 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 भावनाएं बाहर मत निकालो कोई बात नहीं सो के आज तो कम से कम आज तो ना निकालो आज तो वन सेवेंटी लाइव है चलो टोटल आठ एंगल बनते हैं इन आठ एंगल में बताना है आपको कि कौन कौन से एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ए के वर्टिकली अपोजिट कौन है बताना है बी के वर्टिकली अपोजिट कौन है बताना है ई वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट अपोजिट कौन कौन है 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 बताना बताना एफ के अच्छा मैं अपने बारे में अच्छा कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जो पहली बार ऐसा भयानक सा चेहरा मेरा देख रहा है किनारे कहने मतलब पहली बार मेरे से पढ़ रहा है तो अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मेरा नाम अमरजीत सर है और मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं इसीलिए मैं बॉलीवुड की मूवी नहीं देखता हूं साउथ की ही मूवी देखता हूं तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं साउथ क्यों देखता हूं ठीक है तो साइड में जो भयानक से चेहरा दिख रहा है बार बार वो चेहरा इस इंसान का है तो कहीं पे भी आपको दिख जाए इंसान तो पहचान लीजिएगा है ना चलो बाकी ढूंढना बहुत आसान है दिल्ली में चाय आया की दुकान में देख लेना मिल जाएगा सर ठीक है तो एंगल ए का वर्टिकली क्या है? एंगल सी बी का क्या एंगल डी और ई का क्या है एंगल जी और एफ e का क्या है? एंगल एच देखो हमको विलन बना दिए बताओ बताइए बाकी स्टूडेंट बताइए देखो हमको कहना है साउथ विलन जैसे हो आप बताओ बताओ इतने सीधे साधे सारे आपके होता हो विलन बता दिए चलिए अब ये जो आपके एंगल है इसके अलावा इसके अलावा यहां पे तीन एंगल और होते हैं तीन एंगल पहला एंगल आपका होता है अल्टरनेट एंगल दूसरा एंगल होता है आपका इंटीरियर एंगल और तीसरा नहीं, रो भी नहीं है तीसरा एंगल होता है करेस्पॉन्डिंग एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल एंगल हीरो 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 नहीं भी नहीं भी वो जो पिक्चरों में साइड में बैठ के चाय पीते हैं ना साइड में बैठ के बस उसको मान लो देखो अब बिरयानी ठूस के खाने वाले लगते हो ले मतलब मतलब सर मोटे हैं तो सर के मतलब ऐसा मजाक उड़ाओगे बताओ हैं अब बताओ बुरा मान गए आप हैं बुरा मान गए भाई आपकी बात की मैं अल्टरनेट एंगल इंटीरियर एंगल करस्पोंडिंग एंगल ठीक है तीन एंगल होते हैं इन तीनों एंगल को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है देखो मैं एक चीज बता दू आप कोई पहले सदस्य नहीं हो मैं अपने आसपास अगर दस लोग लग, मिलते हैं दस लोग उनमें से नौ लोग मेरे को बोलते हैं कि तुम बहुत मोटे हो इंक्लूडिंग माई मदर एक सुना था कि माँ को अपना बेटा हमेशा पतला लगता मेरी माँ को भी मैं मोटा लगता ठीक है ना तो मैं सरप्राइज नहीं होता हूँ और मेरे को खाना पसंद है इसमें कोई कम्प्रोमाइज ही नहीं मुझे लगता है किसी न किसी वेरिएंट नए नए वेरिएंट आते हैं कोई ना कोई तो निपटी जाएगा कोई ना कोई वेरिएंट में निपट जाएंगे अपन ये खाना छोड़ना नहीं है और ऐसा नहीं कि मैंने जिम जाना ट्राई नहीं किया मैं मैंने से बार ट्राई किया जिम जाना अब जब वो मेरे को देखता था जिम वाला एक्सरसाइज करते उससे कहा कि तुमसे नहीं हो पाएगा मुझे लगा इतना इसको एक्सपीरियंस है दो तीन साल का ऐसे झूठ थोड़ी बोलेगा तुमसे नहीं हो पाएगा बस अगले दिन में फीस वापस ले लिया करता था तो ये चलता रहा तो मैंने ऐसा नहीं कई बार ट्राई किया लेकिन हर बार वो नया ट्रेनर मिलता था वो तो यही बोलता तुमसे यार ये नहीं हो पाएगा वो मेरे को मोटिवेट करता था तुमसे नहीं हो पाएगा उसको लगा कि ये बहुत दम लग करेगा मुझे लगा इतना एक्सपीरियंस वाला आदमी बोल रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा तो सही बोल रहा होगा मैं वापस आ जाया करता था यही चलता रहा जी चलिए कोई बात नहीं करेस्पोंडिंग एंगल करेस्पोंडिंग एंगल तो पहला एंगल क्या है आपका करेस्पोंडिंग करेस्पोंडिंग एंगल करेस्पोंडिंग एंगल ठीक है तो करेस्पोंडिंग एंगल क्या होता है कि जैसे मान लो दो पहला लाइन है दो पहला लाइन है और ये पहला लाइन में क्या होता है जो सेम साइड में एंगल बनते हैं करेस्पोंडिंग की पहली पहचान क्या है पहली पहचान ये कोई नहीं बताएगा मैं बता रहा हूं ध्यान सुनना ठीक है ना सेम साइड में एंगल होते हैं कैसे पहचानों के को सेम साइड में एंगल होता है करेस्पॉन्डिंग अच्छा बात कुछ भी मतलब है सेम साइड में एंगल होते हैं ठीक है जैसे ये ए ई एच क्या है सेम साइड में बी डी बी सी एफ जी क्या है सेम साइड में है ठीक है पहली पहचान दूसरा क्या है दूसरा कि एक के बाद दूसरा होता है जैसे एंगल ए पकड़ा तो डी को छोड़ दो नेक्स्ट क्या है ई e, ठीक है इसकी दूसरी पहचान एक को पकड़ा नेक्स्ट छोड़ दो तीसरा क्या है ई e. ये दोनों क्या हो जाएंगे करेस्पॉन्डिंग ठीक <laughs> है तो करेस्पॉन्डिंग की पहचान क्या है पहला तो सेम साइड में एंगल होते हैं पहला क्या होता है सेम साइड एंगल दूसरा क्या अगर ए पकड़ा तो दूसरे वाले छोड़ दो फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा वो हो जाएगा तो एंगल ए नेक्स्ट क्या हो जाएगा डी छोड़ो ई तो एंगल ई e, दोनों क्या हो जाएंगे करेस्पॉन्डिंग ऐसे अगर मैं पूछूं आपसे एंगल डी का डी का बताइए तो डी का क्या हो जाएगा एच वेरी गुड अब अगर मैं ई e का पूछूं ऐसा नहीं कि ई e के बाद आगे बढ़े जा रहे हैं आगे कुछ नहीं दिख रहा तो देखे जा रहे हैं आगे नहीं तो पीछे जाओ तो ई e का क्या हो जाएगा तो ई e के पीछे डी डी छोड़ दो तो ए तो ई e का क्या है ए ठीक है चलो ऐसे बताओ एंगल बी का क्या हो जाएगा बी का बी का करेस्पोंडिंग क्या हो जाएगा बी का बी का करेस्पोंडिंग क्या हो जाएगा एंगल बी का करेस्पोंडिंग वेरी गुड एंगल बी का क्या हो जाएगा सी छोड़ दो एफ तो एंगल बी का क्या हो जाएगा एंगल एफ सेम अगर मैं पूछूं एंगल सी का क्या हो जाएगा तो एफ छोड़ दो एंगल जी सी का क्या हो जाएगा एंगल जी सी का क्या हो जाएगा एंगल जी ठीक है यहां तक क्लियर है इसको बोलते हैं कैरिस्पॉन्डिंग एंगल तो एक बार ईमानदार बताइए क्या सारे स्टूडेंट को करेस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढना आ गया कि नहीं आ गया यस और नो क्या सारे स्टूडेंट को करेस्पोंडिंग एंगल ढूंढना आ गया कि नहीं आ गया नेक्स्ट क्या है अल्टरनेट एंगल नेक्स्ट क्या है अल्टरनेट एंगल अल्टरनेट एंगल तो अल्टरनेट एंगल कैसे ढूंढेंगे उसको ध्यान से देखिए अब ये जो पैल लाइंस हैं उसको ये ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है तिरछी लाइन तो ये जो अंदर वाले एंगल हैं पहला लाइन के अंदर वाले एंगल हैं अंदर वाले अंदर वाले इनमें ही होगा अल्टरनेट एंगल और नेक्स्ट क्या होता है इसके नेक्स्ट वाला इंटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल इन्हीं अंदर वाले में ही होगा इंटीरियर एंगल तो देखो कैर्स पौने की पहचान क्या थी कि सेम साइड वाले सेम साइड वाले इन दोनों के पहचान क्या है कि जो पहला लाइन के अंदर चार एंगल है ना जैसे मान लो ये बोलू एच तो अंदर वाले एंगल कौन है एंगल सी एंगल डी एंगल F, एंगल एफ e. ई इन्हीं चारों में होंगे अल्टरनेट इन्हीं चारों में होंगे इंटीरियर तो अल्टरनेट क्या हो जाता है अपोजिट वाले तो एंगल सी का अपोजिट क्या हो जाएगा एंगल सी का अपोजिट एंगल सी का अपोजिट क्या हो जाएगा एंगल ई e. तो एंगल ई e, एंगल सी क्या हो जाएंगे अल्टरनेट सेम ऐसे एंगल डी का अल्टरनेट क्या हो जाएगा बताइए एंगल डी का अल्टरनेट क्या हो जाएगा एंगल डी का क्या हो जाएगा एंगल एफ क्या जा हो जाएगा जा जा जा, एंगल एफ ठीक है अल्टरनेट एंगल अब जो इंटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है सेम सेम वाले. सेम सेम साइड साइड वाले 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 जैसे डी डी और और ई ई अंदर होंगे लेकिन वाले, D और e. तो इंटीरियर आपस में इक्वल नहीं होते हैं इनका सम 180 होता है जैसे मैं कहूंगा एंगल डी और एंगल ई इन दोनों का सम क्या हो जा जाएगा वन डिग्री किसकी वैसे इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की वैसे किसकी वजह से इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की वैसे सेम ऐसे एंगल सी और एंगल एफ का सम कितना हो जाएगा डिग्री हो जाएगा तो इंटीरियर में इक्वल नहीं होते इनका समय एट्टी हो जाता है ठीक है यहां तक बात क्लियर है यस और नो ये लंबी जर्नी है बताते चलो कहते नहीं जैसे कोई कहानी सुना रहा है तो बीच में उसको बोलते चलो जैसे मेरी नानी बचपन में कहानियां वो सुनाया करती थी हमको तो अगर बीच में हम हुई बनना बंद बन कर दे हुकी उसको बोलती नानी हाँ 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 हा, इसको बोलना अगर बंद कर दे तो वो डांटने लगती थी तो भाई बताते चलो भैया एकदम तो पता चले कि हम अपने आप को सुना रहे हैं अपने आप को मैथ पढ़ाए जा रहे हैं देखो एक चीज मैं आपको बता दू मैं ऑफलाइन को बहुत ज्यादा एंजॉय करता था क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है फेस दिखते हैं एक्सप्रेशन दिखता है तो ज्यादा मजा आती है अब क्या हुआ कि मजबूरी ऐसी आ गई सिचुएशन ऐसी आ गई कई लोग नहीं एफोर्ड कर सकते हैं या इंटरनगर नहा लोग नहीं आ सकते हैं तो आपका यहाँ बहुत जोरी हो गया ऑनलाइन के लिए तो स्टार्टिंग में ऑनलाइन मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था मैं पहली बार जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मुझे लगा कि मैं पागल हो गया हूँ मतलब खुद ही से बतिया रहा हूँ है ना सामने कोई नहीं है मैं समझा रहा हूँ तो ऐसे ही क्या होता है कि जैसे लाइव क्लास चल रही है तो आपके लिए क्या होगा कि स्क्रीन में आप हैं आपको आंसर करना है मेरे को क्या होता है बोलना होता है आया या नहीं आया तो बस मैं एक सामने डिवाइस देख रहा हूं अगर मान लो आप नहीं करते हो तो मैं मेज देखने लगता हूँ तो नहीं करते हो तो ऐसा लगता है मैं खुद से बात कर रहा हूँ ना मेज से बात कर रहा हूँ जमीन से बात कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा रिस्पॉन्स जरूरी है है ना तो पता चले आपके सर को एडमिट करना पड़े पागली हो जाए है ना कि खुद से बतिया रहे हैं वो ऐसा ना हो ठीक है चलिए बहुत बढ़िया बहुत बहुत अब ये जो कहानी स्टार्ट हुई थी ये जो कहानी स्टार्ट हुई थी ये तीनों एंगल की इसका काम क्या था तीनों एंगल का काम क्या था इसको देखते हैं ठीक है तो काम ये है कि जो टोटल आठ एंगल हैं अगर कोई भी एक एंगल पता चल जाता है तो बाकी एंगल अपने आप पता चल जाते हैं ठीक है पहले हंस लो पहले हंस लो फिर बताते हैं ठीक है आराम से हंसने का टाइम देंगे आज तो छह घंटे क्लास है एक घंटे वाले में टाइम नहीं देता था आराम से हंस लो पहले चलो अब स्टार्ट करते हैं मान लीजिए ये आपका थर्टी डिग्री है ये हो गया एंगल बी ये हो गया एंगल सी ये हो गया एंगल डी ये ई e, ये जी ये एच ये ठीक है अब पता करना है कि बाकी एंगल की वैल्यू क्या होगी सर आपसे मिलके दिल गार्डन गार्डन हो गया अरे सिलेक्शन लो सिलेक्शन के बाद सर फीस बहुत कमती है ऑनलाइन की अरे ऐसा नहीं फीस कमती कमतीमती है देखिए अभी जो मैं फीस ले रहा हूँ ये अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए ले रहा हूँ मेरा मेन फीस क्या है जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपकी एक महीने की सैलरी मैं ले लूंगा आपकी एक महीने की सैलरी मैं छीन लूंगा मेरा मेन फीस तो वही है इसमें क्या होगा ये तो ऐसे ही दाल रोटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए कि आठ नौ टीचर हैं कुछ खाएंगे पियेंगे हम चाय वाय पियेंगे मेन सैलरी तो ये है कि आपका फीस मेरा मेन फीस ये है कि आपका सैलरी छीन लूंगा मैं अरे बुरा नहीं मान अनुजी कैसी बात कर रहे हैं मैं बस मैं कभी बुरा नहीं मानता हूं ऐसी कोई बात नहीं जी चलिए तो एंगल बी सी डी ई एफ एस सबको निकालना है सबको निकालना है ठीक है तो कातिल गुजर जी ने बताया वन फिफ्टी और थर्टी किसको बता रहे हो आप है ना मतलब कौन से एंगल है थर्टी पहले तो आपका फोटो जो कातिल गुज्जर का से है जब मैंने मेला मूवी देखी तो मुझे बहुत डर लगता था मुझे आज भी आपसे डर लग रहा है जी एकदम खतरनाक फोटो कैसे लगा लिए आप एफ जी एच सब निकालेंगे सब तो एंगल ये 30 है तो ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा सी वाला अच्छा बी 150 है ओके तो ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा तो सी कितना हो जाएगा 30 सी 30 अच्छा ये बताइए बी कितना हो जाएगा बी बताइए है कि नहीं है एक वो बहुत डरावना था एक हुई मैं भूल रहा जाऊं आस्तोस राणा की मूवी थी कुछ वो बहुत डरावनी थी अब तो मेरी शकल खुद ही इतनी डरावनी है मेरे रिलेटिव रिलेटिव जो है मतलब मैं तो अनमेरिड हूँ लेकिन मेरे जैसे दीदी दीदी के जो बच्चे हैं सब मेरे से बहुत डरते हैं जबकि मैं कभी उनको डांटता भी नहीं हूँ शकली मेरी ऐसी है कभी कभी मैं तो खुद ही शीशे में देख के अपने आप को डर जाता हूँ अचानक नींद खुलती शीशा देखा मैं खुद डर जाता हूँ फिर मैं अपने आप को समझाता हूँ कोई बात नहीं भाई हो जाता है ऐसा इस सो मतलब भगवान ने जैसा बना दिया क्या कर सकते हैं इक्वल टू कितना हो जाएगा तो देखिए इन दोनों का सम कितना होता है वन वन एट्टी स्ट्रेट एंगल तो ये थर्टी तो बी कितना डी डी वन फिफ्टी सी तो थर्टी D? D तो आ चुका है अब देखिए ई e कैसे निकालेंगे ई e. तो ये थर्टी है तो इसका करस्पोंडिंग e है तो e भी थर्टी हो जाएगा ऐसे B 150 है तो का करस्पॉन्डिंग है तो ये भी 150 हो जाएगा H कैसे निकालेंगे वर्टिकली अपोजिट तो H कितना हो जाएगा 150 और G कितना हो जाएगा 30 तो एक से सारे एंगल निकल गए एक से चलो एक और कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे एक और लास्ट अगर मैं बोल रहा हूं कि ये एंगल आपका ये जो एंगल है 50 डिग्री है 50 डिग्री जो मैं एंगल बोलूंगा कल वही बताना कल वही जो मैं पूछूं बस वही बताना है बताइए ये एंगल कितना होगा ये जो पूछू वही बताएगा केवल इसको ए बोल दिया ए तो बताइए ए एंगल कितना होगा एंगल ए कितना होगा एंगल ए वेरी गुड फिफ्टी एंगल ए कितना है फिफ्टी चलिए बताइए ये एंगल कितना हो जाएगा ये एंगल ये एंगल जो पूछू वही बताना केवल ये एंगल कितना हो जाएगा मान लीजिए बी बोल दिया तो एंगल बी कितना हो जाएगा <laughs> देखिए दोनों का सम क्या हो जाएगा वन तो बी कितना हो जाएगा वन थर्टी क्योंकि स्ट्रेट लाइन दोनों का सम वन ठीक है चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अच्छा ये बताइए एंगल एंगल ये कितना हो जाएगा ये वाला इसको सी बोल दिया एंगल सी कितना हो जाएगा सी पापू जी बताइए एंगल सी कितना हो जाएगा सी ये भी कितना हो जाएगा ठीक है चलिए बहुत बढ़िया सबको क्लियर है सबको क्लियर है सबको क्लियर है वेरी गुड सबको क्लियर है आपको सकन खराब होने से भी दुनिया का सबसे टैलेंटेड है कह रहे हैं आपको सकन खराब होने से सकन अच्छा सकल लिख रहे होंगे सकल खराब होने से भी आप दुनिया का सबसे टैलेंटेड है हम क्या करें खराब ऊपर से अरे ऐसा कुछ नहीं है जी आज देखो स्कूल में भी क्लियर नहीं था आज क्लियर हुआ है अच्छा अनु जी अनु जी सही में क्लियर हुआ है या आप बस उसको बैलेंस कर रहे हैं आपको लगता है सर गुस्सा हो गए मैं तो पहले बता दू मैं मजाक खूब करता हूँ मजाक करें, मैं उसको करे मैं गुस्सा नहीं होता हूँ आदमी कम हो रहा है सर अरे कोई लेबर थोड़ी है कि घर बन रहा था मेरा क्या आदमी कम हो रहा है स्टूडेंट है पढ़ाई कर रहे हो सकता है कुछ काम पड़ गया और फिर आ जाएंगे आदमी कम हो रहा है ऐसा लग रहा है हाँ मेरा मकान बन रहा था मैंने लेबर बुलाए थे दो सौ आधे चले गए चुनौती रगड़ने चुनौती रगड़ने आधे चले गए और चुनौती रगड़ते रगड़ते आगे निकल गए हैं सर आपका नेट इनकम कितना है नेट इनकम 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 क्या करोगे भाई जान लेकिन इतना बहुत ही गरीब टीचर है <laughs> बहुत ही गरीब टीचर है हम है ना केवल पैसे के मामले में <laughs> वॉशरूम ब्रेक दीजिए चलिए अच्छा ठीक है ठीक है ब्रेक व्रेक तो देखिए देखिए ब्रेक का ब्रेक का बहुत सिंपल सा तरीका है बहुत ही सिंपल सा जिसको कोई भी जरूरत हो जाए और लीस्ट लीस्ट टाइम पे वापस आ जाए क्लास ब्रेक नहीं होगी मेरा ट्राई तो यह रहेगा कि मैं छह घंटा यहाँ बैठू मेरा ट्राई ये रहेगा ट्राई तो मैं यही रहेगा छह घंटा यहीं बैठूँ अगर जरूरत है लीस्ट लीस्ट टाइम के लिए वापस आ जाओ फिर सर आप शादी करेगा कब शादी करेगा <laughs> शादी मतलब सारे क्वेश्चन आज पूछ डालो इस टाइप से हैं मतलब हमारे घर वाले कम है जो आप हाँ पूछना स्टार्ट कर दिए उनका एक ही क्वेश्चन होता है चलिए नेक्स्ट टॉपिक ट्रैंगल

कॉलेज में इंटर किया था मैं डिसाइड कर लिया था कि यहाँ से मैं फाइनेंशियली फाइनेंशियली घर वालों पे डिपेंड नहीं करूंगा तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं टीचिंग लाइन में ऐसे आया कि वो मुझे अपनी पॉकेट में ही निकालनी थी बस डेट इट पॉकेट मनी तो यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूट पर पढ़ाया मैंने ज्वाइन किया कि मेरी पॉकेट मनी आ जाए कि मैं अपने फाइनेंशियली अपने घर पे डिपेंड नहीं करूंगा तब आई थिंक टू की बात थी जब मैंने बी स्टार्ट किया फिफ्टीन की और वहां से मैंने टीचिंग करना स्टार्ट किया तो कभी कभी सही कभी-कभी ऐसा हो जाता था ये होता है कि लाइफ में कोई मैंने अपना बना लिया एम या कोई मैंने अपना एक मेरे प्रिंसिपल है फिर उस पर मैं कंप्रोमाइज नहीं करता हूँ तो स्टार्टिंग में मेरा बहुत ही ज्यादा होता कम कि कभी कभी ऐसा होता था यकीन मानिए जैसे मंथ का फिक्स है कि मान लो मेरी जब स्टार्टिंग की अर्निंग ऐसी होती है टेन के या कभी फाइव के है ना स्टार्टिंग में तो कभी कभी ऐसा होता था कि मान लो मेरे पास एक दिन जैसे कल मेरे को पैसे मिलने ट्यूशन के एक दिन आज पैसे नहीं मिले तो हो सकता है मैं पूरी रात या पूरा दिन मैं भूखा भी रहा हूँ लेकिन मैंने फिर घर वालों से पैसे लिए नहीं क्योंकि मेरा प्रिंसिपल मैंने क्या बना लिया था कि मेरे को जैसे कॉलेज में एंट्री किया मेरे को इंडिपेंडेंट होना है फाइनेंसली तो लाइफ में कभी भी कुछ एक अपने प्रिंसिपल सेट करो फिर कुछ भी हो जाए कुछ भी उस पर आपको टस से मस नहीं होता है कुछ भी दुनिया इधर की उधर हो जाए बाकी चिल रो अपने को फ्लेक्सिबल रखो तुरंत कहीं नए एनवायरमेंट में अडोप्ट कर जाओ सबकी बातें सुनो समझो लेकिन कुछ लाइफ में अपने एम बना लो इसके बाद आपको उस एम या अपने गोल या अपने प्रिंसिपल उनमें कंप्रोमाइज नहीं करना है आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट है देखिए एग्जाम का मेरा जो एक्सपीरियंस था मेरा खुद के एग्जाम निकालने का या मैं उसके बाद मैं टीचिंग करना स्टार्ट कर दिया फिर लगातार मैं टीचिंग ही कर रहा हूँ तो 22 हो रहा है कभी भी ब्रेक नहीं हुआ लगातार से मैं टीचिंग ही कर रहा हूं कंपिटेटिव एग्जाम के मैं मतलब मैथ तो मैं मैं पढ़ाता था ठीक है तो कंपिटेटिव एग्जाम का एक ही रूल है कि आप एक चीज फिक्स कर लो अगर आपको एग्जाम की तैयारी करनी है कि नहीं करनी है अगर एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप उस पूरे उस पूरे टाइम को आपको बिल्कुल फिक्स कर लेना एग्जाम ओरिएंटेड ठीक है अगर नहीं तैयारी करनी टोटली ऑल राइट आप किसी और चीज में फोकस करिए कम्पिटेटिव एग्जाम का एक ही रूल है ये बीच में नहीं फंसना है कि हाँ चल रही है हाँ नहीं चल रही है मान लो मैं कभी के स्टूडेंट पूछता हूँ कहीं तैयारी चल रही है हाँ ठीक है ऐसा चल रही है कट रही है इस टाइप से ऐसा नहीं तो एक बहुत सिंपल सा <laughs> सर, सर सर का शादी में सर के साइड से बहुत आएगा तो मैं डेस्टिनेशन कर लूंगा ना मैं अरुणाचल में आके कर लूंगा डेस्टिनेशन वैसे मेरे को तवांग और ये बहुत तवांग और ये बहुत ज्यादा क्या नाम है उसका चुका। दो जगह तो बहुत ज्यादा पसंद है मेरे को सर आपने यूपीएससी ट्राई किया मेरा स्टार्टिंग से टीचिंग हो गया था फिर मैं बिजनेस साइन में कूद गया था यूपीएससी मेरे को ये था कि लाइफ में एक बार जरूर देना है तो हो सकता है कि यूपीएससी में जल्दी स्टार्ट करूंगा एक बार प्रिपरेशन जरूर करना है चलिए थोड़ा सा ये मैं बस सबको बोल रहा था कि बस एग्जाम अगर देना है तो आपको हंड्रेड परसेंट तैयारी करनी है ये फिक्स कर लो ठीक है अब स्टार्ट करते हैं ट्रेंगल को तो सबसे पहले ट्रेंगल को स्टार्ट करने के पहले ट्रेंगल को स्टार्ट करने से पहले आप ये बताइए कि जो ट्रेंगल होता है उसमें सम ऑफ थ्री एंगल कितना होगा अरे जी, थोड़ा अप करेंगे, आप मत थोड़ा सा, थोड़ा सा स्लो रखना देखो, जो बैंक है, तीन घंटे में मैं कर दूंगा तीन घंटे में हंड्रेड क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे तो स्टार्टिंग तीन घंटे अपने ज्योमेट्री फोकस करना है जैसे ये एक घंटे का ट्रैंगल है आप बिल्कुल फिक्स ना करिए फिक्र ना करिए तो ट्रेंगल के तीन एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है वन एट्टी डिग्री अगर मैं आपसे पूछूं ट्रेंगल को डिफाइन करो कैसे ट्रेंगल को डिफाइन करोगे अगर ट्रेंगल को डिफाइन करना है कैसे डिफाइन करोगे वेरी गुड वेरी गुड अनु जी वेरी गुड पापो जी आपने बिल्कुल सही बताया ओलिकॉन ठीक है ज्वाइन टुगेदर बाई थ्री नाइन वेरी गुड आपको ये जरूर मैं क्लोज फिगर ठीक है अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये जरूर में क्लोज फिगर ओनली थ्री साइड बोलेंगे तो थ्री साइड टू ये भी हो गया ट्रेंगल थोड़ी है क्लोज फिगर ठीक है अब इसी में एक क्वेश्चन ले लेते हैं मान लो मैं कह रहा हूँ ये एक ट्रेंगल है ए बी सी ट्रैंगल है इस ट्रेंगल में एंगल ए बी सी अगर मैं कह रहा हूं रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ एंगल ए कॉमा एंगल बी एंड एंगल सी इज रेशियो ऑफ एंगल ए कॉमा बी कॉमा सी इज टू टू थ्री टू फाइव फाइन एंगल ए फाइन एंगल है फाइन एंगल है क्या हो गया टोबी तो जी क्या हो गया ठीक है एंगल ए बताना है तो यहां पे क्या हो जाएगा तीनों एंगल हैं इनका सम क्या टू एक्स थ्री एक्स फाइव एक्स तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 तो फाइव प्लस थ्री एट प्लस टू कितना टेन 10. तो टेन एक्स इक्वल टू कितना 180 तो एक्स कितना हो जाएगा 180 डिवाइड बाय टेन नहीं मैं इस वे में कह रहा हूं क्योंकि � कभी होता ना कि मैं कमेंट में ध्यान नहीं दे पाता हूं बट ऐसा अगर कोई भी कमेंट है किसी का तो ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है ऐसी कोई बात जो मतलब मेरे उसके खिलाफ है एक्सेप्टेबल नहीं है इस वजह से। अदरवाइज ओके क्योंकि जो मेरा नाम है फेसबुक में खुद ही है अमरजीत सरिता सिंह और सरिता सिंह मेरी मदर का नाम है तो कोई इससे बड़ा गिफ्ट क्या ही देगा अपनी मदर को मदर्स डे में मेरा नाम ही उनके से स्टार्ट होता है तो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं तो ये आपका सबसे बेसिक क्वेश्चन ट्रेंगल कैसे स्टार्ट होता है सबसे बेसिक क्वेश्चन ठीक है अब ट्रेंगल में जो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है दैट इज टाइप ऑफ एंगल टाइप ऑफ ट्रेंगल टाइप ऑफ ट्रेंगल दूसरा क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है उसमें आता है टाइप ऑफ ट्रेंगल तो टाइप ऑफ जो ट्रेंगल होता है ट्रेंगल को बेसिकली दो वे में कैटेगराइज करते हैं पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड साइड के बेसिस पे ट्रेंगल को क्या करते हैं कैटेगराइज बेसिस ऑफ साइड साइड के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं ट्रेंगल को कैटेगराइज करते हैं तीन पार्ट होते हैं पहला पार्ट हो जाएगा हाँ जी साइड के बेसिस में होता है सबसे पहला पार्ट होता है इक्विलेटर ट्रेंगल इक्विलेटर ट्रेंगल इक्विलेटर ट्रेंगल ठीक है इक्विलेटर ट्रेंगल की पहचान क्या होती कोई बताएगा स्टूडेंट क्टर ट्रेंगल की क्या पहचान होती है क्या बात है जेकर जी भी आ चुके हैं की क्या पहचान होती है उसकी तीनों साइड क्या होती है इक्वल होती है ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू कितना ऑल इक्वल। ऑल साइड इक्वल और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं अच्छा ये क्वेश्चन पूछ लेता है फाइंड ये क्वेश्चन पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में एल में आया हुआ है वॉट इज द वैल्यू ऑफ ईच एंगल ऑफ एक्टर ट्रेंगल एक्यूलेटेड ट्रेंगल के ईच एंगल की वैल्यू क्या होगी ये क्वेश्चन पूछा है एलडीसी एग्जाम में इस बार के नहीं पिछले बार वाले इस बार वाला एल एग्जाम तो इतना तो पाया था इतना तो पाया था कि एपीपीएससी उसके सामने कुछ नहीं है मैंने तो में बोला भी था, मैंने बोला भी भी था था मैंने कि इस बार से अब कोई सरकारी तैयारी करेगा तो वो भी एपीपीएससी को टारगेट करे तब एल डी सी निकलेगा बहुत डिफिकल्ट आया था इस बार का तो तीनों एंगल कितना हो जाएगा सिक्सटी डिग्री ऑल एंगल इक्वल तो सिक्सटी 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 तो ईच एंगल कितना हो जाएगा सिक्सटी है equilateral का वेरी इंपॉर्टेंट एरिया क्या होगा एरिया अच्छा एरिया के पहले एक और बात कर लेते हैं इसका पेरीमीटर क्या होगा पेरीमीटर तो पेरीमीटर वर्ड जैसे माइंड में एक सिंपल चीज रखो कि जो भी इसकी साइड है सारी साइड को सम अप कर दो सारी साइड को क्या कर दो सम कर दो जो भी आंसर आ जाएगा उसको पेरीमीटर बोलेंगे ठीक है तो मान लो ये साइड ए है ये ए है ये ए है, है तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा अगर एल लोगे एल एन जोन जी थ्री एल हो जाएगा एस लोगे थ्री एस हो जाएगा तो भी जी ने ए लिया तो थ्री ए हो जाएगा जिकर जी ने ए लिया थ्री हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड तो सारी साइड को जोड़ देना है पैरिमीटर हो जाएगा थ्री ए ने लिया है एक्स तो थ्री एक्स हो गया तो पेरीमीटर तो इजी है नेक्स्ट क्या है एरिया इसके एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए इसके एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट इसके एरिया फॉर्मूला तो ट्रायंगल ट्रेंगल एरिया होता है रूट थ्री बाई फोर इंटू इंटू साइड का स्क्वायर अब देखो कोई एल ले रहा है कोई ए ले रहा है कोई एक्स ले रहा है कोई नाह ले रहा है कोई ले रहा है, कोई गार्ड ले रहा है तो इसलिए मैंने साइड बोल दिया सीधे रूट थ्री बाई फोर इंटू साइड का स्क्वायर ठीक है यहां तक बात क्लियर है ठीक है रूट थ्री बाय फोर इंटू ए स्क्वायर अब इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं कि इफ साइड ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटर ट्रेंगल इज इक्विलेटर ट्रेंगल इज टेन सेंटीमीटर फाइंड पेरीमीटर फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया तो सबसे पहले पेरीमीटर बताना है फिर एरिया बताना है तो बताइए पेरीमीटर कितना हो जाएगा पेरीमीटर कितना हो जाएगा माय फर्स्ट टाइम मैथ्स पार्टी हो रहा है रियली <laughs> हाँ <laughs> तो आज आज सैटरडे नाइट विद अमरजीत सर आज की पार्टी अमरजीत सर के साथ आ, तो कुछ लोग का आंसर बिल्कुल सही आया है कि P इक्वल टू थर्टी ईयर्स बिल्कुल सही आंसर आया है पेरीमीटर कितना है थर्टी ईयर्स अरे भैया कुछ तो बताओगे इसकी यूनिट क्या है थर्टी ईयर्स है थर्टी सेंटीग्रेड है थर्टी के जी है थर्टी इंटर नगर है क्या है थर्टी यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट तो लिखो इतना आलस मतलब एक आपका गरीब सर मतलब चीख चीख के पढ़ा रहा है आप सेंटीमीटर नहीं लिख सकते हैं इतना आलस चलो एरिया क्या होगा एरिया

अरे नहीं जी नहीं जी ऐसी बात नहीं है हम भी इंजीनियरिंग किए हैं जी ऐसा ऐसा ना कहिए कि बिना कैलकुलेशन बिना उसके कैलकुलेटर नहीं निकलेगा ऐसी बात ना करिए जी चलिए वैसे आपको दो वैल्यू याद रखना है रूट टू और रूट थ्री की वैल्यू अगर एग्जाम में देता है बहुत अच्छी बात है तो वह दो वैल्यू याद रखना होता है रूट टू की वैल्यू कोई बताएगा क्या होता है रूट टू की वैल्यू रूट टू की वैल्यू क्या होता है कोई बताएगा रूट टू की वैल्यू क्या होता है वेरी गुड वन पॉइंट फोर वन फोर वन पॉइंट फोर वन फोर रूट टू की वैल्यू क्या है वन पॉइंट फोर वन फोर अब आपको लाइव दिखाते हैं इस समय भी कोई स्टूडेंट फोन कर रहा है इस समय 11 बजे अब ये आज आपके सामने गवाह है कई दफा तो ऐसा हो जाता है कि रात को, को कोई दो बजे कोई डाउट पूछ रहा है और पता चले नहीं रिप्लाई किया या मतलब सुबह कह रहा है सर आपने जवाब नहीं दिया तो रूट वैल्यू क्या है 1.414 सर वाई 1.414 अरे वाई क्या यही वैल्यू होती है यही वैल्यू होती है रूट uh, थ्री की वैल्यू होती है वन पॉइंट सेवन थ्री टू अच्छा अगर आपका ये डाउट है कहाँ से आया कहां से आया तो उस अरे नहीं भाई मतलब अच्छा गर्लफ्रेंड का नंबर मतलब बिना सेव रहेगा मतलब जिंदा रहना है कि नहीं रहना है कैसी बात कर रहे हो यार कुछ तो बेसिक क्लियर करो मैथ के नहीं तो कम से कम कहीं और के बेसिक क्लियर करो कुछ भी हाँ <laughs> चलिए अच्छा आपका ये डाउट है वैल्यू कहां से आई है तो उसके लिए स्क्वायर रूट में हम लोग पढ़ते हैं एक मैथड कॉलम मैथडम कॉलम मैथड वहां से ये वैल्यू रट लो कह रहे हैं ये वहां से आपका ये वैल्यू निकलती है से आया ठीक है ना बट अभी हम लोग ये सब पढ़ नहीं रहे हैं तो इसलिए अभी वैल्यू याद कर लो जैसा कि बताया है हमारे बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है कि रट लो इसको ठीक है आगे बढ़ते हैं इक्विलेटर हो गया नेक्स्ट नेक्स्टल आपका होता है इसको बोलते हैं आइसोट्रेस टैंगल इस ट्रेंगल में क्या होता है इस में कोई दो साइड होगी बराबर और तीसरी साइड बराबर नहीं होगी कोई दो साइड रूट थ्री का तो वैल्यू बताइए अच्छा रूट थ्री का वैल्यू बताया तो वन पॉइंट सेवन थ्री टू इसमें क्या होता है कोई दो साइड बराबर होगी मान लीजिए ये दोनों साइड बराबर है ये दोनों साइड बराबर है ठीक है ये दोनों साइड ए बी इक्वल टू ए सी कोई दो साइड बराबर होगी बराबर नहीं होगी सिंपल क्लियर अच्छा जो साइड बराबर होती है उसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं जैसे ये ए बी और ए सी बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल्स कौन कौन से बताइए अगर दो साइड बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल बताइए कौन कौन से हो जाएंगे अपोजिट एंगल बताइए कौन कौन से हो जाएंगे देखिए ए बी के अपोजिट एंगल सी है एबी के अपोजिट एंगल सी है और बी ए सी के अपोजिट एंगल बी है तो एंगल बी क्या हो जाएगा एंगल सी के बराबर आपस में बराबर हो जाएंगे एंगल बी एंगल सी बराबर है ठीक है ना अच्छा इसी में क्वेश्चन करते हैं मान लीजिए एंगल जो ए है मान लीजिए एंगल जो ए है वो फोर्टी डिग्री है एंगल ए फोर्टी डिग्री है तो बताइए एंगल बी कितना हो जाएगा मान लो एंगल ए फोर्टी बताइए बी कितना हो जाएगा फोर्टी ये बताइए बी कितना हो जाएगा तो भी जी का बिल्कुल सही आंसर है POC बराबर है तो ये X, ये X, तो ये 40 है तो इन दोनों का मिक्सचर इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 140, तो अगर ये 140 है तो ये 70 और ये 70, 70 70 हो जाएगा ठीक है तो अगर मैं कहूं ये A है ये A है ये B है तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा जोड़ दो तो टू ए प्लस बी टू ए प्लस बी हो जाएगा फॉर्मूला ठीक है अब जो इसका एरिया है इसका फॉर्मूला अभी नोट कर लो एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू जो आपकी इक्वल साइड है हाफ इंटू जो आपकी इक्वल साइड है वो लिख दिया ए स्क्वायर इंटू जो इक्वल साइड है वो लिख दिया ए स्क्वायर इन जो इक्वल साइड के बीच का एंगल है उसका ले लेना है साइन तो हाफ इंटू ए स्क्वायर इंटू साइन डीटा हाफ हाफ इंटू ए स्क्वायर इंटू साइन डीटा हाफ इंटू ए स्क्वायर इंटू साइन डेटा अब इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन मान लीजिए ये आपका साइड है जो टेन है ये टेन है ये थर्टी डिग्री है तो बताना है एरिया कितना हो जाएगा एरिया ये मान लीजिए आपका टेन है टेन है थर्टी तो एरिया कितना होगा निकालना है एरिया ठीक है ना तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हाफ इंटू साइड जो इक्वल साइड है उसका स्क्वायर तो टेन का स्क्वायर इंटू साइन कितना साइन थर्टी साइन थर्टी तो बताइए कितना आंसर आया ठीक है तो हाफ इंटू टेन का स्क्वायर हंड्रेड इंटू साइन थर्टी तो साइन थर्टी की वैल्यू क्या होती है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है तो साइन 30 वैल्यू हाफ होती है तो टू से कटा 50 टू से कटा 25 तो 25 आपका आंसर आ गया तो 25 अगर ये सेंटीमीटर है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर ये मीटर है तो 25 मीटर स्क्वायर ठीक है 150 अप्रॉक्स लाइव हैं और शेयर अभी तक 80 हुए हैं मतलब एक ही फीस मांगा था आज, आज की क्लास का छह घंटे क्लास की छह घंटे क्लास के की एक वीडियो शेयर कर देना कोई बात नहीं लास्ट वाला है हमारी तरह ट्रेंगल। जैसे हमारे घर वालों को लगता था कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे होता ना ऐसा मतलब घर का ऐसा बेटा मतलब जिससे कोई उम्मीद ही ना हो उस टाइप से स्केलेन ट्रेंगल तो स्केलेन ट्रेंगल ऐसा ही है ट्रेंगल क्या है? कि इसकी तीनों साइड बराबर नहीं है तीनों साइड बराबर नहीं है ए बी सी तीनों साइड बराबर नहीं है अनुजी कर नींद आ रहा है अब मैं नाच को थोड़ी दिखाऊंगा अनुजी कि चलो नींद आपकी दूर चली जाए जाके पानी यानी पी लीजिए फिर बैठ जाइए है ना अभी ये समझ लीजिए एग्जाम की तैयारी करना छह घंटे अगर एक बार आप बैठ नहीं सकते हैं एक एग्जाम एक के लिए तो तो क्वेश्चन वाली बात है ना ये कि मान लो आप मतलब क्या कि सर नींद आ रही सर एक बार नाच के दिखाओ आप मतलब चलो कोई बात नहीं आज लो भले लो तो। हमें लगता है वो जो पहाड़े वाले अंकल थे ना तो कह रहे थे कि हंसने से क्या होता है थकावट नहीं आती है थकावट तो नहीं लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते नींद नहीं आती है ना अगर हंसने से अगर मान लो आपकी नींद जा रही है तो इसके लिए क्या है कि तीनों साइड इसकी क्या है बराबर नहीं है सब अलग अलग है ठीक है तो जो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है इसको बोलते हैं हीरोन फॉर्मूला लेकिन मैं तो इसको हीरो फॉर्मूला बोलता हूँ हीरो फॉर्मूला इसलिए बोलता हूं मैं उसका रीजन है हीरो फॉर्मूला में इसलिए बोलता हूं उसका रीजन है रीजन ये है जो आपका इक्विलेटरल वाला इक्विलेटरल वाला था जो आपका इक्विलेटरल वाला था इक्विलेटरल वाला इक्विलेटरल वाला जो फॉर्मूला था एरिया का इक्विलेटरल का क्या फॉर्मूला था इक्विलेटरल वाला रूट थ्री बाई फोर इंटू साइड ए स्क्वायर साइड अगर ए तो ए स्क्वायर वाला फिर आईसोस वाला क्या फॉर्मूला था ये फॉर्मूला था हाफ ए स्क्वायर इंटू साइन डीटा ठीक है अब ये जो फॉर्मूला है इसकी ये इसलिए खासियत है ये जो इक्विलेटर फॉर्मूला था ये केवल इक्विलेटर ट्रेंगल पे ही वैलिड है और किसी में वैलिड नहीं है और किसी में लगाओगे तो बम बन जाएगा भैया चलो हमारी चाय आ चुकी है तो हमारी तो दवा का जुगाड़ हो गया बाकी आप लोग भी मतलब कुछ ना कुछ चाय कॉफी का इंतजाम कर लो हमारी चाय तो आ चुकी है तो ये हमारे लिए दवा है मतलब दवा जो का फॉर्मूला है एरिया का ये आइसोसलिस में वैलिड है और इक्विलेटर वैलिड है इसके अलावा किसी में नहीं है ठीक है लेकिन आपका जो हीरो फॉर्मूला है ना इसलिए मैं इसको हीरो फॉर्मूला बोलता हूं ये आपका चाहे जो ट्रेंगल हो अगर तीनों साइड गिवन दिया है चाहे जो ट्रेंगल हो देखने में कैसा भी हो अगर तीनों साइड गिवन दिया है, तो सारे ट्रेंगल में फॉर्मूला वैलिड है <laughs> ये सारे ट्रेंगल में ऑल ट्रेंगल ये सारे ट्रेंगल में फॉर्मूला वैलिड है ठीक है तो ये केवल इक्विलेटरल में ये इक्विलेटरल आइसोलेशन दोनों वैलिड है और ये ऑल ट्रेंगल ठीक है अभी फॉर्मुला क्या होता है हीरो उसको समझते हैं आई मिस जी मैं तो बाहर ही रहता हूं तो मैं तो मिस का क्या ही बोलूंगा मैं तो बाहर ही रहता हूं यूजली चलिए तो ये ए ये ए के सामने इसको ए बोल दिया ये बी बोल दिया ये सी बोल दिया तो सबसे पहले आपको सेमी सेमीपेरीमीटर निकालना है सेमी सेमीपेरीमीटर तो सेमी सेमीपेरीमीटर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू सेमी सेमीपेरीमीटर देखो जिसके घर में चाय नहीं मिल रही हो सब लोग क्या करो ये तीन वर्ड बोलो चाय मिलने लगेगी तीन वर्ड ऐसे लग रहा होगा उनको छोटी मोटी पढ़ाई चल रही है ये तीन वर्ड बोलो उनको लगना चाहिए कि कोई बड़ी पढ़ाई चल रही बम बनाने वाली चाय दो नहीं तो बम बना के को हमारे घर फोड़ है ना जैसे मेरा एक दोस्त था उसके पापा का शायद पटाखे का काम हुआ पटाखे नहीं बनते हैं दिवाली में तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था तो उसने मेरे को गिफ्ट दिया इतना बड़ा पटाखा था तो मैं इसको लेके जैसे पापा को दिखाया बहुत छोटा था पापा बोले क्या मेरा ही घर उड़ाएगा क्या तो ये तीन वर्ड आप थोड़ा तेज तेज ते बोलो हो सकता है कि चाय कॉफी मिल जाए उनको लगे कि भारी पढ़ाई चल रही है अल्फा बीटा गामा है ना अभी टू थ्री फोर आप बोलोगे उनको लगे दो दो भारी वर्ड बोलो ठीक है तो हो सकता है चाय कॉफी कुछ मिल जाए तो एस सेमीपेरिमीटर क्या फॉर्मला होता है तीनों का सम करो डिवाइड बाई टू ठीक है अब देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रूट के अंदर एस इन टू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी सेमीपेरीमीटर लिखा फिर जितनी भी साइड है सबको एक एक माइनस करते गए नहीं डिवाइड बाय थ्री नहीं है ये एवरेज नहीं निकालना है सेमी सेमीपेरीमीटर क्या होता है पेरीमीटर का हाफ सेमी पेरीमीटर क्या होता है पेरीमीटर का हाफ टू आवर्स कंप्लीटेड वेरी गुड मतलब मैं देख रहा हूं वन नाइनटी अप्रोक्स से अब टू आवर्स में वन फोर्टी बचे हैं तो वैसे तो मतलब परफॉर्मेंस तो अच्छा है इतना तो मैं इसे मतलब इससे ज्यादा मैं एज्यूम कर रहा था कि टू आवर्स हो सकता है सौ बचे हैं ना लेकिन अच्छी बात है मतलब आई एम इम्प्रेस्ड मतलब जोश है मतलब पूरी तरह से चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं मान लीजिए एक ट्रेंगल है एक ट्रेंगल है जिसकी साइड गिवन दिया है साइड गिवन दिया है थ्री सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर फाइव सेंटीमीटर चाय बना लेता बिल्कुल बना लीजिए एक कप मेरे लिए बना लीजिए एक कप मेरे लिए भी बना लीजिए थ्री सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर फाइव सेंटीमीटर ठीक है ना ये तीनों साइड गिवन दिया है एक ट्रेंगल है साइड गिवन दिया है थ्री फोर फाइव सेंटीमीटर इसका एरिया निकालना है निकाली एरिया तो सबसे पहले बताइए सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू क्या होगी वेरी गुड वेरी गुड यही जोश यही बस यही जोश और मेरा स्वीट ड्रीम तो तीन ही बजे होगा मैंने बता, अगर कोई टेक्निकल इशू नहीं आया कि पता चले लैपटॉप ही फूक गया कि छह घंटा क्लास चले एकदम लैपटॉप में आग जलने लगी अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मैं तो भैया तीन बजे बोलूंगा पता चले फेसबुक से कॉल आ गया कि भैया कौन ऐसा है जो इतनी बड़ी वीडियो बना रहा है टिकटॉक के जमाने में जहां पे पंद्रह से बीस सेकंड में वीडियो बन रही है ऐसा कौन सा टिकटॉकर आ गया जो छह घंटे की वीडियो बना रहा है तो फेसबुक से मान लो कॉल आ गया तब बंद करना पड़ेगा है ना अदरवाइज मैं तो तीन ही बजे बंद करूंगा जब मैं अपना सेटअप के लिए ऑनलाइन सेटअप के लिए सामान लेने गया दिल्ली में तो मेरे को वो लाइट दिखा रहा है जो टिकटॉक वाली उसको लगा टिकटॉक बनाना है अरे मैंने कहा भैया मेरा टिकटॉक बहुत बड़े घंटे का है तो मेरे को वो लाइटें मत दिखाओ मैं थोड़ा गुस्सा के बोला मैं टीचर हूं यार क्या समझ रखा है तो उसको लगा मतलब ऐसा सकल का टीचर कैसे होता है भैया तो सेमी पेरिमीटर क्या हो जाएगा थ्री प्लस फोर प्लस फाइव डिवाइड बाई टू तो सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व तो ट्वेल्थ डिवाइड बाई टू कितना आंसर आ गया छह अब निकालना है एरिया तो एरिया क्या हो जाता है इसका अंडरवूट एस एस कितना है सिक्स सिक्स में पहले थ्री माइनस किया फिर सिक्स में फोर माइनस किया फिर सिक्स में आपका फाइव माइनस कर दिया सिक्स सिक्स थ्री में फोर टू फाइव गया वन सही बात करें बहुत गजब बेस्ती कर दी मेरी उसने यहां सिक्स इंटू थ्री इंटू टू कितना हो गया सिक्स अब यहाँ पे सिक्स ले लिया आपने क्या सिक्स का पेयर बन गया तो सिक्स पेयर ले लिया आपने तो पेयर में क्या होता है एक बाहर आ गया तो सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो गया एरिया सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया हो गया अगर यहां पे कोई ऑफलाइन वाला का स्टूडेंट बैठा हो तो मेरी आदत जानता है मैं ऑफलाइन में अगर कभी भी जैसे मैं क्या होता लगातार क्लास लेता था कभी भी अपने लिए जूस मंगाता था तो भी सबके लिए मंगाता मेरे को अच्छा लगता है साथ में खाना इस टाइप से लेकिन अभी मैं आप लोगों से माफी मांगूंगा कि मैं डिनर प्रॉपरली कर नहीं पाया था तो मैं कुछ खाऊंगा तो आप लोग मतलब आज मेरे लिए मेरे को माफ कर दीजिएगा ठीक है मतलब माफ नहीं करेंगे हैं। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंगल के बेसिस पे चलिए अच्छा अब बात ऐसा न, में ना देखिए इंदिरा जी मैं ब्रेक तो देना चाहता हूं लेकिन बात ऐसा को ब्रेक के बाद आधे गोल हो जाएं इसलिए ब्रेक का चलो अच्छा मैं दो मिनट का ब्रेक देता हूँ चलो ठीक है लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं दो मिनट बाद स्टार्ट कर दूंगा साइड ही में तो है चाहे कैमरा कैमरा चाहे तो साइड में तो ही है मैं दो मिनट का ब्रेक देता हूँ चलिए आप लोग दो मिनट ले लीजिए मैं आपके सामने ही हूँ लेकिन सॉरी जी यार सॉरी सॉरी मैं मैं कैमरा बंद करता हूँ मैं कैमरा बंद करता हूँ मैं कैमरा बंद कर देता हूँ <laughs> कैमरा बंद करता हूँ हाँ जी आप डाउट पूछ सकते हैं बताइए क्या डाउट है <laughs> <laughs> बताइए क्या डाउट है हाँ लैपटॉप तो, तो अच्छा ही है हाँ, पूछिए प्रॉफिट लॉस तो पूछिए प्रॉफिट लॉस पूछिए बाकी सौ क्वेश्चन में मैक्सिमम प्रॉफिट लॉस के ही क्वेश्चन है पूछिए अभी एक मिनट तक आपके पास टाइम है कुछ भी पूछ सकते हैं फील फ्री कुछ भी पूछ सकते हैं सॉरी 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 अब मेरे को इतना आईपीएल में इंटरेस्ट नहीं रहा एक्चुअली अब क्रिकेट में मजा नहीं आता मेरे को मैं मेरा आईपीएल आप ही लोग हैं आप ही लोग के क्वेश्चन आंसर यही में मैं लगा रहता हूं अभी तुम तो कोई स्टूडेंट ऐसा होता है गुस्सा आ जाता है सर आप रिप्लाई लेट में करते हैं फिर उसको मैं चैट दिखाता हूं नंबर ऑफ चैट मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ अभी अगर तो मैं नंबर ऑफ चैट देखू अपना तो वन थ्री फोर नाइन है अभी मैं कैमरा ऑन करूंगा मैं दिखा भी दूंगा वन थ्री फोर नाइन है नंबर ऑफ चैट वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी नाइन डेली बाय तीन सौ चार सौ मैं रिप्लाई तो पक्का करता ही हूँ एक क्वेश्चन वाला अभी जो मेरे को हंड्रेड क्वेश्चन डिस्कशन करना है ना कोई क्वेश्चन वाला ही है हाँ जी पापू जी अरुणाचल आना था एक्चुअली क्या है ना कि आ, अभी मेरा वहां पे भी विजिट था एक्चुअली ये जो इंस्टीट्यूट है ना यहाँ पे भी स्टार्ट हुआ है दिल्ली में और ये हिमाचल और उत्तराखंड में भी स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे कुछ काम ज्यादा पड़ गया था ठीक है इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया देखते हैं जैसे रिजॉल्व होगा तो उसको जल्दी हम आने की कोशिश करेंगे नहीं जो जो क्वेश्चन मैंने लिया है ना ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन मैंने लिया है वेरी इंपॉर्टेंट इसी टाइप से मैं कोई और मैराथन क्लास करा के ना आपके एपीएसबी के सारे क्वेश्चन एक बार में डिस्कस कर लूंगा आप आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सारे क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लूंगा सेट कर देना मैं हट गया सारे क्वेश्चन एक साथ में डिस्कस कर लूंगा एपीएसबी के अभी मेरा वीडियो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सब है देखिए अभी मैं अभी मैं जब क्वेश्चन डिस्कशन करना स्टार्ट करूं इसका आप या तो जहां आपने टाइप किया इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए ना और स्क्रीनशॉट शॉट मेरे कर दीजिए ठीक है हाँ ठीक है अभी चलो मैं दिखना स्टार्ट हो गया ना के चलो भैया ब्रेक खत्म हो गया दो मिनट का ब्रेक था जी ब्रेक खत्म हो गया अब स्टार्ट करते हैं जी ब्रेक ओवर जी अब जल्दी से बस ये कर लेते हैं अपना ये ऑन द एंग बेसिस ऑफ एंगल फिर अपन क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे तो अब क्वेश्चन करने का टाइम आने वाला है क्वेश्चन करने का टाइम आने वाला है क्वेश्चन करने का टाइम आने वाला है बस ये बस पांच दस मिनट का टॉपिक है सब लोग लाइव आ जाओ और फिर से मैं कह रहा हूँ कि मान लो जो भी आपके फ्रेंड वगैरह फिर से शेयर से कर लो हाँ मैं आंखो जी मैं समझ रहा हूँ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन दिक्कत होती है मैं समझ रहा हूँ

पहला क्या होता है एक्यूट ठीक है ये ऐसा होता है कि इसमें सारे जो ट्रैंगल के एंगल होंगे सारे एंगल होंगे वो होंगे एक्यूट एक्यूट मीन्स क्या होगा मतलब आप दूसरों को हाँ एग नूडल्स बनाए तो मतलब ये गलत बात है जी अनुजीया बहुत बदमाश टाइप के लग रहा है मेरे को हैं बताइए सबको ललचवा रही हैं आप आप शैतान है आप बहुत तो एक्यूट एंगल क्या होगा कि जिसके सारे एंगल एक्यूट हो एक्यूट मींस लेस देन 90 सपोज करिए मैं कह रहा हूं ये 60 ये 70 ये 50 हां तो सारे एंगल क्या होगा लेस देन 90 तो ये क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल ठीक है अब इसका अगर मेरे को एरिया कैलकुलेट करना है इसका एरिया तो मैं एरिया एक साथ बताऊंगा ठीक है दूसरा होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल मैं साधन जी आपसे बिल्कुल सहमत हूं ऐसा कौन करता है भाई इतना अच्छा बनाओगे फिर आप बताओगे हां मेरे को खुद मन हो रहा है खाने का तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा जिसका एक एंगल क्या हो इसका एक एंगल क्या हो वन एंगल क्या हो इसका ऐसा ट्रेंगल जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो तो ये नाइन्टी हो गया ठीक है और आपको पता है इस ट्रेंगल में लॉन्गेस्ट साइड कौन सी हो जाएगी इस राइट एंगल ट्रेंगल में लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी वीडियो रुक गया क्या वीडियो रुक गया क्या देखो देखो, देखो, देखो वन ट्वेंटी फोर बचे देखो है ब्रेक देने के चक्कर में भाग गए अभी चाय बन रही है उनकी लॉन्गेस्ट हो जाएगी नाइनटी के सामने वाली है उसको तो क्या बोलते हैं हाइपोटेनस हाइपोटेनस <coughs> हाइपोटेनस बोलते हैं तो एसी क्या हो जाएगी हाइपोटेनस तो जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका जो स्क्वायर होता है वो बाकी बची साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है तो ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर होगा वो तो जो AC स्क्वायर होगा वो ए बी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा ठीक है ये प्रॉपर्टी होती है तीसरा होता है आपका ऑप्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ऑप्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है जिसका एक एंगल क्या हो मोर देन 90 डिग्री हो एक एंगल 90 से क्या हो ज्यादा हो

पांच से दस मिनट बाद अब आपके क्वेश्चन क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं क्वेश्चन ट्रायंगल उसमें क्या होता है मान लीजिए ये एबीसी है तो ये हो गया आपका बेस बी ये बेस बी हो गया इसके अलावा जो ये वर्टेक्स है इससे क्या करो बेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस बेस पे क्या करो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक 90 डिग्री ड्रॉ करो।, करो? करो इस बेस पे क्या करो 90 डिग्री ड्रॉ करो इस बेस पे क्या करो डिग्री ड्रॉ करो तो ये बेस हो गया आपका पानी गरम ये बेस हो गया ये आपका हाइट हो गया गर्म पानी तो ये बेस ये हाइट हो गया ठीक है ना सेम आपका नेक्स्ट एंगल है राइट एंगल ट्रैंगल गले में यह हो गया राइट एंगल ट्रगल ए बी सी ठीक है इसमें भी ये नीचे क्या है बेस है ये सी पॉइंट है तो सी पॉइंट से क्या करना है आपको नाइन्टी डिग्री ड्रॉ करना है अब जो ये नाइन्टी होगा ये जो नाइन्टी होगा ये नाइन्टी क्या होगा आपका ये सेम आपका थर्ड साइड के बराबर हो जाएगा इट्स ओके okay. इंदिरा इंदिरा जी इट्स ओके इट्स नॉट इट्स नॉट रिलेटेड टू यू इट्स ओके जाने वाले को कौन रोक पाया जी देखिए तो ये बेस हो गया ये आपका क्या हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो परपेंडिकुलर जो होगा ये तो आपका ट्रायंगल के एक साइड ही बन जाएगा यस और नो ये बात समझ पा रहे हैं ये तो ट्रायंगल की आपकी एक साइड ही बन जाएगा यस और नो यहां जो आपकी हाइट थी वो अंदर थी या हाइट क्या हो गई ट्रायंगल की एक साइड बन चुकी है ये दोनों का डिफरेंस पकड़ो तो ये बेस ये हो गया हाइट क्या हो गया ट्रेंगल की एक साइड हाइट बन चुकी है ठीक है लास्ट वाला कौन है आपका ऑप्ट्यूज एंगल ट्रेंगल अब यहां पे क्या हो जाएगा ये बेस है अब यहां से जो हाइट आएगी वो क्या हो जाएगी वो ट्रेंगल के बाहर निकल के भैया क्योंकि अंदर कहीं पे भी आप लाइन बनाओगे तो वो परपेंडिकुलर होगा नहीं नाइन्टी हो नहीं तो नाइन्टी होगा नहीं तो हाइट बनेगी नहीं हाइट जो बनती है नाइन्टी पे बनती है हाइट जो बनती है नाइन्टी बनती है तो यहां सी पॉइंट से जो हाइट ड्रॉ करोगे मतलब नाइन्टी ड्रॉ करोगे वो तो ट्रेंगल के बाहर ही निकल गया तो पहले वाले में हाइट जो था ट्रेंगल के अंदर था दूसरे वाले में हाइट जो था ट्रेंगल की साइड बन चुका था और तीसरे वाले में हाइट क्या हो गया ट्रेंगल से बाहर निकल गया ये डिफरेंस देख पा रहे हैं नो yes एक्टिव no? नहीं है मतलब कैसा ब्रेक ले लिया भैया कुछ <laughs> जवाब ही नहीं दे रहे हो अबाई होने लगा मैं मेज देख रहा हूं लैपटॉप देख रहा हूं अपना हाफ पैंट देख रहा हूं जमीन देख रहा हूं तो तीनों का ये डिफरेंस समझो ठीक है अब एक चीज बता दें जो एरिया होता है वो सेम होता है सब में एरिया सब में सेम है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया सेम होता है तीनों में हाफ बेस इंटू हाइट एरिया सेम ही है एरिया में कोई डिफरेंस आए आए नहीं एरिया तीनों का सेम है हाफ बेस इंटू हाइट क्या थर्ड वाले में बीच में आ सकता है बीच में कहां से आ जाएगा मेमिंग जी बीच में कहां पे आएगा बीच में बीच मतलब कहा मतलब? समुंदर वाला बीच कहा मतलब बीच मतलब इसके बीच में हाइट मतलब एडजस्ट कर लिया जाए ना कैसे भी करके एडजस्ट कर लिया जाए मतलब अच्छा मेमिंग जी मतलब ऐसा अच्छा लगेगा आपका मकान ऐसा हो है ना जैसे आपके मकान की दीवारें बनती हैं तो 90 डिग्री बनती है ना सोच के देखो आपका मकान ऐसा झुका हुआ हो आप झुके झुके मतलब ऐसा तो नहीं अच्छा लगेगा ना तो जो परपेंडिकुलर तो मेमिन जी होता है वो सीधा ही होता है सीधा इस टाइप से जैसे हम लोग चलते हैं तो परपेंडिकुलर चलते हैं आप सोचो हम लोग झुके झुके चले ऐसे या ऐसे झुक के तो अजीब लगेगा ना मेमिन जी वो, वो बात नहीं बनेगी ठीक है ना तो एरिया क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट ठीक है चलो अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं एक क्वेश्चन लास्ट इसके बाद अपन सीधे आएंगे क्वेश्चन डिस्कशन के जो मैंने क्वेश्चन डिस्कशन <laughs> जो हंड्रेड करने थे उसका है ना लास्ट एक क्वेश्चन ऐसा है जी आपका एल्टीट्यूड क्या होता है ये एल्टीट्यूड होता है एल्टीट्यूड पूछ रहे हो एटीट्यूड पूछ रहे हो एल्टीट्यूड तो यही होता है अच्छा जु, मैं झुकने की बात कर रहा हूं तो पुष्पा में पहुंच गए ये सही है अब मान लीजिए मैं कह रहा हूं जो ए बी है ए बी है वो टेन सेंटीमीटर और ये पॉइंट मान लीजिए डी तो ये जो बी डी है ये टू सेंटीमीटर है पुष्पा पहुंच गए बी डी टू सेंटीमीटर है और ये जो सी डी है सी डी ये सी डी आपका टेन सेंटीमीटर है ठीक है अब बताना है कि एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी कितना होगा एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी कितना होगा निकालिए एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी कितना होगा अगर मैं ए बी सी के एरिया की बात करूं तो एरिया कितना हो जाएगा ना बिल्कुल सही बताया एरिया कितना हो जाएगा पचास रुपए पचास रुपए बिल्कुल सही है आंसर आपका आपका भी सही है पचास साल बिल्कुल सही है आपका आंसर आपका सही है सिक्सटी किलोग्राम बिल्कुल सही है आपका आंसर देखिए कुछ लोग निकाल रहे हैं पचास और कुछ लोग निकाल रहे हैं साठ और यूनिट कह है सर देखो यूनिट यूनिट तो देखो सर एक बार नौकरी लग जाए एक रख लेंगे साथ में सर और जैसे सर बड़ा कॉन्ट्रेक्टर होता है छोटा कॉन्ट्रेक्टर रख लेता है तो बस एक सर रख लेंगे और बस वही यूनिट, यूनिट यूनिट देखेगा सर अब अब हमसे होता नहीं सर मतलब आप हम तो क्या बताएं सर आपको मतलब आप समझते हो नहीं हो मतलब आप तो मैकेनिकल इंजीनियर हो मतलब तो चलिए तो देखो एक काम करो जितने लोग ने आंसर पचास बताया है पचास जितने लोग आंसर पचास बताया है वो थोड़ा मुस्कुरा दो वेरी गुड आई एम रियली इंप्रेस्ड वेरी गुड और जितने लोग आंसर साठ बताया है आसपास कोई भारी चीज रखी हो उसको सर में जरूर मान लो बैक करने का ऑप्शन ठीक था बैक मतलब क्या गाड़ी बैक करना है क्या बैक करना है वीडियो को बैक करना है क्या मतलब मैं छह घंटे गाड़ी तो चला रहा हूं कि मैं गाड़ी बैक कर दू मतलब क्या बैक करना है हाँ तो सर मैं कोई भारी चीज मान लो मारिए क्या बैक करना है मैं नहीं। पुराना बताना है क्या बैक करना है मैं सो नहीं पा रहा हूं फिफ्टी वेरी गुड फिफ्टी ठीक है ना अब मैं चिल्ला 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 के बोल रहा हूं स्टार्टिंग से चिल्ला चिल्ला के ना कि जो आपका एरिया होता है एरिया उसका फॉर्मूला क्या होता है हाफ बेस इनटू हाइट अब एबीसी का ट्रेंगल का एरिया पूछ रहा हूं तो बेस तो ये ए बी होगा ना ए बी हाइट कहीं पे भी जाके गिरे बेस तो ए बी था ही ना ये माफिया थोड़ी है कि इसने जगह इसकी हड़प ली ये कानपुर का थोड़ी है इसने इसकी जगह हड़प ली इसकी कि हाइट यहां गई तो यहीं तक मकान बनेगा हमारे कानपुर में इतने इतना प्लाट लेते हैं और इतने मकान बनवाते हैं बाकी हड़प लेते हैं तो बेस जो उसका स्टार्टिंग था बेस तो सेम ही रहेगा ना हाइट कहीं पे भी गिरे ठीक है तो बेस आपको टेन लेना था जितने लोगों ने सिक्सटी किया है उन्होंने क्या किया बेस कर दिया है ट्वेल्व वही उनकी गलती हो गई बस बेस थोड़ी चेंज हो गया बेस तो आपका कितना होगा टेन ही होगा दूसरा एग्जाम्पल देता हूं मान लो ये आपका इक्टेड ट्रायंगल होता ए बी सी ये बेस आपका टेन है ये आपका हाइट है ये टेन है मान लीजिए मैं कह रहा हूं ये फोर है ये सिक्स है तो ये हाइट यहां पे हुआ तो बताइए बेस क्या लेंगे फोर लेंगे कि सिक्स लेंगे इसमें इसमें बेस क्या लेंगे फोर या सिक्स वेरी गुड हां सिक्सटी अगर एसीडी पूछता तो सिक्सटी होता एसीडी लेकिन मैं तो एबीसी पूछा ना ज्यादा ही लॉन्ग डाल दिए सर मुझे लग रहा है नहीं बेस क्या लेंगे चार लेंगे कि छह लेंगे नहीं दस क्यों लेंगे भैया दस क्यों लेंगे आए इस क्वेश्चन में तो दस नहीं लिए आप इस क्वेश्चन दोबारा तो ले लिए तो अगर इसमें बारह ले लिए तो बताओ इसमें कितना लेंगे आप चार लेंगे कि छह लेंगे क्वेश्चन क्लियर हो रहा है यस और नो चाय नहीं भैया गर्म पानी मंगाए गले में दिक्कत हो रही है गर्म पानी है बेस क्या हो जाएगा फोर या छह बेस क्या होगा टेन ही रहेगा हाइट हाइट क्या हो 10 तो क्या, हो क्या हो जाएगा तो डिसाइड नहीं करता बेस होगा ठीक है यहां तक बात क्लियर है अगर इसका एरिया पूछूं क्या हो जाएगा टेन टू टेन कितना हो जाएगा फाइव फिफ्टी सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नए सेक्शन में इंटर कर दिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फॉर फॉरेस्टर हेड कॉन्स्टेबल एम टी एस एग्जाम यूडीसी एल डी सी इन सब के लिए वेरी इंपॉर्टेंट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन डिस्कस करना बाय बी लव्ड अमरजीत सर ठीक है हंड्रेड क्वेश्चन डिस्कशन करना है यहाँ से तो बताइए जी रेडी है क्वेश्चन के लिए स्टार्ट किया जाए रेडी है जी थोड़ी थोड़ी देर में मैं बात करने का भी टाइम आपको दूंगा जब एक घंटा हो जाए करेगा तो मतलब कुछ भी बात कर सकते हैं अब कुछ भी मतलब ये नहीं कि मेरे से पूछो मेरा इनकम कितना है चलिए तो जो पहला क्वेश्चन है अरे हाँ मैं भी प्रिंट इसका मैं रखवाया था out, एक करके रखा है ना क्वेश्चन वैसे तो मैंने इसको भी आ, ऐसा कर दिया था कि इसको एक एक स्लाइड में एक क्वेश्चन करवा दिया था मैंने एक एक स्लाइड में क्वेश्चन करवा दिया था इसका प्रिंट आउट होगा आप मेरे को दे दीजिएगा हाँ पे होगा रूम कुल <coughs> मिला के क्वेश्चन होने चाहिए अदरवाइज देखिए मैंने तो क्वेश्चन ऐसे करवा दिया था कि आपको दिक्कत ना हो तो मैंने तो इसको एक जगह करवा दिया था तो पहला क्वेश्चन एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है हाफ ऑफ अ परसेंट कितना होगा वन बाई टू परसेंट इसको कन्वर्ट करना है पर्सन को कन्वर्ट करना है किसमें पर्सन को कन्वर्ट करना है डेसिमल में डेसिमल में तो सबसे पहले ये बताइए आपके सामने इंतकाब सा रखे नहीं इंतकाब सर नहीं है दूसरे दूसरे पर्सन है इंतकाब सर नहीं है उनके सोने का टाइम हो गया होगा इंतकाब सर नहीं है तो हाफ पर्सन क्या लिख सकते हैं जीरो पॉइंट फाइव परसेंट जीरो पॉइंट फाइव परसेंट लिख सकते हैं हाफ परसेंट क्या ले सकते हैं जीरो पॉइंट फाइव परसेंट अच्छा परसेंट से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो बताइए क्या करते हैं हंड्रेड से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से आंसर करिए अगर परसेंट से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं हंड्रेड से डिवाइड या मल्टीप्लाई डिवाइड या मल्टीप्लाई वेरी गुड क्या करेंगे जीरो पॉइंट फाइव डिवाइड बाई हंड्रेड ठीक है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो जाएगा जी multiply, जब परसेंटेज में चेंज करते करते हैं तब करते हैं तब अगर परसेंटेज परसेंटेज बनाना है तो मल्टीप्लाई करो percentage हटाना हो तो डिवाइड करो ये फंडा माइंड में क्लियर कर लो है ना अब ये क्या करना है अंडर डिवाइड करना है कितने जीरो नीचे दो जीरो हैं तो पॉइंट को शिफ्ट करना है दो बार इधर पॉइंट को दो बार इधर शिफ्ट करना है तो ये कितना हो जाएगा देखो पॉइंट को इधर शिफ्ट करना, तो करना है तो यहाँ पे दो बार करना है तो दो जीरो लगा दिया तो एक बार शिफ्ट यहां हुआ फिर यहां शिफ्ट हुआ यहां पे पॉइंट आ गया तो जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव हाफ है तो हाफ को मैंने जीरो पॉइंट फाइव लिख दिया ना मेमिंग जी हाफ परसेंट को मैंने क्या लिख दिया जीरो पॉइंट फाइव परसेंट करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ए हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन अरे भैया हाफ इंटू है वन इंटू हाफ तो हाफ परसेंट हो जाएगा ना वन में हाफ मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ ही तो हो जाएगा क्या हो गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ढेर हो गया

हाँ जी बिल्कुल अपलोड होगा ऐप पे बिल्कुल अपलोड होगा तो मतलब ये नहीं है कि ऐप पे अपलोड होगा तो भाग गए दो जीरो दो जीरो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए सिक्स हंड्रेड करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए देखो आपको धरती मार्ग का समय अगर आप लाइव हैं तो आपको एक्चुअली पार्टिसिपेट करना है दिस इज मैथ क्लास धरती मार्ग का समय आपको सुनील सेट्टी बुरा मान जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम चीज़ करना है तो 140%, तो 140 means 100 से और 56, तो से 56 लिख दिया, तो 140, तो 140 दिया। एक्चुअली बताओ क्या ये दोनों सेम ही चीज है क्या क्या ये दोनों सेम चीज है क्या सेम चीज तो अगर सेम चीज है तो इसको बार बार क्या करना है दो बार मल्टीप्लाई कर दिया भैया अगर मैं कहूँ एट प्लस एट क्या होता है तो आप कह सकते हैं सर टू इंटू एट हो जाएगा दो तो सेम चीज तो मैं टू का मल्टीप्लाई कर दिया तो टू इंटू वन फोर्टी डिवाइड बाई हंड्रेड इंटू कितना फिफ्टी सिक्स अब ये जीरो से जीरो कट गया जीरो जीरो कट गया अब मल्टीप्लाई करना है बैठ के नाम से मल्टीप्लाई करो तो फोर्टीन का मल्टीप्लाई करना है फिफ्टी सिक्स में फोर्टीन का फिफ्टी सिक्स में

वन फाइव सिक्स एट डिवाइड बाई टेन अब टेन जो आपका है टेन जो है टेन से डिवाइड करना क्या होता है पॉइंट को यहां पे शिफ्ट कर दो एक शिफ्ट कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा वन फिफ्टी सिक्स पॉइंट एट तो उसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जब भी ऑप्शन ना आए जब भी ऑप्शन कुछ ना हो तो क्या करना होता है सबसे नियरेस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है नियरेस्ट तो सबसे नियरेस्ट वाला ऑप्शन क्या होगा ए बी सी डी नियरेस्ट ऑप्शन क्या होगा जब भी ऑप्शन गलत एग्जाम में दे दे तो ऐसा नहीं एकदम से हल्ला मचाने लगो और तो ऑप्शन गलत है अरे जो इनविजिलेटर उसको मतलब ही नहीं है आपसे तो क्या हाँ ठीक है ऑप्शन गलत लाओ कॉपी दे दो तुम्हारा तो नया पेपर होगा उसको मतलब ही नहीं है तो उससे हमेशा एग्जाम में जो इनविजिलेटर होता है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड मत होना उससे पूछना तो बिल्कुल भी नहीं यहाँ फॉर्म में कैसे भरे क्या करें बिल्कुल मत पूछना क्योंकि बहुत खाली आदमी होता है वो भी बहुत चटता है आपको उसको तीन घंटा इसे इधर उधर घूमना है उसको चाहिए कोई बतियाने वाला तो मान लो आपने पूछ दिया कि उसको कैसे भरे तो आपको बहुत आराम बताएगा देखिए ये जो गोला होता है इसमें ये भरी है जैसे एक बार अब देखो होता क्या है ना एक बार मैं पेपर देने गया पेपर था शायद कोई यूपी यूपी के मेरा उत्तर प्रदेश का एग्जाम था अब पेपर जो उनका जो पेपर जो था वो फंस गया आईसीएससी बोर्ड में मतलब आईसीएससी का कोई स्कूल था वहां पेपर था अब एकदम मस्त देहाती पहुंचे अब मैडम मैडम और इस, इस मैडम इसमें कहा भरे हैं मैडम बोल रहे हैं कि देखो फिल योर फिलर्स नेम मतलब उनका एक्सेंट कुछ जल्दी होता ना सी इन दिस ब्रैकेट फिल योर फादर्स नेम तो उसको समझे नहीं कहा बोल गई मैडम

ठीक है तो ऐसा कभी हो जाता है <laughs> तो वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत बढ़िया था <laughs> मेरे को एग्जाम में पूरे एग्जाम 156.6 ये सबसे नियरेस्ट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट व्हाट इज 28 एट परसेंट ऑफ थर्टी सिक्स परसेंट ऑफ फाइव बाई सेवें फाइव थाउजेंड ठीक है मतलब ऑफ 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 तो क्या कुछ करना है बस लगाते जाओ तो ट्वेंटी तो कुछ सुनना ही नहीं है क्वेश्चन की अपने को इतना आता है परसेंट दिखा हंड्रेड से डिवाइड थर्टी सिक्स परसेंट परसेंट दिखा हंड्रेड से डिवाइड ऑफ दिखा मल्टीप्लाई फाइव बाई से फाइव बाई से लिख दिया ऑफ फिर दिखा मल्टीप्लाई फाइव थाउजेंड हो गया बस कुछ सुनना ही नहीं क्वेश्चन की सब एक साथ लिखते जाओ सबको क्लियर है यस और नो देखो क्वेश्चन मैं देखो अगर मैं हो सकता है पांच घंटे भी हो जाऊं लेकिन मेरी एनर्जी यही रहेगी ऐसा नहीं कि छह घंटे बाद मैं ऐसे बोल रहा हूँ हाँ देखो वो क्वेश्चन ऐसा होता है ना ठीक है हो जाएगा क्वेश्चन मेरी एनर्जी यही रहेगी क्योंकि मैं मैं ना पढ़ाना एंजॉय करता हूँ पढ़ना एंजॉय करता हूँ अगर 10 घंटे की भी मैं क्लास रखूं 10 घंटे में एंजॉय करूंगा सेम आपके साथ होना चाहिए पढ़ना एंजॉय करो पढ़ना एग्जाम तो ये छुटकीओ निकलेंगे अब ऐसा एकदम से ऐसा पढ़ते हैं कुछ कुछ ऐसा मुंह बना के मतलब कि मतलब जैसे बहुत मारा गया है मतलब तो पढ़ाई को इतना बोरियत भी मत बनाओ चलो अब काटना स्टार्ट करो काटना स्टार्ट करो 20 20 कट गए 7 28 कटता 4 हो गया एक जीरो एक से टेन काटा टू हो गया टू से इसको काट दिया अब देखो यहां से स्मार्टनेस 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 यहां से से दिखानी है स्मार्टनेस। अब कोई भी में मल्टीप्लाई नहीं करेगा टू से कोई थर्टी सिक्स मल्टीप्लाई नहीं करेगा मैं पर्सनली गोली मार दूंगा और उसके बाद फाइव से बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं करेगा आपको क्या करना है टू और फाइव दिखेंगे दोनों को मुस्कुरा दो जैसे टू और फाइव दिख जाए मुस्कुरा दो क्योंकि टू और फाइव मिलके क्या बनाते हैं टेन टेन बना लेते है? हैं और टेन टू थर्टी सिक्स कितना हो गया जीरो से मल्टीप्लाई करने में जो मजा आती है क्या करना है भाई जीरो लगा देना है थ्री सिक्सटी आंसर आ गया पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया अब देखो यही होता है स्मार्ट चॉइसेस अब कोई अगर पांच से मल्टीप्लाई करे तो कोने में जाके पांच से मल्टीप्लाई किए तो पांच इंटू होता है उंगली में गिन के थर्टी तो तीन लिखा पांच इंटू तीन पंद्रह तीन अठारह जल्दी से यहां लिखा इंटू टू करना है तो थ्री सिक्सटी यही तो यही तो गेम है कैलकुलेशन में आपको क्या करना है सेकंड बचाना है सेकंड्स एग्जाम हॉल में कैलकुलेशन में सेकंड बचाना है ठीक है ना और फॉर्मुले सब लोग याद करके जाना कोई भी फॉर्मुले में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए वहां एग्जाम हॉल में क्या होता है कोई बाल नोच रहा है अपने अब वो प्लस था के माइनस था ये भगवान प्लस था के माइनस था भगवान एक बार बता दो प्लस था के माइनस था वो तो मतलब इस टाइप की मतलब ना वो एकदम से वो हाइपर हो जाते हैं तो ऐसा सब नहीं करना है आप पहले से फॉर्मले वॉर्मले रिवाइज करके हंड्रेड परसेंट जाइए है ना प्लस माइनस ये सब कंफ्यूजन नहीं ठीक है चलिए 270 कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन विच 252 पास्ड 270 अपीयर हुए 252 पास हो गए द पास परसेंटेज इज़ परसेंटेज पूछ रहा है तो तो जितने पास हुए, जितने जितने पास 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 हुए हुए उनको ऊपर ऊपर लिख 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 दो 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 टोटल टोटल को नीचे, तो नीचे वाले कल लेकिन छह घंटे तक एनर्जी डाउन नहीं होगी सेम मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए पांच क्वेश्चन मतलब जा नहीं रही है फोन से ऐसे हाथ से पकड़ के फोन की पास लेके जा रहे हैं कि कुछ टाइप हो जाए उसमें ऐसा नहीं है एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपके साथ लास्ट तक एक्टिवली रहूंगा ना तो पास्ट ऊपर लिखा आपने तो 252 ऊपर हो गया पास्ट नीचे हो गया 270 सेवेंटी कितना हंड्रेड सबसे पहले जीरो वाले को काट दिया करो वेरी गुड सबसे जीरो वाले को अब देखो ये थ्री से कटा नाइन थ्री से कटेगा क्यों थ्री से कटेगा क्योंकि डिजिट डिजिट का का सम सम जो जो आ रहा आ रहा 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 है है। है है। की टेबल में भाई वो हो से कटेगा, इसको

जो आपका रिमाइंडर आया इसको यहाँ लिखना होता है और जिससे डिवाइड किया इसको यहाँ लिखना होता है नाइनटी थ्री एंड वन बाई थ्री परसेंट कौन सा ऑप्शन करेक्ट है डी करेक्ट है कौन सा करेक्ट है डी करेक्ट है अगर आप लोग बताएं मतलब कौन सा कलर लें आप लोग बताओ हम तो वैसे भी आपके जो आप बोलते हैं वही करते हैं बताइए कौन से कलर से पढ़ाया जाए आपको ब्लैक ब्लैक सेम हो जा रहा है ना नया तो बनता है ब्लैक सेम काला कलर ने मतलब कातिल गुज्जर जी काला टीका लगा के बोल रहे हैं काला कलर लो आप काला जादू तो नहीं करते हैं जो तो हमरे ऊपर काला जादू कर दो आप चलो खेल रहे थे जो हमारा मन था वही लिए हैं। <laughs> खेल रहे थे वैसे सही ठीक है नेक्स्ट जीरो पॉइंट जीरो चीज याद रखना है जीरो पॉइंट जीरो वॉट परसेंट ऑफ वॉट परसेंट ऑफ जीरो पॉइंट वन देखो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है परसेंटेज को कन्वर्ट करना है तो जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई तो करना ही करना है ठीक है 100 से मल्टीप्लाई तो करना ही करना ही है अब क्वेश्चन फंस जाता है किसको ऊपर रखें किसको नीचे रखें किसको रखें, किसको ऊपर रखें रखें नीचे तो क्या हो जाता है कभी तुक्का लग गया सही हो गया तुक्का नहीं लगा गलत हो गया तो एक चीज याद रखना है जो भी ऑफ के बाद वाला होगा ऑफ के बाद वाला होगा उसको हमेशा नीचे रखना है जो भी ऑफ के बाद वाला होगा उसको नीचे रखना है तो जीरो पॉइंट वन को नीचे रख दिया और जीरो पॉइंट जीरो वन को ऊपर रख दिया ठीक है अब इसके बाद ध्यान समझिएगा यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है दो यहां पे कितना डिजिट है एक तो क्या किया एक जीरो और लगा दिया ताकि डिजिट सेम हो जाए तो यहाँ दो डिजिट अब यहां भी कितना हो गया दो डिजिट अब जैसे डिजिट सेम हो जाए मुस्कुरा के दोनों के डिजिट को उड़ा दो मुस्कुरा के दोनों के डीज को उड़ा दो जैसे उड़ा दिए कितना हो ये वन बाई टेन इंटू कितना हंड्रेड टेन 10 से हंड्रेड कट गया कितना टेन परसेंट कौन सा ऑप्शन करेक्ट है टेन परसेंट में सी ऑप्शन करेक्ट है सी करेक्ट, करेक्ट हो गया सी करेक्ट है सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन फिफ्टी फोर परसेंट ऑफ ए नंबर एंड ट्वेंटी बहुत बड़ा सा एक नंबर ठीक है देन वॉट इज सिक्सटी सिक्स परसेंट ऑफ डेट नंबर तो सबसे पहले उस नंबर को मान लिया एक्स तो 54 परसेंट उस नंबर का कितना हो जाएगा तो 54 परसेंट ऑफ एक्स माइनस क्योंकि डिफरेंस की बात कर रहा है 26 परसेंट ऑफ एक्स दोनों का डिफरेंस दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है 22526 इसके बराबर है ये यहां तक बात सबको क्लियर है लैंग्वेज को देखो इसमें किस कैसे कन्वर्ट किया ये बात सबको क्लियर है यस और नो लैंग्वेज से इसको कैसे कन्वर्ट किया ये बात सबको क्लियर है yes no? ठीक है अब बस वही गेम 54 परसेंट तो क्या किया डिवाइड बाय 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई एक्स 26 परसेंट तो डिवाइड बाय 100 इनटू कितना एक्स इक्वल टू 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 फाइव टू सिक्स देखो अब यहां से ना गलती मत करना प्लीज यहाँ से कोई भी सिंप्लीफाई करना ट्राई नहीं करेगा ना सिंप्लीफाई हमेशा रोक के रखा करो देखो मैं लाइव क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा हूं 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 तो मैं मैं साथ साथ मैं साथ साथ आपको आपको टेक्निक भी समझा समझा रहा रहा कि क्वेश्चन को करना कैसे होता है क्वेश्चन को करना कैसे रहता है करूंगा मैं भी करूँगी आप भी अब मेरा क्या रहता है कि आपको क्वेश्चन करते समय यह याद रखना है कि लीस्ट टाइम होना चाहिए और क्वेश्चन करते समय ऐसा कोई मैथड ना प्रिफर करो जहां पे

5 में किया कितना 28X, 100, कितना डिवाइड इक्वल टू मैं को अब क्यों कर नहीं, नहीं करूंगा मेरे से नंबर अगर पूछता कि वो नंबर क्या है तो मैं यहां से सिंप्लीफाई करता हूँ नंबर नहीं पूछा ना मेरे से नंबर नहीं पूछा ना वो क्या पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है 66 उस नंबर

Two से इसको काटा सेवन टू से इसको काटा कितना कितना आ गया one, one, आप कितना हो गया हो तो six, आ गया। अब से अगर इसको काटो वन टाइम में बचा टाइम फोर्टी टू फिर सिक्स छोटा हो गया तो जीरो लगा दिया सिक्सटी थ्री हो गया नाइन आ गया तो देखो थर्टी थ्री इंटू वन सिक्स जीरो 1609 सिक्स जीरो इसको सॉल्व करना है नाइन थ्री कितना हो गया 27 16 सिक्सटी कितना हो गया 48 फिर अगेन ये 7284 जोड़ा तो 79 और ये कितना हो जाएगा 10 12 और 13 और ये कितना हो जाएगा 5 तो 53097 53097 अच्छा एक काम करना 53097 आंसर क्या आ गया डी जब मैं एक बार लाइफ सॉरी ये ऑफलाइन में पढ़ा रहा था जब मैं नाहर लोगों में था तो मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा था तो एक स्टूडेंट इतना जल्दी जल्दी आंसर दे रहा था मतलब मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ वो आंसर दे रहा है मैं सोचा या तो ये इंसान साक्षात भगवान है या तो ये गलत जगह पे आ गया है मतलब मैं मतलब इसको क्या पढ़ा रहा हूँ खुली टीचर है ये जब पास में जाकर देखा तो कैलकुलेटर खोले बैठा था वो तो भैया पूरा गेम इसी बात का है कि बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करना है पता चला जो कोई कैलकुलेटर बगल खोले बैठा है तो मतलब है क्या निकला देखो मेरा साफ कहना है कि अगर आपके लिंक एग्जाम में ऐसा है कि सर जी हम एग्जाम में कैलकुलेटर लेके जाएंगे वो हमारे फूफा के लड़का एमएलए हैं और जो मार मामा की बिटिया है उनके पापा जो है एमपी हैं ऐसा हमारा पहचान है अब भौकाली सर तो कोई दिक्कत नहीं है तो आप कैलकुलेटर नहीं आप सीधे मिसाइल यूज करो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है ना अब इतना भौकाल है मतलब एमएलए एमएलए सब तो सब कोई बात नहीं है ना अब जिनका भौकाल नहीं है तो वो लोग प्रैक्टिस करो मेरी तरह है ना मेरी प्रैक्टिस करो ठीक है ना मैं देखो एक एक कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो पता चले कोई कैलकुलेटर तो झटझ निकाल रहा है तो भैया पहले भी बता दे है ना कैलकुलेटर जो साइड में रख लेना मतलब सर इंजीनियरिंग का आदत है हम स्टार्टिंग बताएं हम मैकेनिकल इंजीनियर हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। स्टार्टिंग बताएं तो अगर हम कर रहे हैं तो मतलब फिर वही बात हो गई मतलब है ना हमको पता है वहां तो साइंटिफिक कैलकुलेटर मिलता है हमको तो आदत छोड़ने में बहुत टाइम लगा था ठीक है तो ऐसी बात ना करिए जी मतलब अनु जी कह रहे हैं आईएनडी से मेरा दर्द हो रहा है आईएनडी क्या है भैया आईएनडी क्या है चलो नंबर इंक्रीज बाई थर्टी सेवन एंड हाफ परिफ्ट थर्टी थ्री अच्छा क्या चाह रहा है सुबह हम सबका सर दर्दाय नंबर इंक्रीज बाई थर्टी सेवन एंड हाफ परसेंट गिफ्ट थर्टी थ्री द नंबर इज तो मान लीजिए कोई भी नंबर आपका कोई भी नंबर आपका एक्स है ठीक है अगर वो आर परसेंट इंक्रीज हुआ तो कितना हो जाएगा हंड्रेड प्लस हंड्रेड प्लस आर परसेंट 100 आर ये नींद में ऑलरेडी है ये नींद में ऑलरेडी इनका नींद का गायब हो गया, नींद में ऑलरेडी है अभी इनका आंसर आएगा देखना नेक्स्ट आंसर क्या है माइट्रोकॉडिया उसके बाद आंसर क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आंसर क्या है जहांगीर नींद में ऑलरेडी है चलो तो मान लो कोई नंबर x है वो r% बढ़ा दिया तो फॉर्मूला क्या हो जाता है नया नंबर क्या हो जाएगा न्यू नंबर न्यू नंबर क्या हो जाएगा 100 r% 100 न्यू नंबर ठीक है ना और अगर r% ये तब है जब r% क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया और अगर मान लो r% क्या कर दिया घटा दिया तो क्या हो जाएगा हंड्रेड माइनस कर देना है बस माइनस आर परसेंट डिवाइड बाई हंड्रेड आर परसेंट माइनस कर देना है ठीक है तो यहां पे क्या हो रहा है इंक्रीज वाला तो फॉर्मूला लगा दो पहले नंबर जो आपका था पता नहीं क्या नंबर था उसको एक्स मान लिया कितना इंक्रीज हो रहा है थर्टी सेवन एंड हाफ परसेंट थर्टी सेवन हाफ कितना हो जाएगा? तो 1 by, uh, to कितना हो जाएगा? जाएगा? तो कितना कितना? आप लोगों को बहुत ही अच्छी एक सूचना देता हूँ तीन घंटे ओवर हो चुके हैं एक तो मेरा बहुत दिल से इच्छा थी कि 200 लाइव तो आए तो आए मेरे को किया कोई बात नहीं अभी अप्रोक्स वन ट्वेंटी फाइव लोग लाइव है वन ट्वेंटी से वन ट्वेंटी फाइव थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है कुछ सोचा है सोए कि पढ़े सो जाएंगे तो सर बोले थे सिलेक्शन के लिए छह घंटे पढ़ना जरूरी है वो जग जाते हैं ना फिर जैसे फोन डालते हैं अगर सुबह इसकी रिकॉर्डेड वीडियो देख लू अभी सो जाऊं सर बोले थे रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा और कहीं ना कहीं सर ये भी बोले थे कि जो करो दिल से करो तो अभी जैसे दिल नहीं लग रहा है सुबह लग जाएगा तो सुबह करने से ठीक होगा ना ऐसा करता हूं ना तो इस टाइप से कई लोग हैं तो वो अचानक लाइव आते हैं फिर चले जाते हैं लाइव आते हैं चले जाते हैं ठीक है ना तो उनको कंसीडर नहीं करना है ना ठीक है चलिए हंड्रेड प्लस आर तो आर कितना है सेवन डिवाइड बाई टू तो सेवेंटी फाइव डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई हंड्रेड इक्वल टू कितना थर्टी थ्री ठीक है ना इक्वल टू कितना थर्टी थ्री ठीक है तो आप सिंपल समझो देखिए मोटर बसल जी सिंपल समझिए मोटर बसल जी सिंपल समझिए कि आपका नंबर जो था एक्स था और नया नंबर कितना बन गया थर्टी थ्री देखिए आर नंबर इंक्रीज बाई थर्टी सेवन एंड हाफ परसेंट गिव्स थर्टी थ्री तो नया नंबर कितना दे दिया उसने थर्टी थ्री तो न्यू नंबर थर्टी थ्री हो गया स्टार्टिंग क्या था एक्स इंटू कितना इंक्रीज किया कितना इंक्रीज किया सेवेंटी फाइव बाई टू परसेंट ना थर्टी सेवन एंड हाफ को कन्वर्ट कर दिया तो तो सेवे�

मेमिंग जी कह रहे हैं इतना अच्छा लग रहा है अच्छा चलिए अच्छी बात है तो और एक हंड्रेड नहीं आना है ना अच्छा देखो फॉर्मले में किसी को कंफ्यूजन है देखो मैंने दो फॉर्मले लिखे हैं ना मैंने दो फॉर्मले लिखे हैं अगर इंक्रीज होगा अगर इंक्रीज होगा तो प्लस आना है और डिक्रीज होगा तो माइनस आना है मैंने दो फॉर्मुला लिखा है अगर इंक्रीज होगा देखो आर परसेंट इंक्रीज होने पे ये प्लस लगाना है और डिक्रीज होने माइनस लगाना है हाँ वैसे करने से भी हो जाएगा डोजो जी वैसे करने से सही हो जाएगा तो ऐसा नहीं माइनस लेके प्लस कर दिया यहां पे क्या बोला इंक्रीज तो इंक्रीज में प्लस वाला लगाना है और डिक्रीज माइनस अब बताइए आपका डाउट क्लियर है ये कौन सा फॉर्मूला है सर ये परसेंटेज में जी सिखाया गया है परसेंटेज में ये परसेंटेज में फॉर्मूला होता है परसेंटेज में ये फॉर्मूला जी होता है परसेंटेज में नेक्स्ट क्वेश्चन X इज नाइन्टी परसेंट ऑफ Y. देन वॉट परसेंट ऑफ X इज Y? तो पहले तो इसको पकड़ो ये क्या कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई तो इसमें मेरे को एक बात आओ परसेंटेज पूछ रहा है तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना तो बनता है ये बताइए ऊपर वाई होगा या एक्स होगा हंड्रेड उसका कहां पे है तब तक बाकी लोग बताइए ऊपर वाई होगा या एक्स होगा मैं आपको बताता हूं हंड्रेड कहां पे है हंड्रेड उसका जी यहां पे है ये देखिए हलो जा रहा नीचे आ गया हंड्रेड ये देखिए ये हंड्रेड देखिए हंड्रेड ये ये हंड्रेड कॉपी खत्म हो गया दस रुपए की कॉपी लाए थे क्या कॉपी खत्म हो गया तो देखिए व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई तो ऊपर क्या आएगा वाई ऊपर आएगा या एक्स आएगा ऊपर तो मैं क्या बोला था ऑफ के बाद वाले नीचे आएगा तो एक्स नीचे हो गया वाई <laughs> ऊपर हो गया मतलब अब सारे बहाने मार रहे हैं जैसे कोई मैं क्लास थर्ड फोर्थ के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ हमारा कॉपी खत्म हो गया सर पापा कह रहे हैं ज्यादा देर तक लाइट मत चालू करो लाइट सुबह पढ़ लो पापा कह रहे, है। रहे हैं मतलब ऐसे बहाने मार रहे आते मैं क्या बोला था <coughs> कि आप अपने भाई बहन सबका फोन रख लो जैसे कई दफा मैं से कृष्ण पूछता है कि सर वो सर फीस नहीं है वो मतलब फीस वो एक तो आप खुद सोच के देख लो इतने मिनिमल प्राइस में जो हम लोग कोर्सेज लॉन्च किए इतने मिनिमल प्राइस में और इस फैकल्टी मतलब मैं तो जो भी टीम मेंबर है मुझे लगता है सबसे मतलब अपने आप को वीक नहीं कहना चाहिए लेकिन हां मेरे हिसाब से सभी जो और फैकल्टी मेंबर सभी मेरे से ज्यादा टैलेंटेड हैं है ना तो मेरा खुद का कंडीशन इतना होता है कि उनसे मेरे को बहुत सीखने में मिलता है मैं लगातार इंप्रूवमेंट करता हूँ अपने अंदर दीदी से <laughs> तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे किसी को लगता है फीस ज्यादा है ये ना जो भी चीज है फीस नहीं है आपके चाचा चाचा फूफा मामा जीजा दोस्त कजिन जितने भी रिलेशन वाले ना अगर आपको लगता है ज्वाइन करना आपको भले आपके आप फीस हो इन सबसे बोल दिया करो भैया हमको दस हजार रुपए दो हमको एक कोर्स ज्वाइन करना दस हजार दो दस हजार दो क्योंकि अगर सिलेक्शन भाई अगर कोई पैसा नहीं दिया मतलब चाचा बोले कि पैसा नहीं देंगे मतलब नहीं है हमारे पास सिलेक्शन हो जाए तो याद रखना ये चाचा तुमको पैसा नहीं दिए थे जैसे अरे बबुआ कोई काम हो तो बताना हमको कोई मतलब बबुआ हमको तो लगता ही था हो बिटिया मतलब तुम तो इतना पढ़ने में होशियार थी नहीं होगा तो यही बोलेंगे घूम से, से घूम के चक्कर लगाते थे चक्कर लगाते थे इंटर नगर नाल लगन में ये कुछ नहीं किए बस्ती में रहते तो कुछ काम नाम करते है सिलेक्शन ना होने पे होने पे यही देखो हमको पता था ये नहा नाहन में कड़ी तपस्या कर रहा था मेहनत कर रहा था हमको पता इसका सिलेक्शन होगा ठीक है तो इसलिए कह रहा हूं कि इन सबसे पैसा मांगना है ना सिलेक्शन बाद याद रखना जिसने दिया है उसकी खूब दिल खोल के उसके लिए मतलब खातिरदारी करना और जिसने नहीं दिया है तो उसका नाम बिल्कुल अपने टैटू करवा लेना टैटू कि जिंदगी में कभी काम ना पड़े इनसे क्वेश्चन नाइन को क्वेश्चन नाइन पे भी आया नहीं है जी क्वेश्चन नाइन पे आते हैं ठीक है तो ये याद है कुछ देखो लाइफ के प्रिंसिपल्स होते हैं उनको बना के चलो है ना जैसे हम हम यूपी से आते हैं यूपी में एक ही लोग जानते हैं गवर्नमेंट जॉब यूपी में गवर्नमेंट जॉब के अलावा कोई भी काम बता दो ना आप कह दो कि मैं इस कंपनी का सीईओ हूं अगर लेकिन रेलवे में नौकरी होती तो बात कुछ और थी मतलब सीईओ ये तो कुछ नहीं होता है मतलब अगर मान लो आप पुलिस में होते तो ज्यादा बड़ी बात थी तो जैसे हमसे कुछ पूछते हैं कि क्या करते हो तो हम एक दो बार बताने के ट्राई किया ऑनलाइन कोर्स है ये वो प्लान निकाल समझ ही नहीं पाए मतलब अरे ये सब नहीं मतलब लेकिन अगर मान लो सरकारी नौकरी होती उसकी बात कुछ और मतलब ये सब अब नेक्स्ट टाइम से बताना ही बंद कर दिया हमसे कोई पूछते हैं क्या करते हो हम कहते हैं बेरोजगार है बेरोजगार है तुम तो दिल्ली में रहते हो हाँ दिल्ली में पैसा है हमको पापा भेजते हैं पैसा अरे कब तक पापा भेजेंगे खेत भेज दें खेत बेच के खाएंगे फिर हमने घर भेज दें घर भेज के खाएंगे तब पूछना बंद कर दिया अरे तुम वो कर रहे हो तो पहले से पता क्या है, पूछ रहे हो, है ना तो कुछ देखो लाइफ के रूल होते हैं बना के चलो है ना कई लोग मतलब हमारे सिलेक्शन नहीं हुआ हमको टोकते हो अरे टोकते हैं क्या उनके पास खुद जाके बोलो, देखो हमारा नहीं हुआ है हम एक साल और तैयारी करेंगे जा जिनसे डर लग रहा है उनके पास खुद जाके बोलो कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है देखो कोई चोरी तो है सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है आंखों में आके डाल के बोलो हाँ नहीं हुआ है जाओ क्या गल लोगे अगली बार हो जाएगा हमारा देखना नहीं अगली बार तब भी कोई दिक्कत नहीं है अगली बार होगा हमारा अरे हमारी लाइफ है यार है ना तो कुछ चीजें देखो लाइफ के रूल बनाओ चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं वॉट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई क्वेश्चन फिर समझाता हूं मैं सबसे सब पहले इसको भूल जाओ इस पे फोकस करो इस पे जो पूछ रहा है इस पे फोकस करो व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई एक्स का कितना परसेंट वाई है

ये पूछ रहा है अब जो गिवन दिया उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया एक बार जल्दी से कंफर्मेशन दीजिए यहां तक बात क्लियर है यस और नो यहां तक बात क्लियर है यस और नो 86 अभी तक केवल शेयर हुए कम से कम 100 शेयर तो कर दो मतलब माना चलो 200 लाइव नहीं आए 100 शेयर तो कर दो कम से कम जितने लोग लाइव हैं यहां तक बात क्लियर है चलो एक्स इक्वल टू नाइन डिवाइड बाई हंड्रेड इंटू क्या हो जाएगा वाई अब यहां से देखो सबसे पहले जीरो से जीरो को उड़ा दिया अब मेरे को क्या चाहिए y x. तो मैंने क्या किया y को यहीं रखा क्योंकि y ऊपर चाहिए x जो यहां पे मल्टीप्लाई में x को यहां पे भेज दिया तो x यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा ये जो 10 है इसको यहाँ भेजा 10 डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया 9 मल्टीप्लाई में 9 डिवाइड में आ गया इक्वल टू y ऐसा कैसे ही रहा ये x मल्टीप्लाई से नीचे कैसे आ जाएगा डिवाइड में ये स्टेप सबको क्लियर हो गया कैसे हुआ यस और नो क्लियर अब बस क्या करना है वाई बाई एक्स बाई वैल्यू फुट कर दो तो टेन डिवाइड बाई नाइन इंटू हंड्रेड तो ये हो गया थाउजेंड डिवाइड बाय नाइन अब ये कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है ये कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है अब मैच नहीं कर रहा है तो सर नहीं पीटना है क्योंकि ये आपको दिया है मिक्स फ्रैक्शन में तो नाइन से थाउजेंड को डिवाइड करो नाइन से थाउजेंड को डिवाइड करो तो नाइन से थाउजेंड को डिवाइड किया तो वन टाइम में नाइन माइनस किया वन फिर एक जीरो तारा वन टाइम में नाइन माइनस किया फिर एक जीरो तारा वन टाइम में नाइन माइनस किया वन आ गया तो वन 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 जो रिमाइंडर आता है वो ऊपर जैसे डिवाइड करें नीचे वन 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 एंड वन बाई नाइन परसेंट आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ओके दो स्टूडेंट ने बोला है कि सर एक बार रिपीट कर दो मैं भगवान का समय रिपीट कर दूंगा एक मिनट रुक जाइए बस एक मिनट एक बार रुक जाइए बस कितने लोगों को क्लियर हो गया कितने लोग क्लियर हो गया बाकी एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से क्योंकि दो स्टूडेंट अपने नॉर्थ ईस्ट फैमिली के दो स्टूडेंट को अभी क्लियर नहीं हुआ कोई बात नहीं जी एक बार रिपीट कर देते हैं ठीक है सबसे पहले ये फोकस करो पूछा क्या है तो पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई ठीक है व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो इन टू हंड्रेड करते हैं परसेंटेज बदलना होता है ठीक है मैंने बोला था आपको जो भी ऑफ के बाद वाला होगा उसको नीचे लिखते हैं हमेशा तो वाई बचा ऊपर वाई हो गया तो बेसिकली इसकी वैल्यू निकालनी है लैंग्वेज से हमने इसको इसमें ब्रेक कर लिया इसकी वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन ये है महेश बाबू कंफ्यूज दो हाँ आप साउथ से हो गया साउथ का एक्टर है महेश बाबू अब ये वैल्यू निकालने यहां तक बात क्लियर यस और नो जिनका डाउट था एक शायद वो मारिया जी कोई और है मैं भूल गया दो लोग का डाउट था एक बार बताओ यहां तक बात क्लियर है क्या निकालना ये क्लियर हो गया अब नेक्स्ट क्या गिवन दिया इज परसेंट मीन हंड्रेड से डिवाइड करना ऑफ वाई ठीक है क्लियर तो यहां से क्या करना है मेरे को वाई बाई एक्स कैल्कुलेट करना वाई बाई एक्स तो मैंने क्या किया वाई को यहीं रखा क्योंकि वाई ऊपर रखना है मेरे को एक्स को यहाँ पे बुला लिया तो एक्स मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड पे आ जाएगा ठीक है और इन कॉन्स्टेंट को यहाँ भेजना स्टार्ट कर दिया तो हंड्रेड डिवाइड में डिवाइड इधर कैसे जाएगा मल्टीप्लाई के साथ और मल्टीप्लाई नीचे कैसे आएगा डिवाइड के साथ तो हंड्रेड ऊपर चला गया डिवाइड बाई नाइनटी वाई तो ऊपर ही रहा है एक्स नीचे आ जाएगा तो क्या कर दिया शिफ्टिंग कर दिया मारिय जी क्या कर दिया शिफ्टिंग कर दिया

नेक्स्ट uh, क्वेश्चन क्या है एक्स इफ एक्स परसेंट ऑफ वाई इज सेम एज फोर बाई फाइव ऑफ एटी एक्स परसेंट ऑफ वाई तो परसेंट दिखा तो क्या करना है हंड्रेड से डिवाइड तो एक्स बाई हंड्रेड ऑफ मतलब मल्टीप्लाई वाई इज सेम एज फोर बाई फाइव ऑफ एट्टी तो फोर बाई फाइव ऑफ मतलब मल्टीप्लाई एट्टी सबसे पहले कंफर्मेशन दीजिए यहां तक बात समझ में आई ये नहीं आई येस और नो क्योंकि पहला ही स्टेप खतरनाक होता है कन्वर्ट कराना पहला ही स्टेप खतरनाक होता है कन्वर्ट कराना एक बार कन्वर्ट हो गया उसके बाद तो आसान हो जाती कंफर्मेशन देते जाइए भैया तीन घंटे से ज्यादा हो गया है एक सौ छह लाइव बचे हैं सीधे नब्बे लोग गायब हो चुके हैं तो अब यहां से हुकी जरूर भरना है कुछ भी बोलो यहां से जगते रहो गुड मॉर्निंग हैप्पी बर्थडे सेम टू यू कुछ भी बोलो भारत माता जय इंडिया आजाद हो गए कुछ भी बोलते जाओ लेकिन जगते रहना है ठीक है तो सबसे पहले आपने क्या किया ये लिखा है एक्स परसेंट ऑफ वाई तो एक्स परसेंट परसेंट मीन्स हंड्रेड से डिवाइड करना तो एक्स डि हंड्रेड ऑफ मतलब मल्टीप्लाई एक्स परसेंट ऑफ मतलब दुनिया भर की सारी चीजें आपको हो जा रही हैं चलो x परसेंट ऑफ y तो x एक्स डिड्रेड इंटू वाई फाइव निकालना है एक्स वाई की वैल्यू तो x into y हो गया 100 में ऊपर तो फोर बाई फाइव इंटू एटी इंटू हंड्रेड ठीक है 5 से कट किया हंड्रेड को ट्वेंटी आ जाएगा तो फोर इंटू एटी इंटू ट्वेंटी कितना हो जाएगा तो एट इंटू टू कितना हो जाएगा हंड्रेड तो हंड्रेड टू फोर कितना हो जाएगा 6400, तो आंसर आएगा 640 हो जाएगा जी ज्योति जी कह रहे हैं गुड नाइट सर बस <laughs> तीन घंटे का सफर था यार आपके साथ बस अच्छा लगा अगर सिक्सटी फोर हंड्रेड देता तो ऐसा ही होता

80 का 4/5 कितना है वैसे 80 का 4/5 हो जाएगा 18 4/5 कट करोगे 16 to 4 64 आ जाएगा <laughs> ये तो देखो तरीका होता है ना तरीका भाई का बस 90 बाकी है 10 तो हो ही चुके हैं चलो ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा डिफिकल्ट है क्वेश्चन क्वेश्चन बढ़िया है ये वाला मतलब ये घुमा देने वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन ये इन अ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन फोर्टी परसेंट एम्प्लॉ आर मटेरियल लिख दिया ये टाइप ही साफ गलती कर दिए मैट्रिक्स होगा आर आर मैट्रिक्स मैट्रिक्स मतलब matrix किया है? 50 of remaining graduate. Remaining किया है यूज़ किया वेरी इंपॉर्टेंट रिमेनिंग एंडिंग वन एटी आर पोस्ट ग्रेजुएट अब जो रिमेनिंग नहीं पढ़ पाएगा या रिमेनिंग को इग्नोर कर देगा तो उसका आंसर गलत हो गया वो ऐसे देखेगा कि मैट्रिक्स वाले हैं फिर ग्रेजुएट वाले हैं फिर पीजी वाले 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 हैं तो मैट्रिक्स वाले 40%, 50 वाले, तो मैट्रिक्स ग्रेजुएट बचा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये वाला। वाला सबसे पहले मान लिया कि टोटल स्टूडेंट जो थे या टोटल एम्प्लॉय थे उनको एक्स बोल दिया एक्स तो जो मैट्रिक्स वाले हैं उसके परसेंट है तो एक्स का फोर्टी परसेंट कितना हो जाएगा फोर्टी परसेंट ये तो होगा जीरो से जीरो कट कर दिया टू से कट किया टू टू से कट किया फाइव तो बेसिकली टू एक्स डिवाइड बाई फाइव जो है ये होगा वो जो मैट्रिक्स वाले हैं यहाँ तक बात समझ में आई यस और नो क्या बात है आई एम बैक अभी सवन से दूंगा मैं चलिए बहुत बढ़िया चलिए अब बताइए फोर्टी परसेंट एम्प्लॉय तो अगर टोटल मान लिया x तो क्या उसके फोर्टी परसेंट मैट्रिक्स वाले ये हो जाएगा यस और नो मतलब हिस्ट्री रचने जा रहे हो अरुणाचल की सबसे बड़ी क्लास अगर मैं लेने जा रहा हूं तो अरुणाचल की सबसे बड़ी क्लास आप भी तो अटेंड करने जा रहे हो कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है इतनी बड़ी हिस्ट्री उसने जा रहा हो कल आपको अपने आप से एक खुशी मिलेगी जो लोग छह घंटे क्लास अटेंड करेंगे भले चाहे उनकी या, कितनी भी हालत खराब हो जाए कल आपको अपने आप से एक एक रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट मिलेगी खुद को देख के फील होगा कि यार मैंने छह घंटे क्लास अटेंड की है और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है पढ़ाना तब भी आसान होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट पढ़ना बड़ी बात होती है छह घंटे बैठ के पढ़ना पढ़ाना क्योंकि मेरे सामने एक लोग दिख रहे हैं पढ़ना बड़ी बात होती है मैं इसको अप्रिसिएट कर रहा हूँ जो लोग यहाँ तक टिके हैं और जो लोग छह घंटे तक टिकेंगे ये बड़ी बात है आई एम रियली प्राउड ऑफ यू जो छह घंटे टिकेंगे बड़ी बात है तो यहां से बस मैं आपकी लिमिट को पुश कर रहा हूँ कि भैया एग्जाम आएगा तो हम कुछ भी कर जाएंगे एग्जाम निकाल के दिखाएंगे इस बात सर जी कुछ भी कर जाएंगे लिमिट को पुश कर रहा हूँ आपकी <laughs> आपको आदत है <laughs> चलिए अब नेक्स्ट बात जो लिखी है फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट ऑफ रिमेनिंग बेसिकली इतने तो मैट्रिक्स वाले वाले थे थे इतने तो मैट्रिक्स वाले थे. तो मैट्रिक्स रिमेनिंग कितने बचे चलो कैलकुलेट करो भैया टोटल थे एक्स एक्स में मैट्रिक्स वाले कितने थे टू एक्स बाई फाइव इसको माइनस कर दो तो ये हो जाएंगे रिमेनिंग तो रिमेनिंग बताइए कितना हो जाएगा सब लोग कैलकुलेट करिए सब लोग पार्टिसिपेट करिए इतना बड़ा आप रॉकेट साइंस बता दियो मतलब उन्होंने जिंदगी की स्पेलिंग लिख दिया जी आई जे आई एन डी ए जी आई कह रहे नहीं जिंदगी की स्पेलिंग जो होता है जेड आई एन डी ए जी आई होता है मतलब मैं पूछ रहा हूं रिमेनिंग कितना होगा उससे मतलब नहीं है ये जिंदगी की स्पेलिंग सही कर देते हैं पहले आप हाँ। चलो रिमेनिंग कितना होगा मेमिंग जी नींद आ रही क्या एक्स बाई फाइव कहां से हो जाएगा तो ये कौन सा मैटर इसको बोलते हैं बटरफ्लाई है? मैटर अपोजिट वाले मल्टीप्लाई फाइव इंटू एक्स फाइव एक्स वन इंटू टू एक्स डिवाइड बाई फाइव हो तो जाएगा थ्री एक्स बाई फाइव तो रिमेनिंग कितना हो गया थ्री एक्स बाई फाइव अब क्वेश्चन से पढ़ो ध्यान से ध्यान से ध्यान से फिफ्टी परसेंट ऑफ रिमेनिंग आर ग्रेजुएट तो रिमेनिंग ये निकल के आया है इसका फिफ्टी परसेंट ग्रेजुएट है तो फिफ्टी परसेंट ऑफ रिमेनिंग रिमेनिंग कितना आ गया थ्री एक्स बाई फाइव इसका फिफ्टी परसेंट निकालो कितना आएगा इसका फिफ्टी परसेंट निकालो कितना आएगा फिफ्टी परसेंट ऑफ रिमेनिंग आर ग्रेजुएट ना अभी तो देखिए टोटल एक्स था एक्स में मैंने मैट्रिक्स वाला माइनस कर दिया मैट्रिक्स वाले थे टू एक्स वाई फाइव तो आ गया रिमेनिंग थ्री एक्स वाई फाइव इसका फिफ्टी परसेंट तो इसका फिफ्टी परसेंट कितना आ जाएगा वेरी गुड तो फिफ्टी परसेंट से जीरो कट गया फाइव से कट गया टू आ गया तो थ्री एक्स और फाइव और टू मल्टीप्लाई टेन हो गया तो थ्री एक्स बाई टेन तो ये हो गया ग्रेजुएट वाले ये हो गए ग्रेजुएट वाले ठीक है तो देखो टोटल कितना थे टोटल थे आपके x टोटल थे x x में मैट्रिक्स वाले कितने थे माइनस कर दिया मैट्रिक्स वाले थे कितने टू एक्स बाई फाइव फिर ग्रेजुएट वाले माइनस करते हैं थ्री एक्स बाई टेन तो टोटल में अगर मैट्रिक्स और ग्रेजुएट माइनस हो गए तो क्या बचेंगे पोस्ट ग्रेजुएट वाले तो कैलकुलेट करिए पोस्ट ग्रेजुएट कितना आ जाएगा सब लोग कैलकुलेट करिए ये क्वेश्चन थोड़ा पेचिदा है तो उसको पेचीदे क्वेश्चन को हम लोग ने क्या किया है स्टेप बाय स्टेप में बांटा है और इसीलिए मैं आपसे ही सॉल्व करवा रहा हूं चलो थैंक यू सो मच शेयर वन ट्वेल्व हो गया तो मेरे को मतलब ऐसा एक ऐसा होता ना एक थोड़ा सा खुशी मतलब हंड्रेड से ऐसे माइंड सोचा था कितने लोग होंगे वैसे मैं बोलता होता नहीं हूँ मतलब आज ऐसे दिल हुआ आप लोगों ने इसको पूरा कर दिया थैंक यू जी थैंक यू मैं छोटी छोटी चीज़ में खुश हो जाता हूँ एक चाय पिलाओ तो मेरे को पांच व्यक्ति में खुश हो जाता हूँ तो मेरी इनकम यही है कि आप लोगों का इतना प्यार है रिस्पेक्ट है मेरी इनकम यही है इसीलिए कल या परसों किसी मैंने स्टेटस भी डाला था जनरली किसी ने इससे पूछा कि आपका क्या इनकम है मैं कहा तुम मेरी इनकम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे बिलियन डॉलर है भैया स्टूडेंट इतना प्यार करता है वो अपनी प्रॉब्लम को जेन्यून वे मेरे को बताता है ये मेरी प्रॉब्लम चल रही है सर और मेरे पर ट्रस्ट करता है जो उसका ट्रस्ट है वो मेरे लिए बिलियन डॉलर है भैया बिलियन डॉलर मैं बहुत खुश हूँ बहुत इसके लिए मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ मैं बहुत खुश हूँ इसलिए मैं दिन भर फोन ही ले बैठा रहता हूँ किसी के कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है मेरा पूरा दिन ही इसमें चला जाता है पर्सनल लाइफ मेरी कुछ बची नहीं है और मैं ओके हूँ कि चलो अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं बहुत खुश हूँ है ना वो हो जाता है किसी का अच्छा लगता है तो मेरे को बहुत खुशी है तो कुछ कभी ऐसा हुआ कि मेरे भी कभी सपने पूरे नहीं हुए तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर मेरे सपने नहीं पूरे हुए तो मैं अगर किसी का सपना पूरा कर देता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा एहसास होगा मेरा ही सपना पूरा हो गया है कुछ ऐसी जगह मेरे सपने पूरे नहीं हुए तो इसलिए मैं दूसरों के सपनों के लिए काम कर रहा हूँ और चाहिए है भाई इतना इतनी बड़ी मेरी फैमिली है पूरे अरुणाचल में इतना प्यार है चाहिए क्या ना ना शॉर्टिंग नहीं लगेगी इसमें शॉर्टिंग नहीं लगेगी माइनस करो तो ये हो गया टेन तो ये टेन टू एक्स कितना हो गया टेन एक्स फाइव टू किया टू इंटू टू कितना हो गया फोर एक्स ये हो गया थ्री एक्स तो कितना हो जाएगा टेन में सेवन चला गया तो थ्री एक्स डिवाइड बाई टेन ये आपके आ गए पोस्ट ग्रेजुएट वाले पीजी वाले अब थ्री एक्स डिवाइड बाई टेन को किसके बराबर कर दिया वन एट्टी तो एक्स कितना हो गया वन एट्टी इंटू टेन डिवाइड बाई थ्री थ्री से कट किया कितना सिक्सटी तो एक्स कितना हो गया सिक्स हंड्रेड तो टोटल एम्प्लॉय आ गए सिक्स हंड्रेड <laughs> कारतू जी थैंक यू सो मच अब इसमें निकालना है कौन से ग्रेजुएट वाले तो ग्रेजुएट वाले कौन थे थ्री एक्स बाई टेन थ्री एक्स गया तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था वन एट्टी आपका आंसर आ गया ठीक है अगर कोई क्वेश्चन लिखकर लग रहा है तो जब भी इसकी रिकॉर्डेड वीडियो आ जाए तो उस क्वेश्चन को पॉइंट आउट कर लो कि इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हुई थी तो वहां जाके उस क्वेश्चन को दोबारा आपको क्या करना है फोकस करना है ठीक है अब जो यहां से क्वेश्चन आ रहा है ये आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस वाले प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन आ रहा है अब ये क्वेश्चन कौन से हैं प्रॉफिट एंड लॉस वाले ठीक है सबसे पहले इसके इसके फॉर्मुले रिवाइज कर लेते हैं बताइए प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी होता है सीपी माइनस एसपी होता है फॉर्मुले रिवाइज कर लेते हैं तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का एसपी माइनस सीपी सी पी माइनस एसपी जी प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप जब भी रिकॉर्डेड है, है उसको देख लीजिएगा क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग है सुनिया जी है ना सॉरी मैं आपकी बात को आ, अभी मतलब ऐसा नहीं कि मैं इग्नोर कर रहा हूं उस क्वेश्चन को देख लेना क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है है ना जब भी रिकॉर्डेड आ जाए तो उसको पॉइंट आउट कर लीजिए इलेवन क्वेश्चन उसको दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को डेफिनेटली समझ में आ जाएगा है ना तो प्रॉफिट क्या डेफिनेटीएगा एस पी माइनस सीपी कितने में बेचा माइनस कितने में खरीदा तो ग्रेजुएट एम्प्लॉय कितना होगा वन एट्टी होगा जी जैमिन जी वन एट्टी लॉस क्या हो जाएगा लॉस लॉस हो जाएगा उल्टा सीपी माइनस एसपी थ्री हंड्रेड टोटल है पीजी वाले नहीं है थ्री हंड्रेड एक्स की वैल्यू है तो टोटल है तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा तो जो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई सी पी टू हंड्रेड दस परसेंटेज कितना हो जाएगा सीपी डिवाइड सीपी माइनस एस पी डिवाइड बाई आपका सीपी इंटू हंड्रेड ये आपके बेसिक आपके हाँ बता रहे हैं जी बता रहे है, बता रहे हैं बता रहे हैं ये कौन सा क्वेश्चन चल रहा है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ना हाँ क्वेश्चन ट्वेल्व चलो अब देखो एक पर्सन था एल्फर्ट उसने एक स्कूटर खरीदा फोर थाउजेंड का और उसमें उसने एट हंड्रेड उसने रिपेयर कराया तो बताइए इसका पहले सबसे पहले सब लोग बताइए इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा कॉस्ट प्राइस फोर्टी सेवन हंड्रेड होगा या उसमें एट हंड्रेड जोड़ के होगा बताइए सबसे पहले बताइए इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा सेल्थ है स्कूटर फिफ्टी एट हंड्रेड तो सेलिंग प्राइस तो फिक्स है फिफ्टी एट हंड्रेड कास्ट प्राइस ये होगा इसमें जोड़ना पड़ेगा देखिए जो भी एक्सपेंसेस आए उसको जोड़ना पड़ेगा तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा फिफ्टी फाइव हंड्रेड हो जाएगा ठीक है जोड़ना पड़ेगा नहीं जी नहीं जी फोर्टी सेवन नहीं होगा मोय जी फोर्टी सेवन नहीं होगा क्योंकि आपका उसमें खर्चा लग गया ना आठ सौ और तो जोड़ना पड़ेगा ठीक है अब निकालना क्या है गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट क्या होता है एस पी माइनस सीपी डिवाइड बाई सी पी इंटू हंड्रेड एस पी कितना है फिफ्टी फाइव हंड्रेड इंटू कितना हो जाएगा हंड्रेड साथ साथ करते चलिए तो थ्री हंड्रेड हो गया डिवाइड बाई फिफ्टी फाइव हंड्रेड इंटू हंड्रेड दो जीरो दो जीरो कर गया 5 से कट के 11 5 से कट के 20 कितना हो जाएगा 20 into 3 60 by 11 हो जाएगा अब 60 by 11 तो आपका आंसर आया लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है तो जब भी ऐसा ऑप्शन मैच ना करे तो इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ना होता है तो मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ के आंसर क्या आ रहा है बताइए मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ के आंसर क्या आ रहा है 11 से आपने डिवाइड किया 60 को तो ये 5 टाइम में गया 55 माइनस किया 5 आ गया तो 5 तो पूरा पूरा कंप्लीट हो गया अब रिमेनिंग कितना बचा 5 डिवाइड बाय 11 तो 5 एंड 5/11 आंसर आ गया 5 एंड 5/11 आंसर आ गया बी ऑप्शन करेक्ट है वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन अब ऐसे क्वेश्चन कैसे टैकल करना होता है ध्यान से देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हंड्रेड ऑरेंजेस आर बॉट एट रेट ऑफ थ्री फिफ्टी तीन सौ पचास में हंड्रेड ऑरेंजेस को खरीदा एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ फोर्टी एट पर दर्जन दर्जन में तो एक बात आई है कि एक एक ऑरेंज को खरीदने में कितना पैसा लगा एक ऑरेंज को खरीदने में कितना पैसा लगा बताइए जब भी ऐसा आया करे तो एक का कैलकुलेट कर लिया करे क्योंकि अलग अलग चल रहा है तो दोनों का हिसाब किताब अलग अलग तो हमेशा जब भी अलग अलग चला करे तो एक का कैलकुलेट कर लो तो वन ऑरेंज का कितना हो जाएगा तो वन का कितना हो जाएगा जी तो हंड्रेड ऑरेंज बिक रहे हैं तीन सौ पचास में इतनी महंगाई है मोदी सरकार काम नहीं कर रही लेकिन इतना तो भी नहीं बढ़ गया कि पैंतीस रुपए का एक ऑरेंज मिलेगा मतलब ऑस्ट्रेलिया में रहना है क्या हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिकली लिए जाते हैं ना ऐसा कोई क्वेश्चन लिया जाएगा तो 350 डिवाइड बाय 100 ठीक है 0 0 कट गया अब 10 बचा 10 से इसको काटोगे तो 3.5 आ जाएगा तो रुपए का एक ऑरेंज मिला मतलब खरीदा मिला देखो भगवान भगवान भला करे सबका मतलब लाइव क्लास मेरी मौत देखोगे फिर कोई 35 लिख रहा है चार है आपके साथ सुसाइड करने आए कोई बात नहीं एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 48 पर दर्जन एक दर्जन बारह होते हैं तो अड़तालीस रुपए मतलब फोर्टी एट के बारह है तो बताइए सेलिंग प्राइस एक का कितना हो जाएगा एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस ऊपर वाला तो हो गया कॉस्ट प्राइस ये हो गया कॉस्ट प्राइस तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा नींबू <laughs> तो सही बता रहा हूँ मैं कल गया किसी होटल में तो एक पन्नी में इतने नींबू भरे रखे थे मतलब मैं सोचा कि उठा के भाग जाता हूँ <laughs> इतने नींबू लेके भाग गया तो कम से कम नहीं तो पांच छह हजार तो होएंगे ही तो एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस ठीक है कितना हो जाएगा तो फोर्टी एट डिवाइड बाय ट्वेल्व कितना हो जाएगा फोर रुपी तो अब अपना निकल आया कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस अब अपन देखेंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई सीपी इंटू ठीक है अब यहाँ पे एस कितना है फोर तो फोर लिख दिया माइनस थ्री पॉइंट फाइव डिवाइड बाई थ्री पॉइंट फाइव इंटू कितना हंड्रेड अब बताइए फोर में इंदिरा मोदी जी बताइए फोर में थ्री पॉइंट फाइव जाएगा कितना बचेगा नीड टू लर्न अगर फोर में थ्री पॉइंट फाइव चला जाएगा कितना बचेगा अब आदत ये पड़ी है कि अगर पनीर वनीर खाओ तो नींबू मांगने की आदत पड़ी है कि भैया तो नींबू देना अब किसी भी होटल में जाते हैं निम्बू मांगते तो ऐसा लगता है जैसे मैंने उसकी बेटी का हाथ मांग लिया है ऐसे एकदम भूलने लगता है वो चार कर से आया देखो एक दर्जन में होते हैं बारह तो बारह बारह ऑरेंज का जो प्राइस है फोर्टी एट रुपए है ट्वेल्व ऑरेंज का ट्वेल्व ऑरेंज का देखिए फोर्टी एट के एक दर्जन है ना एक दर्जन ट्वेल्व होते हैं तो ट्वेल्व ऑरेंज का प्राइस है फोर्टी एट तो वन का कितना हो जाएगा तो फोर्टी एट डिवाइड बाई ट्वेल्व अब मैं अपनी मम्मी कसम खा कह रहा हूं कि अगर ट्वेल्व से फोर्टी एट को डिवाइड करोगे तो चार आएगा आंसर अपनी मम्मी कसम खा कह रहा है ना इसी वजह से मैंने चार यहाँ पे लिख दिया ठीक है अब फोर में थ्री पॉइंट फाइव गया कितना आएगा जीरो पॉइंट फाइव तो जीरो पॉइंट फाइव डिवाइड बाई थ्री पॉइंट फाइव इंटू कितना हंड्रेड तो सबसे पहले पॉइंट के बाद एक डिजिट दोनों में मुस्कुराइए और दोनों को काट दीजिए है।, है ना तो क्या बचा फाइव डिवाइड बाई थर्टी फाइव इंटू हंड्रेड फाइव से थर्टी फाइव काटो सेवन आ जाएगा तो हंड्रेड डिवाइड बाई सेवन हो गया फिर से हंड्रेड डिवाइड बाई सेवन कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है अब बताओ भैया कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो क्या करें बंदूक लगा के मैच करा दे क्या करें सेवन से डिवाइड करो सेवन से डिवाइड करो कितनी बार डिवाइड जा रहा है फोर्टीन टाइम से डिवाइड जा रहा है टू रिमाइंडर आ जाए तो फोर्टीन एंड टू बाई सेवन परसेंट आंसर ए ऑप्शन करेक्ट है कितने लोगों का ए आ गया है कितने लोगों का ए आ गया है कितने लोग ए रस्ते में है अच्छा सरकारी सरकारी डिपार्टमेंट जाओ वहां पे मतलब अब पता नहीं मतलब अरुणाचल का क्या हाल है आ, यूपी का हाल तो और बुरा है मतलब मैं गया सरकारी डिपार्टमेंट में वहां पे एक आदमी बैठा है तो वो एक क्लर्क टाइप का लिए लैपटॉप मतलब वो सिस्टम पूरा अब वो जो आदमी बैठा गांव का है पूछ रहे भैया हमारा अभी तक काम नहीं हुआ भैया कह रहा है सर्वर अभी नहीं आया सर्वर आने में अभी टाइम है भैया सर्वर नहीं आया अरे हाँ कह रहा पचास किलोमीटर दूर है आ रहा है सर्वर तो मतलब मेरे को पहले गुस्सा आया कि मतलब सर्वर पचास किलोमीटर दूर है सर्वर है कि बस से आ रहा है कि ट्रेन से आ रहा है मैंने पूछा उससे है ना तो सरकारी डिपार्टमेंट में ये होता है यूपी में तो भैया अरुणाचल में तो मतलब आई होप सब बढ़िया ही हो है ना ऐसा तो नहीं चलता है कि सर्वर भैया ईटानगर वाला है कोई तो सर्वर नहा लोग तक तो पहुंच गया आ रहा है अच्छा इतना तो हमें यकीन है जितने हमारे स्टूडेंट हैं कोई ना कोई ज्वाइन करता जा रहा है एल में जैसे सिलेक्शन हुए यूटीसी में सिलेक्शन हुए एसआई SI में हुए तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ईमानदारी से काम कर रहे होंगे आगे भी जो सिलेक्शन होंगे वो लोग भी ईमानदारी से काम करेंगे है ना देखिए बहुत अच्छी बात होती है अगर आप अपने स्टेट के लिए कुछ अच्छा कर रहे बहुत अच्छी बात होती है वर्थ हो जाता है आपके लाइफ का आप अपने स्टेट को अच्छा कर जाए किसी की हेल्प कर जाए तो भैया ईमानदारी से काम करिएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट इफ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इफ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है <laughs> <ना> <laughs> <laughs> सही था भाई टेन इंस टू इलेवन ठीक है इट मीन सीपी डिवाइड डिड बाई एसपी कितना हो जाएगा टेन बाई इलेवन सीपी डिवाइड बाई एसपी टेन बाई इलेवन ठीक है अब पूछ रहा है परसेंटेज आप प्रॉफिट क्या है प्रॉफिट परसेंटेज तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मला क्या होता है एस पी माइनस सी पी डिवाइड बाई सी पी इंटू कितना होता है हंड्रेड यही फॉर्मूला होता है ना जी एस पी माइनस सी पी डिवाइड बाई सी पी इंटू हंड्रेड यस और नो ये बताते चलेंगे मतलब मैं बोला था कि देखो जैसे बारह बज जाए बाद बताते चलो कि हम भैया हम हैं सर टेंशन मत लो हम हैं पता चला कि हमको कि अरे सौ लोग लाइव है सब लोग अपना लाइव खोल के सो गए हैं तो ये ऑनलाइन क्लास थोड़ी है कि हम अटेंडेंस ले रहे हैं बताते है चलो यहाँ तक क्लियर है अब करना क्या है देखो सीपी जो है ना सीपी सीपी इसको इन दोनों से डिवाइड कर दो दोनों डिवाइड कर दो तो सीपी दोनों के नीचे है ना दोनों से डिवाइड कर दो तो पी परसेंट क्या हो जाएगा एसपी डिवाइड बाई सी पी माइनस हो जाएगा माइनस इनटू कितना हो जाएगा हंड्रेड ठीक तो है इनटू हंड्रेड तो सीपी डिवाइड बाय एस पी कितना टेन बाई इलेवन ये क्या एसपी डिवाइड बाय सीपी जस्ट का अपोजिट तो इसका अपोजिट कर दो तो एसपी डिवाइड बाय सीपी कितना हो जाएगा इलेवन बाई टेन मैं जिंदा हूं कह रहा है <laughs> कितना हो जाएगा इलेवन बाई टेन तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो इलेवन डिवाइड बाई टेन माइनस वन कितना हो जाएगा हंड्रेड

सर uh, आप क्वेश्चन करने से इतना आसान लगता है और हम है। अरे वही बात है ना प्रैक्टिस से होता है जी अभी लगातार प्रैक्टिस करेंगे आपका भी आसान हो जाएगा टेंशन तो ही लेना है आपका प्रैक्टिस करें आपका आसान हो जाएगा इसीलिए जैसे आपको कभी भी एडवाइस लेनी ना किसी एडवाइस तो कभी भी किसी का सिलेक्शन हुआ है ना उससे बिल्कुल एडवाइस मांगा करो उससे तो एकदम कट लिया करो एकदम कट लिया करो जिसका सिलेक्शन हो जाए वो इतना ज्ञान देता है कि मतलब हद से ज्यादा इतना ज्ञान मतलब वो तो हम रात रात भर पढ़ते थे और वो क्या नाम है वो घर से बाहर हम छत में पढ़ते थे उसके बाद पेड़ में चढ़ के पढ़ते थे उसके बाद हम कूद जाते थे पानी के अंदर बैठ के पढ़ते थे मतलब ऐसा लगता है भैया हमारी तो जिंदगी खराब ही है मतलब मतलब ये तो घंटे पढ़ाई कर रहा है एक तो इस प्रजाति का मिलता है ठीक है ना जो कि हमारे नहीं से बाहर है दूसरा ऐसा मिलता है कि अरे कुछ है है ही नहीं ये एग्जाम कुछ तो है ही नहीं एग्जाम तो हलवा है मतलब मैं अगर अभी सो रहा हूँ मेरे को जगह तो मैं एग्जाम निकाल दूंगा चाहे उसकी लगी पड़ी हो एग्जाम निकलते समय उसका मुंह बन गया हो कि कैसे बस निकल गया लेकिन ऐसा बोलेगा अरे कुछ है ही नहीं है ये है ना एकदम बेकार है एकदम एकदम क्या है क्या एकदम 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 चीनी है एकदम हलवा है ना इन दोनों प्रजाति के लोगों से दूर रहो एग्जाम के बारे में जानना है जिसका नहीं निकला है और अगर जेन्युन तैयारी कर रहा है उससे पूछो वो एक्चुअल बताएगा कि क्या इशूज उसने गलतियां की है उन गलतियों को रिपीट ना करो बस मेरी लाइफ का बहुत सिंपल सा फंडा है कि अगर आप अपनी गलतियों से कहते ना अपनी गलतियों सीखो मैं इसको मानता ही नहीं हूं अगर अपनी गलतियों से सीखने के चक्कर पड़ जाओगे जिंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी जी हमेशा आसपास या कोई भी दूसरों की गलतियां सीखो कि भैया ऐसा नहीं करना है ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है ना तो इस टाइप की प्रजाति के आदमी दूर रहना जो जाम निकाल के इस टाइप का है ना जहां ये स्टार्ट करे अपना गाना बजाना है ना रेडियो टाइप से तुरंत मतलब से दूर हो जाओ क्या ठीक है, ठीक है है फोन आ गया पापा पापा बुला लिए हमारा अरे वो पापा को ले जाना था अरे वो छोटा भाई रो रहा है छोटा भाई इस टाइप से कुछ भी बोल के निकल लो तुरंत ऐसा गाना सुनो नहीं किसी का ठीक है ना चलो ट्रेडर सेल्स एंड आर्टिकल एंड लॉसेस ट्वेल्व एंड हाफ परसेंट मतलब उसने एक आर्टिकल खरीदा उसको लॉस हो गया इतना ट्वेल्व एंड हाफ परसेंट पीटी केमिस्ट्री के वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा स्टार्ट तो नहीं हुआ है अभी तो

ठीक है ये कितना है? पूछ रहा है तो देखो परसेंट का जो फॉर्मूला होता है आप लोग बताइए सीपी तो होगा ही एल परसेंट के फॉर्मूले में यहाँ पे क्या आएगा सीपी माइनस एस पी या एस पी सीपी सबसे पहले ये बताओ इसके फॉर्मूले में यहां पे क्या आएगा सीपी माइनस एस पी या एस पी सीपी अनुजी सबको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी कि मैं सो मतलब सोने की नींद आ रही है वो देखो अनुजी बहुत ही ज्यादा एक्टिव है और मैं पूरा प्रे करूंगा गॉड से कि उनका सिलेक्शन हो जाए बढ़िया नौकरी लग जाए ठीक है बाकी लोग का भी सिलेक्शन का प्रे करूंगा लेकिन उसके लिए दस रुपए फोन पे कर देना चाय पीऊंगा तब प्रे करूंगा दस परसेंट लेकर देखो परसेंट पढ़ाने के चक्कर में जो लोग दस रुपए फोन पे करेगा उसी का प्रे करूंगा मैं चाय पीऊंगा तभी प्रे करूंगा दिल्ली में ऐसा होता है जो भिखारी होता है मतलब ऐसा लगता है कि दुआ बेच रहा है ए दस रुपए भला हो जाए इधर रात दस रुपए भला हो जाए। मैं मेरे को नहीं कराना यार भला ठीक तो है भला भला के चक्कर में सौ किलो का हो गया मैं ठीक है चलो अब एल परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है सीपी माइनस एसपी सीपी माइनस एसपी ठीक है अगेन निकालना क्या सी पी डिवाइड बाय एस और एल परसेंट कितना है ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाय टू इक्वल टू क्या सी पी माइनस एस पी डिवाइड बाय सी पी हंड्रेड ठीक है ओके okay, तो अब क्या हो जाएगा इस हंड्रेड जो मल्टीप्लाई में इसको यहाँ बुला लिए डिवाइड में आ जाएगा तो ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई टू इन टू वन बाई डिवाइड में आ गया ये सीपी का प्रसाद दोनों में बांट दो तो सीपी डिवाइड बाई सी पी माइनस एस पी डिवाइड बाई सी पी दोनों पर साथ बांट दिया ठीक है अब यहां से क्या हो जाएगा आपका ये ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई टू वन बाई हंड्रेड तो फाइव से कट किया फाइव फाइव से कट किया ट्वेंटी फाइव से कट किया वन फाइव से कट किया फोर तो ये हो गया वन बाई एट सीपी सीपी कट गया तो वन माइनस एस पी डिवाइड बाई सी पी अब एस पी डिड बाई सी पी को ले जाओ वन को यहीं रखो वन बाई एट को यहां बुला लो ठीक है इसको सॉल्व करते हैं तो एट में वन जाएगा कितना हो जाएगा सेवन बाई एट अब हमको चाहिए क्या सीपी डिवाइड बाई एस पी चाहिए हमको हमको क्वेश्चन क्या चाहिए था सीपी डिवाइड बाई सीपी डिवाइड बाई एसपी चाहिए और आया क्या एसपी डिवाइड बाई सी पी इसको उल्टा कर दो पलट दो तो पलटने में क्या आ जाएगा सीपी डिड बाई एस पी कितना आ जाएगा? 8 7. 8 7 आ गया। कितने लोग आंसर क्लियर है? है अच्छा लॉस पर्सन का फॉर्मुला लिख देना है मैं दोनों फॉर्मुला लिख देता हूं देखो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है एस पी माइनस सीपी डिवाइड बाई सी पी इंटू हंड्रेड ये प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है ठीक है लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है सीपी माइनस एस पी डिवाइड बाई सी पी इंटू हंड्रेड ये है आपका लॉस परसेंट दोनों फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए हंड्रेड से एक कम नाइनटी नाइन लाइव बचे हैं चैरिटी फूड ड्राइव नहीं चल रहा है चल रहा है एक्चुअली अब हम लोग का उसमें मेन कर्सन टीचिंग का है हम लोग उसमें पढ़ा भी रहे हैं फूड ड्राइव होता है चल रहा है उसमें हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन इस समय तो ज्यादा ही कुछ चल रहा है क्योंकि इस समय क्या होता है ना कि आ, ये हमारे यहाँ पे नॉर्थ में रमजान एक होता है ना पूरा मंथ वो भी चल रहा है बस ये फोटो वीडियो डालना बंद कर दिया है उन बच्चों के पढ़ाई लिखाई भी कराते हैं ये अब उनको क्या कराना है उनका सरकारी स्कूल में बातचीत हो गई स्कूल से वहां पे उनका एडमिशन कराना है और एडमिशन करा के एक साल की पूरी फीस सरकारी स्कूल जो होती है और जो भी उनके ड्रेस वेस का खर्चा ये सब हमको बियर करना है ताकि उनके घर वालों को आदत पड़ जाए एक साल तक पढ़ाने की फिर वो अपने आप पढ़ाने लगेंगे ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसका हाँ तो भी जी एटलीस्ट ये तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट तीन डिजिट वाले हंड्रेड तक तो बने रहें लाइव मतलब अब ये नहीं कि हंड्रेड लाइव बनाना है तो जबरदस्ती पापा सो रहे हैं तो पापा को जगा के ले आए पापा जल्दी फोन खोलो सर बोले हं, हंड्रेड लाइव होना चाहिए अब पापा बेचारे कि हाँ चलो बबुआ का हमारा सिलेक्शन हो जाए तो वो बेचारे पढ़ रहे हैं है ना तो ऐसा ना करना कोई बात नहीं चले गए तो चले गए है ना क्या कर सकते हैं ठीक <laughs> है जाने जी चले तो सेलिंग प्राइस अपन आर्टिकल फोर बाई थ्री चलो हंस लो हंस लो पहले आराम से मारिया जी अच्छा नाम ले रहे हैं अच्छा थ्री <laughs> मिनट टी ब्रेक सर चलिए ठीक है तीन मिनट का टी ब्रेक दे देंगे एक बजे अच्छा एक बजे क्या, क्या अच्छा चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फोर बाई थ्री ऑफ इज कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस तो सेलिंग प्राइस एस पी क्या हो जाएगा ऑफ uh, मतलब मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस तो ये आपका एसपी हो गया फोर बाई थ्री इंटू सी पी यहाँ तक बात क्लियर है ठीक है एसपी टू फोर बाई थ्री इंटू सी पी ठीक है निकालना क्या है प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई सी पी इंटू हंड्रेड होता है ठीक है तो एसपी की जगह रख दो ये वैल्यू तो एसपी की वैल्यू कितनी है CP, CP, 100. तो सीपी तो हो गया कॉमन भैया दोनों में है, तो सीपी कॉमन तो ले लिया तो भैया जी बचा क्या फोर बाई थ्री माइनस वन डिवाइड बाई सी पी इंटू हंड्रेड अभी सीपी सीपी उड़ गया तो बचा क्या फोर बाई थ्री माइनस वन इंटू हंड्रेड सर प्रॉफिट सिर्फ लिखा ना नहीं, नहीं प्रॉफिट परसेंटेज बोला है जी परसेंटेज यहाँ पे ऑप्शन में भी है अगर वहां तो भी जी ना भी बोलता एटलीस्ट ऑप्शन तो देखो आप ऑप्शन में आपका प्रॉफिट परसेंट गिवन दिया है ना यार ये गलत है आप मतलब ये कोई आप लोकल लैंग्वेज बात कर रहे हैं मतलब मेरे कुछ पता ही चल रहा डामलो यूली जी आपके ऑप्शन में प्रॉफिट परसेंटेज गिवन दिया है कई दफे हमको ऑप्शन रीड करने होते हैं अब डिवाइड बाई वन कर लिया ताकि एल्सियम लेना आसानी हो तो थ्री इंटू वन थ्री हो गया फोर इंटू वन फोर माइनस थ्री इंटू वन थ्री इंटू हंड्रेड फोर में थ्री गया वन बाई थ्री इंटू हंड्रेड अब हंड्रेड डिवाइड बाई थ्री है बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हंड्रेड डिवाइड बाई थ्री में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ठीक है चलिए वेरी गुड डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन so है लॉस <laughs> लॉस जो है वो है वन बाई थ्री ऑफ एस पी एस पी का वन बाई थ्री है लॉस ठीक है लॉस जो है लॉस जो है एस पी का वन बाई थ्री है ठीक है लॉस परसेंटेज निकालना है तो सबसे पहले तो एक ये हो गया ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन ठीक है दूसरी इक्वेशन ये समझो कि लॉस एक्चुअली होता क्या है लॉस क्या होता है सीपी माइनस एस पी लॉस के क्या लिख दिया सीपी माइनस एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा एसपी डिवाइड बाई थ्री अब एस पी को यहां भेज दो तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा एस पी डिवाइड बाई थ्री और प्लस में एस पी इसको सॉल्व करो क्या आंसर आ गया बताइए इन दोनों को सॉल्व करके आंसर बताइए क्या हो जाएगा सारे लोग इन दोनों को सॉल्व करिए एलसीएम लीजिए बताइए क्या आंसर हो जाएगा तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा डिवाइड बाय वन कर दिए तो एसपी इंटू वन हो जाएगा एसपी और एसपी इंटू थ्री हो जाएगा थ्री एसपी डिवाइड बाय थ्री तो सीपी हो जाएगा थ्री ओ वन फोर एसपी डिवाइड बाय थ्री फोर एसपी डिड थ्री थोड़ा जोन आउट हो रहा है। ओके, okay, इसके बाद लॉस परसेंटेज तो एल परसेंट क्या हो जाएगा लॉस डिवाइड डिवाइड लॉस लॉस ठीक है? तो देखिए कितना है? SP 3, है, डिवाइड लॉस ये क्वेश्चन से इंटू क्या, क्या हो जाएगा हंड्रेड एस तो पी से एस पी उड़ गया क्या हो जाएगा डिवाइड इस 3 से ये 3 उड़ गया बचा क्या 4 100. तो 4 से 100 को ट्वेंटी फाइव परसेंट आंसर आ गया सी करेक्ट ऑप्शन हो गया सी करेक्ट ऑप्शन है कितने लोग का सी ऑप्शन करेक्ट है अब तो नाइनटी थ्री बचे हंड्रेड टू थ्री डिजिट छोड़ो अब तो पापा को जगाना ही पड़ेगा चलो तो सेवनटीन हो गया ओके नाउ क्वेश्चन नंबर एटीन क्वेश्चन नंबर एटीन देखते हैं इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ फिफ्टीन बुक इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ ट्वेंटी बुक्स ठीक है देखो तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं सिखाया था पहले यहां पे एक बात बताओ क्या यहां पे प्राइस गिवन दिया है क्या यहां पे प्राइस गिवन दिया है प्राइस से बताइए क्या यहां पे प्राइस गिवन दिया है या yes सोनो अभी तक जो हमने कोस्ट पढ़ा था वो ये था एसपी सीपी डिवाइड बाय सीपी हंड्रेड ठीक है जनरल फार्मूला ये लेके चलो इसको बोल लो एक्स परसेंट देखो अगर प्रॉफिट होगा तो एसपी सीपी होगा वो तो अगर लॉस होगा तो क्या हो जाएगा सीपी एसपी दोनों में डिफरेंस क्या है माइनस का ही तो डिफरेंस है यस और नो दोनों में डिफरेंस माइनस का ही तो है ऊपर तो दो फॉर्मुले याद करने जरूरत भी नहीं है एक ही फार्म, याद करो टू हंड्रेड अगर इस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आई तो होगा आंसर प्रॉफिट अगर सॉल्व करते समय एक्स की वैल्यू निगेटिव आई तो आंसर हो जाएगा लॉस तो अब दो फॉर्मुले भी याद नहीं करने एक फॉर्मले में टूट गया और yes नो no? अब ये जो क्वेश्चन है, है ये नंबर्स का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या है नंबर का यहां पे रुपए ने गिवन दिया नंबर गिवन दिया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक सीपी ऑफ 15 बुक क्वल टू एस पी ऑफ ट्वेंटी बुक यहां पे नहीं तो रुपए के लिए आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है नंबर के लिए आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है फॉर्मूले में क्या हो जाएगा आप देखना ध्यान से देखना ध्यान से ध्यान से सर आप विमल खा रहा है क्या मैं विमल नहीं मैं रजनी गंदा खा रहा हूं मैं रजनी गंदा खा रहा हूं अरे सर पानी दे गए पानी लौंग डाल के गला बैठा जा रहा है चार घंटे से बोल रहे हैं लौंग आ रहा है तो लौंग को खा रहा हूं भैया विमल खा रहा हूँ चलो सी पी आर फिफ्टीन बुक इक्वल टू एस पी आफ ट्वेंटी बुक ठीक है ना तो जो सीपी वाले हैं सीपी वाले number, उनको बोल देंगे हम लोग सीपी वाले नंबर को हम लोग बोल देंगे बी और SP वाले नंबर को बोल देंगे ए ठीक है सीपी वाले सीपी <laughs> वाले नंबर बोल देंगे बी और SP वाले नंबर को बोल देंगे ए अब देखो, जब भी आता है, तो उसका फॉर्मुला चेंज थोड़ा जब भी नंबर वाला आ जाएगा आपका फॉर्मुला चेंज हो जाएगा ठीक है ना तो फॉर्मूला कैसे चेंज होगा आपको क्या करना है स्विच कर देना है स्विच ऐसा कि जहां फॉर्मले में है, उसकी जगह लिख दो सीपी और सीपी की जगह लिख दो एसपी ठीक है थीके? तो यहाँ क्या लिखा है सी एस जगह लिख दो सीपी लेकिन सीपी नहीं लिखना है सीपी वाले नंबर लिखना है तो सीपी वाले नंबर कितने हैं सीपी वाले नंबर कितने हैं अरे भैया कोई बता दो सीपी वाले नंबर को मैंने क्या बोला है बी तो सीपी वाले नंबर कितना हो जाएगा मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ फिफ्टीन बुक्स प्राइस नहीं ये नंबर लिखा है ना अरे अभी फॉर्मूला निकाल है ना बी बोलो ना बी बोलो बी फॉर्मूला निकाल है ना बी इसलिए तो बी लिखा है फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं हाँ तो सीपी वाले नंबर क्या हो जाएंगे बी ठीक है ना माइनस अब सीपी को क्या लिख देना एसपी तो एसपी वाले नंबर क्या हो जाएंगे एसपी वाले नंबर क्या बोला ए तो बी माइनस ए बी माइनस ए डिवाइड बाई फिर सीपी सीपी को क्या बोलना है एसपी और एसपी के नंबर क्या है ए इन हंड्रेड तो नंबर वाले में क्या करना है नया कोई फॉर्मूला नहीं इसी फॉर्मूले से बस स्विच करके बना लो इसी फॉर्मूले स्विच करके कितने लोग को फॉर्मूला बनाना आ गया है फॉर्मूला कैसे बना उससे ये क्लियर हो गया कितने लोगों कितने लोग क्लियर हो गया यस और नो बताइए अगेन अगर एक्स आपका पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट अगर एक्स आपका निगेटिव है तो क्या हो जाएगा लॉस ठीक है अब वैल्यू पुट करो तो एक्स परसेंटेज निकालना है बी कितना है ट्वेंटी 15, तो 15 किया माइनस फाइव तो माइनस फाइव डिवाइड बाई ट्वेंटी इंटू हंड्रेड फाइव से कट किया फोर फोर से कट किया ट्वेंटी फाइव तो कितना हो गया माइनस ट्वेंटी फाइव तो माइनस साइन का क्या मतलब है माइनस साइन का मतलब क्या है यहां तो उसने बोल दिया लॉस अगर लॉस ना भी बोलता तो आपको पता होना चाहिए माइनस साइन के मतलब क्या है लॉस तो ट्वेंटी फाइव परसेंट लॉस ट्वेंटी फाइव परसेंट लॉस माइनस साइन का मतलब क्या है लॉस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन यहाँ से फिर फिर देखो वही क्वेश्चन है ठीक है ना तो देखो कॉस्ट प्राइस वाले कॉस्ट प्राइस वाले नंबर को बी बोलेंगे सेलिंग प्राइस वाले नंबर को ए बोलेंगे ठीक है ना तो आप सब लोग बताएंगे बी कितना है एक कितना है बी बताओ कितना है बी बी कितना है जी बी टेन और ए कितना है अरे भैया <laughs> बात यह है कि हमको कोई भी गाना एक लाइन से ज्यादा आता ही नहीं है इसलिए इतना ही आता है कि गूगल सर्च कर अगर सुनने का मन है तो बी है कॉस्ट प्राइस वाले नंबर्स कितना है टेन और ए है सेलिंग प्राइस वाले नंबर कितना है सेवन ठीक है तो ये कितना हो गया सेवन ठीक है अब गेन और लॉस पर्सन ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है, है। इसमें इसने ये बोला नहीं है गेन लॉस क्या आप खुद बताओ किस अब देखो फॉर्मुला क्या होता है एक्स परसेंट इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला फिर से जल्दी से बनाओ ये था फॉर्मूला सबसे पहले वाला ये तो सबको पता है अब नंबर वाला फॉर्मूला बनाओ ये बताइए ऊपर बी माइनस ए आएगा या ए माइनस बी आएगा ये बताओ देखते हैं कितने लोग फॉर्मूला जल्दी बना लेंगे एट्टी फोर बच्चे हैं एट्टी फोर एट्टी फोर बच्चे हैं आई वॉज होपिंग कि हंड्रेड तो रहते लास्ट तक बट कोई बात नहीं एट्टी फोर बचे बट यस फोर आवर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं देखिए ये ये केवल पढ़ने के लिए नहीं है ये आपका ये छह घंटे बैठने की कैपेसिटी आपको डालनी है एट्टी एट गए चार लोग अपने पापा को जगा लिए कह रहे पापा जल्दी आओ सर बोले हंड्रेड होना चाहिए पापा आपको मेरी कसम है <laughs> कोई बात नहीं आ बी माइनस ए वेरी गुड और डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई ए या बी डिवाइड बाय ए या बी प्लस ए बता रहे हैं आप वही हो ना जो पूछ रहे थे आप क्या कह रहे हो विमल ए लिख रहे हो, A B. A हो जाएगा ओके वेरी गुड इन टू हंड्रेड चलो अब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बी कह रहा है मतलब ऐसा कौन लिखता है भाई बी कितना हो टेन माइनस ए कितना सेवन डिवाइड बाई सेवन टू हंड्रेड तो टेन में सेवन गया कितना थ्री बाई सेवन टू हंड्रेड अब बताइए थ्री बाय सेवन टू हंड्रेड क्या होगा आंसर अच्छा निकालिए ये तो कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा तो सेवन से कटेगा नहीं तो ये ऑप्शन तो कट गया ये कट गया इन दोनों में कोई एक ऑप्शन है अब देखो मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा पॉजिटिव आया पॉजिटिव आया तो गेन होगा ना गेन गेन तो गेन में लॉस वाला ऑप्शन कट गया सी ऑप्शन करेक्ट हो गया पूरा सॉल्व भी नहीं किया ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन ऑप्शन option को एलिमिनेट करते हैं बस आपने देखा पॉजिटिव है तो गेन होगा तो सी ऑप्शन करेक्ट कर दिया बी गलत कर दिया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ए, सुना? आदर, आदर को तो गले आराम मिलना चाहिए चा, ब्रेक एक छोड़ो ब्रेक में भाग जाते हैं बच्चे फिर है ना पंद्रह सोलह बच्चे इधर उधर हो जाते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाई सेलिंग हंड्रेड पेंसिल्स आर शॉपकीपर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ ट्वेंटी पेंसिल ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी अगर ये क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया मेरी गारंटी है जितने लोग एग्जाम पेपर देंगे गारंटी है फिफ्टी परसेंट तो ऐसे ही ढेर हो जाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार और कंफ्यूजिंग बहुत है देखना बाई सेलिंग हंड्रेड पेंसिल शॉपकीपर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ ट्वेंटी पेंसिल कि अगर वो हंड्रेड पेंसिल बेचता है तो उसको बीस पेंसिल का प्रॉफिट हुआ अच्छा इलायची भी डलवा दे अभी वो बोल देंगे वो जो दूसरे स्ट्रेन सर विमल विमल पान मसाला भी डलवा दो हैं ये वही है जो पूछ रहे हैं विमल और, और अपना पिज्जा में विमल डाल के खाते हैं पिज्जा में सर वो सब छोड़ो वो सब वो ये चिली विली सब छोड़ो ऑर्गेनो ऑर्गेन छोड़ो हम पिज्जा लेते हैं उसमें बीमल डाल के खाते हैं बीमल डाल के जुमा के है। सही है तो यहाँ पे देखिए अगर ये कह रहा है बाई सेलिंग हंड्रेड पेंसिल बाय सेलिंग हंड्रेड पेंसिल तो अगर मैंने मान लिया कि एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस जो है Selling price of एक pencil. एक pencil जो selling price है वो एक है। एक है। तो हंड्रेड पेंसिल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100 pencil का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा SP कितना हंड्रेड रुपये हंड्रेड रुपये अरे मैं मजाक कर रहा हूं मेरे को कोई देखो मैं एक चीज बहुत क्लियर कर दू मेरे को ना कोई भी चीज जो भी एक ऐसी चीज है चाय को छोड़ दो अब चाय को नशा बोल दो तो बोल दो अदरवाइज ये मतलब ऐसा मैं नहीं कर रहा जो करता है तो निगेटिव है जैसे ड्रिंक या कोई भी ये स्मोक या किसी भी टाइप की चीज मैं नहीं करता हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ मोरल ओर सपोर्ट की ये मोरल moral, मोरली नहीं करना चाहिए करना चाहिए सब अपना अपना चॉइस है क्योंकि मेरे को लगता है पैसा वेस्ट है मतलब क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत नशे में रहता हूँ अब बताओ एट ए टाइम अगर मैं दो हजार स्टूडेंट को हैंडल कर रहा हूँ तो एक नशा ही तो चाहिए मैं अगर छह घंटे बिना नॉन स्टॉप पढ़ा सकता हूँ तो नशा ही तो चाहिए तो मैं ऑलरेडी नशे में रहता हूँ तो मेरे को ये नशा करने जरूरती नहीं सस्ते नशे नशे आप भी करो एक बहुत ही बेहतरीन टीचर जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ उनकी बहुत अच्छी लाइन है कि नशा करो नशा बड़ा सा बड़ा नशा करो लेकिन नशा करो पावर का नशा करो कुछ करने का ये सब छोटे मोटे नशे हैं तो ये इसलिए मैं नहीं करता हूँ हाँ लेकिन चाय बहुत दबा पीते हैं हम कह रहे हैं सर ब्लैक कॉफी विदाउट मतलब आप एक बताओ गुज्जर जी आपको काले रंग से इतना प्यार क्यों है मतलब हम पूछे कौन सा कलर यूज करें बोले काला अब कह रहे हैं ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर ट्राई करें आपका वेट, वेट, वेट चेक हो जाएगा डायरेक्ट ठीक है ट्राई करेंगे लेकिन काला मतलब मतलब आपको थोड़ा ज्यादा ही मतलब काले से मतलब काला टीका लगा के फोटो लगाए आप हमको लग रहा है आप काला जादू करते हैं मतलब एक हमारे फूफा है वो ज्यादा हमको परेशान कर रहे हैं उनके बारे में काला जादू करिए हम आपको अलग से ऑनलाइन पढ़ाएंगे टू एक बहुत परेशान करते हैं वो जब घर चले आते हैं हमारे एक कोई काला जादू है उनके ऊपर दुनिया में सबसे ज्यादा हमको किसी से दिक्कत है तो फूफा से है चलो बाई सेलिंग हंड्रेड पेंसिल गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ ट्वेंटी <laughs> चलिए ट्वेंटी पेंसिल का उसको गेन हो गया तो अगर मान लो अगर मान लो मैं एक पेंसिल का एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस एक रुपए बोल रहा हूं तो टोटल हंड्रेड पेंसिल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हंड्रेड रुपी तो एस कितना हो गया हंड्रेड अच्छा जो गेंद मिल रहा है उसको ट्वेंटी पेंसिल का मिल रहा है तो गेन मतलब प्रॉफिट कितना हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ ट्वेंटी पेंसिल ट्वेंटी पेंसिल तो एक पेंसिल माना तो मैंने एक रुपए तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा ट्वेंटी इंटू वन ट्वेंटी हो जाएगा तो प्रॉफिट बन गया कितना ट्वेंटी रुपए तो प्रॉफिट हो गया आपका ट्वेंटी रुपए तो प्रॉफिट ट्वेंटी सेलिंग प्राइस हंड्रेड है बताइए कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा चलिए ठीक है ठीक है महेश बाबूजी बस इस क्वेश्चन के बाद एक ब्रेक दे देंगे पांच मिनट का अब देखो यहाँ पे देखो भाई नींद में आने का ये होता है अब मैं हम से हो रही है अब कह रहे हैं आर्टिकल सेवनटीन क्या होता है अभी थोड़ी देर पूछेंगे माइट्रोकांडिया क्या होता है माइट्रोकांडिया पूछेंगे नींद में आ रहे हैं पूछेंगे माइट्रो क्या होता है अकबर का एज निकालेंगे ए प्लस गोल कर, लगा के ये ये क्लास केवल आपको घंटा पढ़ने के लिए नहीं है पापू जी ये छह घंटा खड़े रहने के लिए है अगर लास्ट तक समझ में नहीं आ रहा इट्स टोटली ऑल राइट वो मुझे पता है ये वो है कि छह घंटे हम बैठ सकते हैं ये हमको अपने आप को बताना है किसी और को नहीं देखो अब मैंने माइक्रोकांडिया बोल दिया तो माइट्रोकांडिया की कोटेशन सुना दिया पावर हाउस ऑफ़ द सेल ये हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है इतना ही बायो हमको भी आता है जितना बायो आया आता है, उतना हमको आपको बता दिए तो एसपी कितना हो जाएगा एसपी हो जाएगा तो एसपी कैसे निकालना है तो देखो प्रॉफिट क्या होता है प्रॉफिट प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस तो प्रॉफिट है ट्वेंटी सेलिंग प्राइस हंड्रेड है तो एसपी सीपी कितना हो जाएगा तो सीपी हो जाएगा हंड्रेड माइनस ट्वेंटी कितना आ जाएगा एट्टी अब निकालना गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई सी पी हंड्रेड तो एसपी कितना हो गया हंड्रेड सीपी कितना हो गया एट्टी माइनस का डिवाइड बाय एटी इंटू हंड्रेड हंड्रेड में एट्टी किया ट्वेंटी डिवाइडी इंटू हंड्रेड जीरो जीरो कट कट किया टू से फोर तो हंड्रेड डिवाइड बाय फोर कट किया ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव परसेंट आपका आंसर आ गया करेक्ट ऑप्शन क्या है डी तो गाइस केवल अब एट्टी क्वेश्चन बाकी रह गए बस ओनली एट्टी क्वेश्चन चलिए दो मिनट का ब्रेक है दो मिनट का ब्रेक है आप दो मिनट तक इधर उधर कुछ भी कर सकते हैं जाइए खेल कूद के आइए कोई छोटा भाई है तो उसको चिरा दीजिए उसको जगा दीजिए कुछ भी कर लीजिए जहां से आपका माइंड फ्रेश हो जाए दो मिनट के बाद वापस आ जाओ 118 हो रहा है मैं 120 में स्टार्ट कर दूंगा आप मेमिंग जी दो रुपए मान लो हमारे जमाने में एक रुपए में पेंसिल मिलती थी हम एक रुपये मान लिए आप दो पे मान लो आंसर सेम ही आएगा आप तीन पे मान लो आंसर सेम ही आएगा अब एक से थोड़ा क्वेश्चन आसान हो गया कठिन करना है तेरह रुपये मान लो पेंसिल कर एक पेंसिल का रुपये तेरह रुपये अपने आप क्वेश्चन कठिन हो जाएगा और कठिन करना है सड़सठ पे मान लो सिक्सटी सेवन और कठिन हो जाएगा आंसर सेम आएगा लेकिन एक तो इतनी खतरनाक इंग्लिश लिख दी हो आप मतलब ऐसा कर से आ, सर ऑनेस्टली आई एम चेंज द चार्ज अप अच्छा चार्ज अप फॉर मोर आवर्स विद यू अच्छा अच्छा सही में आपकी राइटिंग ऐसे बनती है इसे मतलब उसका टेक्नोलॉजी के सही यूज कर रहे हो चाय है मैगी नहीं जो दो मिनट में तैयार हो जाएगा और डांट क्यों ना भाई सर दो मिनट में दियो चाय है मैगी थोड़ी ही दो मिनट बन जाएगा सर 15 क्वेश्चन अभी डाउट है अच्छा मेमिंग जी चलो ब्रेक दिया तब तक आपका 15 क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है दो मिनट का ब्रेक है तो एक बुक मैथ की बुक सजेस्ट करिए ज्यादा बुकों के चक्कर ना पड़िए देखिए कहा गया क्वेश्चन भाई मैं वैसे बुक कोई बताता नहीं हूँ क्योंकि ऐसा कोई बुक है नहीं जिसमें एरर ना हो आ, इसमें क्या उनका डाउट है मैम जी लॉस परसेंटेज हो गया ट्वेल्व एंड हाफ तो ट्वेल्व इन टू ट्वेंटी कितना ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई टू परसेंट वैल्यू पुट कर दी सी में मैं स्पीड टू हंड्रेड ये तो इजी क्वेश्चन है वन बाई एट होना चाहिए अरे नहीं एक्चुअली ये तो एल परसेंट की वैल्यू होती है ना आप तो वो कर दिए यार आप तो परसेंट यारंड्रेड डिवाइड कर दिए ये हंड्रेड फॉर्मला ही है तो ना ये आपको फॉर्मलेम वैल्यू पुट करनी है ना फॉर्मलेन वैल्यू देखो अगर आप बोलो लॉस कितना होगा लॉस तो फिर परसेंटेज हटाओगे तो हंड्रेड डिवाइड करो यही हंड्रेड तो नीचे यहाँ पे आएगा तो आप पहले भी हंड्रेड से डिवाइड कर दिए तब आप निकाले वो कितना वन बाई एट फिर ये हंड्रेड लिखा है तो दो दो बार हंड्रेड नहीं हो गया आप समझ रहे हो हंड्रेड आपका ऑलरेडी फॉर्मलेम यूज हो चुका है तो जितने लोग ब्रेक में नहीं गए एनी क्वेश्चन फ्रॉम साइड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो मतलब पढ़ाई से रिलेटेड नहीं वो भी पूछ सकते हो कि सर आपकी हाइट क्या है सर आप कहाँ रहते हो सर क्या खाते हो हम सर क्या खाते हैं हमको क्या गाना चाहिए कुछ भी पूछ सकते हो सर मौसम कैसा है वहां सुबह कितने बजे होती है का का भी खत्म हाँ, कर कर दो जी बस स्टार्ट रहे हैं क्या बात है अनुजी मतलब आ, मतलब दुनिया में मतलब सबसे ज्यादा सुख मुझे लग रहा है आप ही के पास है मतलब पहले कुछ मैगी वैगी आ, मतलब भौकाली आइसक्रीम हाँ सही है आप नॉर्थ ईस्ट पी का कोई कोर्स तो नहीं ज्वाइन किए हैं अनुजी मतलब आप ऑलरेडी कोई हमारे कोर्स में है क्या अगर आप हैं तो आपकी फीस बढ़ाने का टाइम आ गया है मतलब के मतलब आप मतलब कहां? मतलब आप इतना सस्ता कोर्स डबल कर दें आपकी फीस हाँ तो आपका नाम मैं याद रख लेता हूँ जब भी आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो कम से कम डबल फीस तो लेंगे मैं को कराना है हमको बिल्कुल जी बिल्कुल अरे गुस्सा ना हो भैया गुस्सा ना हो तो सर आप ये सब पन जैसे लग रहे हो <laughs> मतलब सही है सही है <laughs> वाइट मतलब काले किसी के दांत होते हैं क्या मतलब वाइट ही तो होते हैं मैगी और एक कुछ खा लिए हम तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कंटिन्यू प्ले हाँ जी बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं टेंशन मत लीजिए चलिए तो और कोई मतलब क्वेश्चन वेश्चन नहीं है, है। हाँ जी बस स्टार्ट करना अरे बिल्कुल हो रहा है जी फिजिक्स का डीटी पी का क्लास हो रहा है ज्वाइन करिए आप सब लोग मतलब जो लोग कर रहे हैं मेरा फेवरेट प्लेस क्या है वैसे तुम्हें कोई पहाड़ ज्यादा पसंद है तो पहाड़ जहाँ है वो सब मेरा फेवरेट ही है आ तारीफ कर रही हैं मेरी कितनी करते हैं अह मम्मी बहुत तारीफ कर रही है पक्के होंगे थोड़ी खाने क्या बिस्कुट हो रहा है बिस्कुट खाता हूँ ये तो दूध चलो ऐसे करो सही बात है देखो मम्मी से तारीफ आपकी मतलब करवा दी है ना अरे आप कैसी बात कर रहे हैं मेरे को बहुत खराब फील हो रहा है मैं खा रहा हूँ आप पास अभी कुछ है नहीं है I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. अरे वाह अनुज आप मैचुका से हैं क्या बात कर रहे हैं आप अपना नंबर तुरंत शेयर करिए मेरे से वन ऑफ द फेवरेट जगह है जो मेरे को लाइफ में एक बार जरूर जाना है ए, कोई बात नींद लग रही है आपको चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं कोई बात नहीं जी कोई बात नहीं स्टार्ट करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये जो क्वेश्चन नई 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 कैटेगरी का न्यू कैटेगरी है न्यू कैटेगरी का है क्वेश्चन जो दे जा रहा है, मैं दोस्त है, मेरी मम्मी नहीं है, मेरा दोस्त है वो <laughs> मैं बाहर ही रहता हूँ मतलब फैमिली से दूर ही रहता हूँ मैं ऐसा नहीं फैमिली लड़ाई हो गई है बट मैं दिल्ली रहता हूँ फैमिली कानपुर है सो नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट नई कैटेगरी है ऑरेंजेस आर बॉट एट फाइव फॉर रुपी टेन मतलब पांच ऑरेंज का पांच ऑरेंज का जो प्राइस है वो है टेन रुपी ठीक है टेन रुपी प्लीज प्लीज रिपीट नहीं रिपीट नहीं ऑलरेडी आप देख रहे हो महेश बाबू जी कितना स्लो चल रहा है ना रिपीट नहीं जब भी रिकॉर्डेड है तब देख लीजिएगा प्लीज प्लीज, 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 प्लीज हाँ और ये हो गया कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्या है सिक्स ऑरेंज का सेलिंग प्राइस जो है फिफ्टीन रुपए फिफ्टीन रुपए सेलिंग प्राइस ओके okay, ठीक है अब इसको करने के दो तरीके हैं इसको करने के दो तरीके हैं पहला तरीका यह है कि आप क्या करो एक ऑरेंज का प्राइस निकाल लो जिसे फाइव ऑरेंज का टेन है तो एक का हो गया टू ऐसे सिक्स का फिफ्टीन है तो एक का हो जाएगा फिफ्टीन डिवाइड बाई सिक्स एक तो तरीका यह है ठीक है ना ये निकाल लो दूसरा तरीका क्या है सीधे शॉर्ट ट्रिक दूसरा क्या Short -trick. Short -trick है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो फाइव इंटू कितना हो गया क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई माइनस ये करो ये हो जाएगा डिवाइड जो बाद वाला है उसको नीचे लिख दो इंटू हंड्रेड क्रॉस मल्टीप्लाई तो फाइव इंटू फिफ्टीन कितना, कितना हंड्रेड तो 75 में 60 क्या 15 डिवाइड बाय 60 इन टू तो जीरो से जीरो कट गया टू से कट के थ्री टू से कट के फाइव थ्री से कट के फाइव तो फाइव इंटू फाइव कितना हो गया ट्वेंटी तो 25 परसेंट पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिट होगा तो 25 परसेंट प्रॉफिट ए ऑप्शन करेक्ट है तो क्या करना है क्या करना है सबसे पहले ऊपर लिखना है सीपी वाले सीपी ऊपर लिखना है सीपी वाले कॉस्ट प्राइस वाले खरीदने वाले नीचे लिखना है बेचने वाले हमेशा पहले नंबर लिखना पहले नंबर लिखो फिर रुपए लिखो नंबर लिखो फिर रुपए लिखो और फिर आपको ये शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है हाँ हाँ सीपी पहले लिखना होगा शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना है सीपी पहले लिखना होगा दूसरा क्वेश्चन भी इसी बारे में है तो जिसको उसमें डाउट है इसमें क्लियर हो जाएगा अब फ्रूट सेलर बाइस लेम एट टू फॉर वन रुपी दो लेमन खरीदता है एक रुपए में भैया कौन से जमाने का है ये इसको दो लेमन मिल जा रहे एक रुपए में एक रुपए में तो देखो सीपी वाला मैंने पहले लिखा ठीक है और सेल करता है पांच लेमन तीन रुपए में तो फाइव लेमन सेल करता है थ्री रुपए में ये हो गया सेलिंग प्राइस ठीक है अब बस वही करना है सॉर्ट ट्रिक यूज करना है तो सॉर्ट ट्रिक क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई तो टू इंटू थ्री माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई फाइव इंटू वन डिवाइड बाई इस वाले को फिर से नीचे लिखो फाइव इंटू वन ठीक है इंटू हंड्रेड so, तो टू इंटू थ्री कितना सिक्स तो सिक्स माइनस फाइव डिवाइड बाई फाइव इंटू हंड्रेड तो सिक्स में फाइव किया वन तो वन डिवाइड बाई फाइव इंटू हंड्रेड फाइव से कट किया कितना गया ट्वेंटी तो ट्वेंटी परसेंट का हो गया प्रॉफिट ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट हो गया ट्वेंटी परसेंट हो गया प्रॉफिट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री देखो सॉर्ट ट्रिक का सॉर्ट ट्रिक का वो नहीं पूछा था कभी भी सॉर्ट ट्रिक कैसे आई बस आ गई अब अगर इसका डिटेल वाला देखना है तो इसका अलग मेथड है डिटेल से कैसे करते हैं शॉर्ट ट्रिक इसलिए बता दी क्योंकि यूजली क्लास में मैं डिटेल वाला ही मैटर बताता हूँ अच्छा इसका जो डिटेल वाला मैटर है कितने स्टूडेंट को याद है यस yes, और नो बताएंगे कितने स्टूडेंट को इसका डिटेल वाला मैटर याद है जो डिटेल से बताता हूँ मैं क्लास में मेरे कॉमरेड्स केवल डेढ़ घंटे बाकी है डेढ़ घंटे जोस बनाया रहो, बाकी है, ये प्रूफ करो कि मैं छह घंटा बैठा वेरी इंपॉर्टेंट अभी एट्टी फोर है कम से कम एट्टी तो बना के रखो यहां तक अभी जितने लोग आवाज सुन रहे हैं बना के रखो डेढ़ घंटे बाकी है खुद को एक रेस्पेक्ट फील कराना रेस्पेक्ट कोई बात नहीं कोई बात नहीं तो शॉर्ट ट्रिक पकड़ लो शॉर्ट ट्रिक अब है डिस्काउंट वाला अब देखो डिस्काउंट वाला मैं आपको पहले से थोड़ा सा बतायाता हूँ डिस्काउंट वाला ठीक है डिस्काउंट वाला तो पहले मैं थोड़ा तो डिस्काउंट एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर क्वेश्चन पे आता हूँ मान लो मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेने गए और एक हमारी आदत क्या होती है डिस्काउंट मांगने की कोई बात नहीं कोई बात नहीं इसलिए मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ इसलिए मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ तो मार्केट हम कोई प्रोडक्ट ले जाते हैं बोलते हैं ना ये देखो भैया हम आपकी दुकान से लेते थे हम तो बगल में रहते हैं भैया हम यहीं से लेते हैं भैया आपकी शक्ल हमारे टीचर से मिलती है भैया आपकी शक्ल हमारे फूफा से मिलती है और हमको डिस्काउंट कर दीजिए तो ये हमारी आदत होती है डिस्काउंट मांगने की कुछ भी बोल के डिस्काउंट लेना है ना तो जो डिस्काउंट मिलता है वो किस पे मिलता है कॉस्ट प्राइस में डिस्काउंट मिलता है सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट मिलता है डिस्काउंट कौन से प्राइस में तो मिलता है कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस डिस्काउंट कौन से प्राइस मिलता है कॉस्ट या सेलिंग देखो रिस्पॉन्स तो करो भाई ये गलत बात है मैं पूरे साढ़े चार घंटे हो गए एक ब्रेक नहीं लिया इस चेयर से एक सेकेंड के लिए उठा नहीं तो एटलीस्ट ये तो मैं डिजर्व करता हूँ कि अगर आप अभी बैठ के पढ़ रहे हो तो आप रिस्पॉन्स तो करो या तो सीपी होगा तो एसपी होगा भैया सब का गलत है सबका एक्चुअली मैंने क्वेश्चन जानबूझ के फंसाने के लिए पूछा था डिस्काउंट ना सीपी में दिया जाता है ना स्कीम में दिया जाता है डिस्काउंट दिया जाता है जो मार्क्ड प्राइस होता है एमआरपी में मार्क्ड प्राइस एमआरपी में दिया जाता है जो उसमें मार्क होता है वो तीसरा प्राइस होता है हाँ भैया फंसाने के लिए था कि इन फ्यूचर याद रहे तो डिस्काउंट ना सीपी में देते हैं ना एसपी देते हैं है ना अब वो कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस में देते हैं प्राइस नहीं प्राइस डिस्काउंट जो दिया जाता है मार्क प्राइस दिया जाता है जो लिखा हुआ है देखो सिंपल समझो मान लो एक प्रोडक्ट है मान लो एक बिस्कुट है ठीक है ना ये बिस्कुट में लिखा है ट्वेंटी रुपये लिखा है अब वो बिस्कुट आपको एक्चुअली मार्केट में जब आप अपनी दुकान में लेके आए मान लो दुकान चलाते हो आप वो आपको टेन रुपए का पड़ा तो ये जो टेन रुपए आपने बेचा पंद्रह रुपए का तो जो बेचा है सेलिंग प्राइस है तो जब वो डिस्काउंट मांगता है तो ये जो लिखा हुआ है ना आप डिस्काउंट इस पे देते हो जो लिखा हुआ है डेटिश मार्क प्राइस जो एमआरपी है सर हमने मजाक किया था आप कुछ तो एक ऐसी चीज ले रहे हो जिसमें आपको बहुत मजा आ रहा है कोई एक ऐसा हो सकता है वो लिक्विड हो पेय पदार्थ या सॉलिड हो या गैस हो कुछ तो एक आप ऐसा ले रहे हो जिसमें आपको बहुत मजा आ रहा है ना। आप बहुत एंजॉय कर रहे हो मैं भी वो जरूर लूंगा ठीक है कस्टमर को भी डिस्काउंट देता है देखिए जो भी डिस्काउंट देते हैं कह रहे हैं हमने मजाक किया सर आपसे

आ, मैं तो यहीं से लेती हूँ फलानी का मैं भी लास्ट टाइम आई भी थी ये वो तो उसने कहा चलो ठीक है दस परसेंट डिस्काउंट देते हैं आपको है ना चलो कोई बात नहीं अब नहीं, नहीं 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 ऐसे नहीं होता ऐसे कैसे बात कर रहे हैं मैं तो फिर यहाँ पे आऊंगी इस टाइप से ना मतलब ये वो तो उसने कहा चलो दस परसेंट वो डिस्काउंट देते हैं ना तो उसने कहा नहीं नहीं अरे चुप रहो बस लेना नहीं, जाओ यहाँ पे है ना आपने कहा चलो ठीक कोई बात नहीं तो ये आपका हो गया उसने कहा देखो मैंने टोटल टोटल डिस्काउंट कर दिया आपको ट्वेंटी परसेंट ठीक है टोटल डिस्काउंट कर दिया ट्वेंटी परसेंट तो आपको बताना है कि जो उसने बोला कि एक बार दस किया फिर एक बार दस किया टोटल ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट कर दिया ये वो सही बोला है गलत बोला ये वो करेक्ट बोला या नहीं करेक्ट बोला अरे पहले डिस्काउंट तो समझ लो फिर क्वेश्चन में आता हूं डी वी आंसर कर रहे हो डिस्काउंट तो समझ लो <laughs> कह रहे हैं सर आप दादा ग्री करके डिस्काउंट लेते होंगे ना देखो हमारे यूपी में क्या होता है एक नया डिस्काउंट चलता है है यूपी में ब्लॉक हो रहा है? अच्छा 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 ठीक है समझ गया समझ गया अब वहाँ नहीं लिखूंगा हमारे यूपी में नया डिस्काउंट चलता है दुकान जाते हैं बंदूक लेके बंदूक रख देते हैं हंड्रेड परसेंट डिस्काउंट मिर्जापुर तो सुना ही हो आप अब ये जब काफी दिन चला तो दुकान वाला भी एक्टिव हो गया उसने बंदूक रखा दुकान वाला दुनाली निकाल दिया कहा तुमको दुगने का बेचेंगे अब सेलिंग प्राइस तुमसे डबल लेंगे हम तो पहले ऐसा चला कि मान लो बंदूक रख दिया कि हाँ इसका डिस्काउंट हंड्रेड परसेंट अब दुकान वाला का ऐसा तो बहुत लॉस हो रहा है करा के चलो अब दुनाली खरीद लेते हैं दुकान वाला दुनाली निकाल लेता है तुमको हम डबल बेचेंगे एसपी डबल हो गया अब मैं ब्लॉक हूं ठीक है अब यहां लिखूंगा मत लो यहां लिखूंगा अब डिस्काउंट तो आपका फोर्टी नहीं होगा ठीक है ना क्योंकि डिस्काउंट आपको एक बार लगा दिया गया इस पे तो जैसे डिस्काउंट लगा दिया तो अब ये प्राइस थोड़ी बचा अब प्राइस कम हो गया ना तो अब उस कम प्राइस पे डिस्काउंट लगा रहे हैं तो टोटल डिस्काउंट ये नहीं होगा टोटल डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है पी प्लस क्यू प्लस पी इंटू क्यू डिवाइड बाई हंड्रेड ये होता है टोटल डिस्काउंट का फॉर्मूला जितनी बार डिस्काउंट हो रहा है उसको ऐसे लिख दो तो पहली बार टेन हुआ तो टेन प्लस टेन ठीक है सॉरी सॉरी ये आपका माइनस हो जाएगा माइनस ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो पी प्लस क्यू माइनस पी इंटू क्यू डिवाइड बाई हंड्रेड तो टेन प्लस टेन माइनस ये कितना हो जाएगा पी इंटू क्यू तो टेन इंटू टेन डिवाइड बाई हंड्रेड तो जीरो 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 करके ट्वेंटी माइनस वन कितना हो गया नाइनटीन तो नाइनटीन परसेंट टोटल डिस्काउंट हो गया आपके वहां तो बच्चा बच्चा तमंचा लेकर घूमता होगा हम हाँ, 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 पाकिस्तान में रहते हैं ना पाकिस्तान में हमारा घर पाकिस्तान में है तो तमंचा क्या वो दुनाली और वो ए के फोर्टी सेवन लेकर घूमता है सब यहाँ पे मतलब और तो और मिसाइल लेके घूमता बता तो रहे हैं, मतलब घर जाते हैं तो हम लोग तोपो से जाते हैं गाड़ी वाड़ी नहीं चलती तोप चलता है सीधे तोप से जाते हैं गली से तो दूसरे गली ऐसा भी नहीं है यार, ठीक है तो डिस्काउंट निकालने का ये तरीका होता है पी एन क्यू क्या है? अनुजी पूछ रहे हैं जो फर्स्ट डिस्काउंट उसको पी बोल दो सेकंड डिस्काउंट को क्यू बोल दो कह रहे हैं हमको भी ला दो सर <laughs> बहुत सही है भाई <laughs> हमको मिला दो <दूना> सर नाली नाली <laughs> चलो जो पहला डिस्काउंट होगा उसको उसको पी देंगे, दूसरा डिस्काउंट को क्यों बोल ठीक है ना? तो क्या हो गया टोटल डिस्काउंट का? क्या हो टोटल डिस्काउंट आप मजे हो अरे मंगवा दो <laughs> तो पहला डिस्काउंट पी दूसरा डिस्काउंट क्यू फिर माइनस पी इंटू क्यू डिड बाई हंड्रेड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला अलग होता है

दो तो अगर लगातार डिस्काउंट मिल रहा है तो पहले बताइए टोटल डिस्काउंट परसेंट कितना होगा टोटल डिस्काउंट परसेंट कितना होगा तो दो बार डिस्काउंट पांच पांच मिल रहा है तो इस फॉर्मूले में इसकी जगह पांच इसके लिए डाल के आंसर निकालो कितना आ रहा है टोटल डिस्काउंट परसेंटेज निकालिए कितना हो गया तो फाइव प्लस फाइव माइनस फाइव इंटू फाइव डिवाइड बाई हंड्रेड फाइव प्लस फाइव 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 टेन हो गया से से उसको कट कट किया किया ट्वेंटी फोर तो कितना हो जाएगा थर्टी नाइन डिवाइड बाई फोर परसेंट वेरी गुड ये आ गया आपका डिस्काउंट अनुजी सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब होता है लगातार मतलब एक बार डिस्काउंट दिया फिर जो रुपए बन के आ गया फिर उसमें एक बार डिस्काउंट दे दिया मान लो आपको एक प्रोडक्ट हंड्रेड रुपए का बोला गया उस पर फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट लग गया तो अब वो फिफ्टी का हो गया तो नेक्स्ट जो फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट लगेगा वो 50 पे लगेगा ये हो गया डिस्काउंट परसेंट अब निकालना है सेलिंग प्राइस तो देखिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है एसपी टू एम पी इन डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाई हंड्रेड जितने स्टूडेंट नए हैं फॉर्मले लिखते जाइएगा प्लीज फॉर्मुले लिखते जाइएगा तो मार्क प्राइस कितना है एट्टी तो एट्टी लिख दिया इंटू हंड्रेड माइनस डी परसेंट्रेड माइनस थर्टी नाइन डिवाइड बाई हंड्रेड तीन डिस्काउंट है उसका फॉर्मुला अलग हो जाता है अगर उसका फॉर्मुला क्वेश्चन आएगा तो तीन डिस्काउंट वाला भी सिखा दूंगा डोंट वरी है ना अब ये हो जाएगा एट्टी डिवाइड बाई हंड्रेड इसको अलग कर लेते हैं इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा फोर इंटू हंड्रेड कितना हो जाएगा फोर हंड्रेड माइनस थर्टी नाइन डिवाइड बाई हंड्रेड सॉरी डिवाइड बाई फोर हो जाएगा तो ये जीरो से जीरो कट गया फोर से कटा टू हो गया टू से इसको टू uh, से इसको काटा फाइव टू से नहीं काटूंगा मैं रहने दो क्योंकि टेन से डिवाइड करना आसान होता है अब फोर हंड्रेड थर्टी नाइन गया कितना बचेगा वन नाइन में थ्री गया सिक्सटी वन हो गया स्क्रीन ब्लॉक हो रहा है अच्छा तो कितना हो जाएगा 7, 2, 2 by 10, तो .2 आ जाएगा तो तो आंसर आ डी ऑप्शन करेक्ट है सेवनटी टू पॉइंट टू आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट है yeah. नेक्स्ट क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहां सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है तो ये D1 है आपका 12 और D2 टू है फाइव तो सबसे पहले बताइए स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को अभी स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए अभी स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये बताइए अभी राइट नो स्क्रीन दिख रहा है अभी दिख रहा है ना हाँ तो सब लोग सक्सेसिव डिस्काउंट निकालिए मतलब टोटल डिस्काउंट निकालिए टोटल डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा तो D1 वन प्लस डी टू माइनस डी वन डी टू डिवाइड बाई हंड्रेड इस फॉर्मूले लगाइए अब क्या करें जी इतनी बड़ी बॉडी है मेरी एट्टी बचे हैं लाइव देखते हैं एट्टी लोग टिकेंगे 80 से 77 हो गया, तो तीन सो हो तुरंत तो ये कितना हो जाएगा फाइव तो से इसको कट किया कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर से इसको कट किया कितना थ्री फोर से इसको कट किया कितना फाइव तो ये हो जाएगा सेवनटीन माइनस थ्री बाई फाइव तो कितना हो जाएगा सेवनटीन टू फाइव कितना हो जाएगा एट्टी फाइव एट्टी फाइव में थ्री क्या एट्टी 82. टू तो एट्टी 82 टू टोटल आपका डिस्काउंट परसेंट ये कितने लोगों को क्लियर है यस और नो बताइए थोड़ा स्पीड में क्वेश्चन कराऊंगा अब बस लास्ट के लगभग एक ही घंटा है लास्ट के घंटा बाकी है केवल प्लीज मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है एक घंटा अपना मैक्स दीजिए आई एम रियली प्राउड ऑफ यू जितने लोग अभी तक एक्टिव रहे आई एम वेरी सीरियस आई एम रियली प्राउड ऑफ यू रियली प्राउड ऑफ यू और आपको खुद पे भी अपने आप पे एक रेस्पेक्ट जनरेट करना चाहिए आई एम रियली प्राउड ऑफ यू इतनी देर लगातार पढ़ना सच में बड़ी बात है चलिए अब 82 डिवाइड डिड बाई फाइव परसेंट हो गया क्या ये हो गया आपका टोटल डिस्काउंट तो ओरिजिनल प्राइस बताना इतने प्राइस में बेचा तो इस बार सेलिंग प्राइस दिया है उसने इस बार सेलिंग प्राइस दिया है मार्क्ट प्राइस पूछा है हंड्रेड हंड्रेड माइनस डी परसेंट डिवाइड बाय हंड्रेड यहां पर रख दीजिए आप हंड्रेड माइनस डी परसेंट डिवाइड बाय हंड्रेड हाँ ओरिजिनल प्राइस मतलब मार्क प्राइस ओरिजिनल प्राइस मतलब मार्क प्राइस यहां पर तो सेलिंग प्राइस आपका कितना है टू जीरो नाइन तो टू लिख दिया मार्क प्राइस पूछा है हंड्रेड माइनस एट्टी टू डिवाइड बाई फाइव यहाँ पे हंड्रेड कर दिया ठीक है सॉल्व करते हैं ये हंड्रेड डिवाइड में यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो टू जीरो मार्क प्राइस अब देखो यहां पे एलसीएम लेना स्टार्ट करो तो एलसीएम हो गया फाइव फाइव इंटू हंड्रेड कितना फाइव हंड्रेड माइनस एट्टी टू ठीक है तो ये टू जीरो फिर से देखो नीचे फाइव डिवाइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा अब 500 में फोर हंड्रेड एटीन बचेगा फोर हंड्रेड एटीन अब मेरे को एक बात बताओ बाकी सब लोग क्या टू जीरो नाइन का डबल फोर हंड्रेड एटीन होता है क्या टू जीरो नाइन का डबल फोर हंड्रेड एटीन होता है क्या यस और नो जी थैंक यू जी थैंक यू डबल होता है तो काट दो फिफ्टी हो गया तो फिफ्टीन इंटू फाइव कितना हो गया टू फिफ्टी टू फिफ्टी आंसर आ गया बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देखिए मेरी लाइफ का एक ही उद्देश्य है कि लीडर बनना चाहिए इंसान को लीडर नेता तो हर पार्टी में है लीडर बनो लीडर मतलब क्या है कि अगर आप मैं अपने स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो मेहनत करे तो मैं भी कम से कम उनके साथ छः घंटे बैठ सकता हूं ये मेरा प्रॉमिस है अब मान लो मैं कहूँ बहुत मेहनत करिए ये करिए वो करिए दो घंटे ये करिए आप पता चला महीने आप पे मेहनत कर रहा हूँ तो वो तो डाउट पे है ना फिर तो आपका जो मेंटर होना चाहिए वो आपके लिए हर कुछ करने को तैयार होना चाहिए और मैं हंड्रेड परसेंट आपके साथ हूँ इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आप कॉन्फिडेंस लूज ही मत करिए जी जो एग्जाम मेरे को क्वेश्चन मैसेज कर सर एग्जाम देना दीजिए आप मैं आपके साथ हूँ टेंशन क्यों ले रहे हो अरे फूफा ने कुछ बोल दिया अरे फूफा ने कुछ बोल दिया गोली लेके मार दो अगर पूरी जिंदगी में एक पर्सन भी आपके साथ ऐसा खड़ा है कि आप करो मैं आपके साथ हूं आप पूरा लड़ जाइए फिर अगर एक भी नहीं खड़ा है तो आप खुद को अपने सामने मानिए खुद पे खुद पे यकीन करिए हम खुद ही हैं दो टाइप के पर्सन होते हैं एक होता है काफी अकेला हूं मैं काफी अकेला हूं मैं काफी अकेला हूं कि कोई है ही नहीं बहुत अकेला हूं एक है अकेला काफी हूं चॉइस इज योर हम दिल्ली से आपको वो ले आएंगे मशीन रन ले आएंगे करोगे क्या उसका ये बताओ पहले करोगे क्या नाउ क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव जय माता दी पूजा पाठ पे आ गया क्या नहा दोगे मतलब कि सुबह के टाइम हो गया है हाँ अकेला काफी हूं भाई यही एटीट्यूड रखो अब बॉक्स इज बॉट 75, 75 में खरीदा तो सीपी कितना हो गया गेन परसेंट एट तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया एट सेलिंग प्राइस निकालना है देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है बीच में कैसे आ गए मुझे पता नहीं है जल्दी से इसका आंसर निकालो जितने लोग यहां पे बचे हैं कितने हैं देखते हैं सेवेंटी टू बच्चे हैं जितने लोग बचे हैं जल्दी से इसका आंसर निकालो जल्दी से संस आंसर निकालिए तो एसपी कितना हो जाएगा सीपी मतलब सेवेंटी फाइव हंड्रेड प्लस प्रॉफिट तो एट डिवाइड बाई हंड्रेड पच्चीस ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट्टी वन आ गया पहला ऑप्शन करेक्ट है ठीक है जी ये क्वेश्चन था चलो अब जो नेक्स्ट टॉपिक आया ये रेशन प्रोपोर्शन ये रेशन प्रोपोर्शन पहले पढ़ा क्या हमने परसेंटेज फिर पड़ा प्रॉफिट एंड लॉस ये रेशियो प्रोपोर्शन है ये जी है मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जितने लोग अभी हैं हंड्रेड परसेंट एक्टिव रहिए प्लीज हंड्रेड परसेंट रिस्पॉन्स करिए हंड्रेड परसेंट एक्टिव रहिए लास्ट के एक घंटा है अब सोना नहीं है यहां तक अगर टिक गए तो एक घंटा और टिक जाओ बस आई रियली प्राउड ऑफ यू

तो ये हो गया ए बाई फाइव इक्वल टू बी बाई फोर तो जब भी ऐसा लिखा हो तो जो ए के नीचे है वो ए का रेसी हो जाता है जो बी के नीचे बी का रेसी हो जाता है तो एस टू बी कितना हो गया फाइव इंस टू फोर एस टू बी कितना हो गया फाइव इंस टू फोर कितने लोगों को ये बात क्लियर yes no, है यस नो बताते चलिए कितने लोगों को बात क्लियर yes no, है यस नो बताते चलिए चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ ए इनकम इज इक्वल टू थर्टी फाइव परसेंट ऑफ बी इनकम तो ट्वेंटी फाइव देखो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ ए तो ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ ए इक्वल टू थर्टी ऑफ बी तो ट्वेंटी डिवाइड बाई हंड्रेड ए इक्वल टू थर्टी डिवाइड बाई हंड्रेड बी नीचे से दोनों के हंड्रेड को उड़ा तो पता नहीं चलना चाहिए दोनों के हंड्रेड उड़ गए अब फाइव से कट किया सेवन फाइव से कट किया फाइव तो फाइव इक्वल टू सेवन बी हो गया ठीक है अब देखो मैं एक ट्रिक बताता हूं जब भी डिवाइड वाला हो जैसे ए बाई टू इक्वल टू बी बाई थ्री हो डिवाइड वाला हो तो क्या करना होता है एस टू बी आपका आ जाएगा टू टू थ्री अगर डिवाइड वाला हो जो ए के नीचे ए वाला, बी के नीचे बी वाला, अगर डिवाइड में है, अगर मल्टीप्लाई में तो उल्टा कर दो स्विच कर दो तो ए टू बी क्या आ जाएगा जो बी वाला है वो ए का हो जाता है जो ए वाला है वो बी का हो जाता है तो आंसर क्या होगा ए या बी हाँ जी आंसर क्या हो जाएगा ए या बी आंसर क्या हो जाएगा ए या बी बी आंसर आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स इक्वल टू वन बाई थ्री वाई तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई डिवाइड बाई थ्री ठीक है तो so, अगर मैं कहूंगा एक्स और वाई का रेशियो क्या हो जाएगा तो आप बोलोगे सर वन इज टू थ्री हो जाएगा वन इज टू थ्री और कह रहा है वाई इक्वल टू क्या है जेड डिवाइड बाई टू है y इक्वल टू क्या है z डिवाइड बाय टू अभी क्या है ये y के नीचे थ्री है e y के नीचे कुछ नहीं है तो अगर तीनों का रेशियो निकालना है तो तीनों में कंपैरिजन होना चाहिए अब दोनों में कॉमन क्या है y लेकिन जो y कॉमन है दोनों का अलग-अलग है यस और नो भैया यहां पे y के नीचे थ्री है यहां पे कुछ है नहीं है तो क्या करना है इन दोनों को सेम बनाना है ताकि इन तीनों को एक साथ कंपेयर कर सकें सेम बनाना है तो यहाँ पे थ्री नहीं थ्री बना दो कैसे बना दे कि थ्री से यहाँ भी डिवाइड कर दिया और थ्री से यहाँ भी डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा दोनों का जो कॉमन है सेम हो गया के तीनों कॉमन वाला इक्वल हो जाए इक्वल कर दो अब रेशियो निकालना है तो एक्स वाला एक्स का वाई वाला जेट वाला जेट का वन इज टू थ्री टू सिक्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया जी बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ठीक है जी बी करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एस टू बी है सेवन इश टू नाइन बी एस टू सी है फिफ्टीन तो बताना है ए सी का कितना रिलेशन है या ए और सी का रेशियो क्या बताना है अगेन जो दोनों में कॉमन है वो क्या सेम है एक बात आई पहले वाले में बी का रेशियो कितना है थोड़ा एक्टिव होइए प्लीज थोड़ा एक्टिव होइए ये रेशियो प्रोपोर्शन इजी है बहुत जल्दी निपटेगा देखना बस आप एक्टिव हो जाइए बहुत जल्दी निपटेगा ये इजी है ये बहुत जल्दी निपटेगा पहले वाले में बी का रेशियो कितना है नाइन और दूसरे वाले में बी के रेशियो कितना है फिफ्टीन दूसरे वाले में कितना है फिफ्टीन तो जो दोनों का कॉमन है बी वो सेम नहीं है उसको सेम होना चाहिए सेम नहीं है तो इसको करने के तीन तरीके हैं कितने तरीके हैं इसको करने के तीन मैं तीनों बता देता हूं जो आपको पसंद आएगा नेक्स्ट टाइम से उसको करना स्टार्ट कर देना तो पहला तरीका इसका फिर दूसरा फिर तीसरा पहला तरीका इसका ये है कि जैसे ये एस टू बी कितना लिखा है सेवन इंस टू नाइन बी इतना लिखा है तो यहां पे जो बी वाला है फिफ्टीन इसका क्या करो इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो दोनों मल्टीप्लाई कर दो तो फिफ्टीन इंटू सेवन कितना हो गया वन जीरो फाइव और फिफ्टीन इंटू नाइन कितना हो गया वन थर्टी फाइव दोनों मल्टीप्लाई कर दो सिंपल और यहाँ जो नाइन है इस नाइन का नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई कर दो <coughs> तो नाइन टू फिफ्टीन कितना हो गया वन थर्टी फाइव और नाइन टू तो सेवन कितना हो गया सिक्सटी थ्री इससे बेनिफिट क्या हुआ ये जो बी वाला है अब सेम हो गया ये बात समझ कि नहीं समझ पाए यस yes और नो no, बताइए देखिए देखिए मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन की जरूरत है और मेरा मोटिवेशन आप ही हैं लास्ट एक घंटे बाकी है पूरे जोश के साथ एक घंटे पढ़ाई करिए कल सुबह आप जो सो के उठे तो आपको नॉर्मल डे नहीं लगना चाहिए ठीक है जिस दिन आप कुछ ऐसा कर जाओ कि जिस दिन आप कुछ ऐसा कर जाओ कि आपको अपने आप से प्राउड फील हो जाए बस वही ओकेशन है वही ओकेशन बाकी सब तो डेट है कैलेंडर की कल का दिन आप लिये नॉर्मल नहीं कल आप सो घुटेंगे आपको प्राउड फील होगा कि हाँ मैंने कुछ ऐसा किया कल मतलब सोने के बाद कोई मैं कल बोलता हूं ये तो मैं बहुत कंफ्यूजन हो जाऊंगा सोने के बाद कोई कल बोलता हूं मैं ये क्लियर है

कितने लोगों मैटर क्लियर हो गया है अगर नहीं क्लियर हो गया है, कोई बात नहीं दूसरा मैटर देखते हैं दूसरा मैटर ऐसा है कि देखो ये ए है ये बी है ठीक है ये बी है ये सी है नाइन फिफ्टीन सेवन ठीक है अब देखो यहां पे ये जगह खाली है यहां पे ये जगह खाली है तो जो जगह खाली है तो क्या करेगा पड़ोसी वाला उसकी जगह ले लेगा तो नाइन को यहाँ लिख दिया इसका पड़ोसी इसकी जगह ले लेगा ये है, पड़ोसी वाले जगह ले ली दूसरा तरीका ये आप क्या करो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो इन दोनों को मल्टीप्लाई इन दोनों मल्टीप्लाई सेवन तो टू फिफ्टीन कितना 105, 9 15 कितना सिक्सटी थ्री देखो वही फिर से आ गया वही फिर से आ गया दूसरा तरीका वही फिर से आ गया तीसरा तरीका ए बी बी सी सेवन नाइन फिफ्टीन सेवन तीसरा तरीका ये है कि ये सिंबल याद रखो बस ये सिंबल कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई तो सेवन टू फिफ्टीन कितना हो गया वन जीरो फाइव फिफ्टीन टू नाइन कितना हो गया वन थर्टी फाइव और नाइन टू सेवन कितना हो गया सिक्सटी थ्री तीन मेथड आपके पास है आप बताइए ईमानदारी से वन टू थ्री में आपको कौन सा मेथड सही लगा अभी तक साल की में, जब जब ये बताया, है, सब लोग ने इसी को हाँ बोला है। I am not surprised. जी, चलिए थर्टी एथ क्वेश्चन जी तो ये एक्स ये गलती कर दी क्या उन्होंने ये वाई होना चाहिए ना थ्री नहीं वाई होना चाहिए तो एक्स Divide by seven equal to y divide by four, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। तो जब भी ऐसा हो जाए तो x ratio y कितना हो जाएगा? सॉरी x कितना हो जाएगा? तो x के नीचे seven और seven a लिख दिया, constant एक y हो जाएगा four है। भाई इसको ये लिख सकते हैं, x by seven equal to y by four, तो x का रेशियो seven है, y का रेशियो कितना है? Four है। मैंने बोला जब भी रेशियो के आप एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो तो ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स हो गया कितना 7, 5e, हो गया है अब इसकी वैल्यू रेसियो बताना टू एक्स प्लस फोर है माइनस टू इंटू अरे गड़बड़ हो गया थ्री वाई है ना थ्री वाई वाई कितना फोर है तो थ्री इंटू फोर ए टू इंटू सेवन है कितना प्लस थ्री इंटू फोर ट्वेल्व थ्री इंटू फोर कितना ट्वेल्व है, है? कितना? है, है। कैसे आ जाएगा सर ये को, जो टाइप किए हैं सर ये क्वेश्चन में बहुत गलती करती है क्वेश्चन में आंसर निगेटिव तो आएगा नहीं

और ट्वेंटी वन में एट चला जाएगा थर्टीन है, ठीक है ए से ए कट गया थर्टीन की ट्वेल्व में ये वन आता है टू आता है तो टू इज टू वन आपका आंसर आ गया ए वाला करेक्ट है उस से टाइप करने में मिस्टेक हो गया ये थ्री एक्स माइनस टू आई ही होना चाहिए और यहाँ पे वाई होना चाहिए टाइप करने में दिक्कत हो गया सर ठीक है गाइस सेवेंटी क्वेश्चन कल बाकी है <laughs> देखिए क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो पाए ना हो पाए मैटर इंपॉर्टेंट ये कि आपने छह घंटे पढ़ाई की बैठ क्वेश्चन थर्टी वन जी नहीं समझा क्या क्या नहीं समझा देखो एक्स एक्स का रेशियो देखो एक्स बाई सेवन है ये बाई है ना y/4 है तो x आपका 7 ही होगा ना जी अनुज जी और y 4 ही होगा x 7 है y 4 है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग भी करिए प्लीज आप लोग भी करिए ये x:y कितना है 3:1 तो बताइए x कितना हो जाएगा y कितना हो जाएगा एक वेरिएबल मल्टीप्लाई करके बताइए x कितना हो जाएगा y कितना हो जाएगा एक वेरिएबल मल्टीप्लाई करके बताइए एक्स कितना हो जाएगा वाई कितना हो जाएगा ठीक है तो एक्स कितना हो गया थ्री ए वाई कितना हो गया ए अब एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो थ्री का थ्री ए का क्यूब कितना हो जाएगा तो ट्वेंटी सेवन ए क्यूब माइनस वाई का क्यूब मतलब ए का क्यूब इस टू कितना हो जाएगा ट्वेंटी सेवन ए क्यूब प्लस का एक क्यूब तो ये माइनस कहाँ से हो जाएगा जी ट्वेंटी सेवन में ए क्यूब गया ट्वेंटी सिक्स ए क्यूब ये हो जाएगा ट्वेंटी एट ए क्यूब ए क्यूब से एक क्यूब कट गया टू से काटा थर्टीन टू से काटा फोर्टीन तो थर्टीन टू फोर फोर्टीन सी ऑप्शन करेक्ट है आपका सी ऑप्शन करेक्ट है वेरी गुड अब ये आगे आपका थर्ड प्रोपोर्शनल थर्ड प्रोपोर्शनल एक्चुअली होता क्या है पहले वो समझ लो थर्ड प्रोपोर्शनल होता क्या है एक्चुअली कभी अगर ऐसा गिवन दिया हो ए इज टू बी इक्वल टू बी इज टू सी गिवन दिया हो इस टाइप से ए इज टू गिवन दिया हो ठीक है ना तो ये क्या हो जाएगा ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी तो बेसिकली क्या हो जाएगा बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए इंटू सी तो अगर मेरे को ये जो सी निकालना है सी को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल क्योंकि यहाँ पे ये फर्स्ट है बी दोनों में सेम आ चुका है तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा सी थर्ड नंबर तो सी को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल तो सी कैसे निकालेंगे बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए ठीक है अब जैसे यहाँ पे पहला नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा दूसरा नंबर बी हो जाएगा तो तो थर्ड प्रोपोर्शन सी निकालना क्या करेंगे? दूसरे नंबर का square, पहला नंबर. तो में ये आपको याद कर लेना है जल्दी से इसका आंसर बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा जिनको बेसिक एल्जबरा आती है जिनको बेसिक एल्जबरा आती है जल्दी से इसका आंसर बताएंगे आंसर क्या, क्या होगा इसका

अरे लास्ट के अब तो एक घंटा बाकी भी नहीं है लगा दो जान एक घंटा भी बाकी नहीं है अब तो पूरा एफर्ट लगा दो भैया अब तो एक घंटा भी नहीं है चलो टू थर्टी फोर और वन जीरो फोर मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है कुछ नहीं इन दोनों का जो भी नंबर गिवन दिया है इन दोनों का मल्टीप्लाई और उसका रूट ये होता है मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मुला क्या हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई उसका रूट ठीक है करिए दोनों का मल्टीप्लाई तो 234 104. अब कोई भी इंसान कोई भी इंसान पृथ्वीवासी जो है इसका मल्टीप्लाई नहीं करेगा कि मल्टीप्लाई अपने आप में पेचीदा एक बात हो जाएगी आपको क्या करना है इसको फैक्टराइज करना है जैसे टू थर्टी फोर है तो उसको क्या लिख सकते हो 2 से डिवाइड किया कितना हो जाएगा 1 1 7 अब ये 3 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 3 टाइम में 9 27 मतलब कितना हो जाएगा 9 टाइम में 27 3 से डिवाइड किया कितना हो जाएगा 13 और फिर 13 से डिवाइड क्या हो जाएगा 1 2 34 को क्या लिख सकते हो 2 into 3 into 3 into 13 ऐसा लिख सकते हो फिर 104 को क्या लिख सकते हो तो वन जीरो सबसे पहले देखो ये टू इस टू से मिलकर एक पेयर बन गया टू बाहर आ गया तीन तीन का एक जोड़ा बन गया एक तीन बाहर आ गया ये थर्टीन थर्टीन से मिलकर एक पेयर बन गया थर्टीन बाहर आ गया ये अब बचाइए टू टू का एक पेयर बन गया टू बाहर आ गया इनका मल्टीप्लाई करो बताओ आंसर क्या आएगा हाँ जी जल्दी से मल्टीप्लाई करिए इसका बताइए क्या आंसर आएगा क्या कर रहे हो लास्ट के बस हार्डली फोर्टी फाइव मिनट बाकी है अब जो भी आपका आंसर आ रहा है ये ऑप्शन तो मैच कर नहीं रहा है तो नन ऑफ दीज आपका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज नन दीज हो जाएगा नेक्स्ट <coughs> क्वेश्चन सीमा और मीना दोनों के पास पच्चीस हजार रुपए थे आज क्वेश्चन देखो क्वेश्चन आज कंप्लीट नहीं हो पाया कोई और क्लास में कर लेंगे <coughs> अब क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएगा इसमें छोड़ तो ही देंगे जी आज इतने हो जाएंगे और क्लास कर लेंगे ऐसे सीमा और मीना ने पच्चीस हजार रुपये को डिवाइड किया थ्री टू के रेशियो में तो सबसे पहले ये बताओ कि सीमा का पोर्शन कितना था इनका रेशियो कितना है थ्री टू तो सीमा का पोर्शन कितना है पच्चीस हजार बताइए <laughs> बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया बस यही चाहिए यही सिलेक्शन तो मैं निकलवा ही दूंगा जी सबसे पहले लड़ना तो आना चाहिए लड़ना सिलेक्शन होने के बाद भी जिंदगी खत्म तो ही हो जाएगी मेरे को तो आपको लड़ना ही सिखाना है लड़ाई तो जिंदगी भर चलती रहेगी एक समस्या जाएगी दूसरी आएगी कोई बात नहीं लड़ने मजा आने लगा तो क्या ही समस्या है फिर बहुत बढ़िया जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं चलो तो सीमा का कितना हो जाएगा थ्री टू तो थ्री हो जाएगा सीमा का पार्ट डिवाइड कितना होता है इंटू टोटल कितना है से काटा कितना हो जाएगा पांच हजार फाइव इंटू थ्री कितना तो सीमा ले गई पंद्रह हजार रुपए तो मीना कितना लेगी भाई अब मीना वाला कैलकुलेट ना भी करो क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव में फिफ्टी माइनस कर दो कितना होता है टेन थाउजेंड ठीक है अब कह रहा है पांच हजार दोनों को जोड़ दो तो सीमा वाले पांचेंड महीना तो पांच तीन तीन थ्री फाइव से कट किया फोर तो फोर इस टू थ्री आंसर आ गया तो सीमा फिर जीत गई सीमा पास ज्यादा पैसा है तो सीमा पास कितना है चार फोर टाइम्स है और पीना पास कितना है थ्री टाइम्स आंसर क्या हो जाएगा बताइए ए बी सी डी आंसर क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन टू नंबर्स एक्स एंड वाई आर इन रेशियो फाइव टू सेवन तो एक्स और वाई का रेशियो कितना है फाइव टू सेवन तो अगर कोई वेरिएबल ए मान लो तो एक्स कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ अगर कोई वेरिएबल एक्स्ट्रा ए मान लिया तो बताओ एक्स क्या होगा वाई क्या होगा अभी इतने में कोई सो रहे होंगे तो अचानक नींद खुल जाएगी एकदम से अरे सर तो चिल्ला रहा है हमको एक्स क्या हो जाएगा वाई क्या हो जाएगा बताइए ओ सर वो एक, एक्स माइट्रोकांडिया है वाई जहांगीर है सर ऐसा नींद में कोई ना बोलना बस अब ये ये टाइप करने वाला अलग बात होती है अगर ऑडियो ऑप्शन देता तो ऐसा ही आंसर आते है आपको तो. एक्स माइट्रोकॉडिया है और वाई जहांगीर है तो एक्स क्या हो गया फाइव ए और वाई कितना हो गया सेवन ए ठीक है अब कह रहा है इन दोनों का जो सम है वो थर्टी सिक्स है तो फाइव ए प्लस सेवन ए कितना हो जाएगा थर्टी सिक्स ओके जी ओके. कोई बात नहीं जी कोई बात नहीं 5 और कितना 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 हो 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 जाएगा 36 बाई 12 कितना हो जाएगा जाएगा ठीक है तो X कितना है 5 है तो 5 3 कितना हो जाएगा फिफ्टीन सॉरी फिफ्टीन ए नहीं फिफ्टीन हो जाएगा ट्वेल्व फिफ्टीन तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जी ऑप्शन बताइए कौन सा करेक्ट है जब मैं पढ़ता था तो मेरे एक टीचर थे क्लास एट तक उन्होंने मेरे को पढ़ाया है और मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत ही नेक इंसान थे वो तो अगर टीचिंग के लाइन में अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो उनको देख के अच्छा कर रहा हूँ तो हमेशा एक बहुत अच्छी लाइन बोला करते थे ध्यान सुनना उसकी लाइन क्या है लाइन में एक दो शब्द आपको समझ नहीं आया तो मैं सब समझा दूंगा और जिसको हंड्रेड परसेंट समझ में बताना उनकी बहुत अच्छी एक लाइन थी ये एक मतलब ऐसे किसी कवि ने बोला है तो लाइन एक ऐसी है कि खुदी को कर बुलंद इतना खुदी मतलब खुद को खुदी को कर बुलन इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है रजा एक उर्दू वर्ड है रजा मतलब होता है ख्वाइस कि तुम क्या चाहते हो तो खुद को इतना बुलंद करो कहते ना ये लक पे डिपेंड करता है तकदीर डिपेंड करता है तकदीर नहीं खुद ऊपर वाला मतलब खुद खुदा या खुद पूरा नेचर कायनात खुद आपसे पूछे कि तुम चाहते क्या हो इतनी मेहनत करो इतना अपने आप को बुलंद करो इधर उधर की बातचीतों में टाइम ही ना हो अपने आप में ही बिजी है एकदम पागलपन कि लगातार अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं कि मेरा ये कोर्स हो गया ये इतना हो गया ये मेरे को जॉब करना है ये करना इसके बाद क्या करना ये ये अपने आप पे ही अपने आप को इतना फोकस करना है कि हर एक इंसान में सैकड़ों कमियां होती हैं इसलिए मेरे को हर एक इंसान सही लगता है क्योंकि मेरे अंदर खुद ही इतनी कमियां हैं अगर एक इंसान अपनी कमियों को फोकस करना स्टार्ट कर दे तो जिंदगी भर इम्प्रूवमेंट कर सकता है वो खुद ही में अपने में इतनी कमियां होती हैं लेकिन नेचर या जैसा सोसाइटी हो गया है कि हम अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं अपने आप को कभी जस्टिफाई मत करो ना जिसने खुद को पनिश करना स्टार्ट कर दिया पूरी दुनिया में कोई उसको पनिश कर ही नहीं सकता है खुद को एक बार पनिश करना स्टार्ट तो करो उसको कोई पनिश ही नहीं कर सकता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन 80 लीटर 80 लीटर के एक मिक्सचर में 80 लीटर के मिक्सचर में मिल्क और वाटर के रेशियो एम से मिल्क वाटर है डब्ल्यू से कितना है सेवन टू थ्री कितना थ्री तो सब लोग मेरे को बताएंगे एट्टी लीटर में सेवन इंसू थ्री मिल्क एंड वाटर का तो मिल्क कितना हो जाएगा वाटर कितना हो जाएगा बताएंगे सब लोग मिल्क कितना हो जाएगा वाटर कितना हो जाएगा सब लोग बताएंगे अभी सच में आपसे बता रहा हूं कम से कम कॉन्स्टेंटली तीस मिनट से मेरे इधर चेस्ट में पेन हो रहा है तो लगातार तेज आवाज में बात कर रहा हूं मिनट से, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि तीन बजे छोड़ना है तो चाहे अब ही ना हो जाऊं, लेकिन मैं तीन बजे ही छोड़ूंगा लगातार तेज आवाज में इतना लगातार बात करना तो हो ही जाता है। तो बस लास्ट के तीस मिनट अब मैंने भी डिसाइड किया तो मेरे को भी प्राउड फील होगा कि हाँ छह घंटे क्लास डिसाइड की थी चाहे जो हो जाए भी किया आपको भी प्राउड फील होगा तो बस 30 मिनट और है पूरा झोंक दो बस अभी प्रॉक्सिमिटी इज 200 है पूरा झोंक दो पूरा 30 मिनट पूरा तो मिल्क कितना है वाटर कितना है तो मिल्क कुछ लोग बता रहे हैं 56 है देखते हैं तो 7 मिल्क वाला पार्ट है 7 और 3 कितना मिल्क हो जाता है 10 तो 10 हो जाएगा नीचे ऊपर हो जाएगा 80 तो 0 से 0 कट गया 7 टू 8 कितना हो जाएगा 56 अब इसको निकालने की जरूरत नहीं चाहे तो एट्टी फिफ्टी सिक्स माइनस कर लो कितना आ जाएगा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर आ जाएगा तो फिफ्टी सिक्स और ट्वेंटी फोर अब कह रहा है कितना पानी इसमें जोड़ दे कि रेशियो टू टू वन बन जाए <coughs> कितना पानी जोड़ दे कि रेशियो कितना बन जाए टू टू वन तो अभी कितना है मिल्क है फिफ्टी सिक्स वाटर है ट्वेंटी फोर कितना पानी जोड़ दे तो मान लिया एक्स पानी जोड़ दिया तो रेशियो कितना बन जाएगा टू डिवाइड बाई वन जल्दी से इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालो जल्दी से इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालो अरे ठीक है तो हेल्थ वेल्थ कभी इंसान की सबसे बड़ी खासियत है तो ये कि इंसान के पास असीमित शक्तियां हैं जी लिमिट पुश करने हमेशा लिमिट पुश करना चाहिए चलो वन इंट फिफ्टी सिक्स कितना प्लस एक्स दोनों मल्टीप्लाई करो टू इंटू ट्वेंटी फोर कितना 48 plus 2x, 48 कि बुला, बुला लो तो फिफ्टी सिक्स माइनस फोर्टी एट इक्वल टू कितना 2x कितना हो जाएगा जी 8 2x आंसर कितना आ जाएगा 8 by 2 आंसर कितना आ जाएगा चार आंसर कितना आ जाएगा चार कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जब तक बोलोगे नहीं टिक नहीं करूंगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जल्दी बताइए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है ए बी सी डी में कौन सा ए ऑप्शन करेक्ट है ए ऑप्शन करेक्ट है ठीक है. है चलो Uh, हाँ अब ये जो टॉपिक आ गया है ये टॉपिक आपका आ गया नया टॉपिक इस टॉपिक को बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अब ये जो क्वेश्चन आ गया है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन सर जीत दी आप बचपन से बचपन से भाई अब तो उम्र हो गई तो प्राइस ऑफ फाइव पॉइंट फाइव डजन पेन इज वन टू एट सेवन एक दर्जन में कितने होते हैं बारह तो फाइव पॉइंट फाइव इंटू ट्वेल्व करो कितना आंसर आएगा बताओ जल्दी से अब कैलकुलेशन आप ही से कराऊंगा फाइव पॉइंट फाइव इंटू ट्वेल्व कितना हो जाएगा तो एक साइड में लिख दो पेन एक साइड में लिख दो रुपए तो फाइव पॉइंट फाइव इंटू ट्वेल्व कितना हो जाएगा बता रहे हैं सिक्सटी सिक्स बिल्कुल सही बता रहे हैं इधर हो गया रुपए वन टू एट सेवन तो छाछ पेन का कितना है वन टू एट सेवन सिक्सटीन पिन का कितना हो जाएगा तो एक बात बताइए अगर मैं एक दुकान गया और दुकान वाला बोला कि सिक्सटी सिक्स पिन आपको इतने रुपए के मिलेंगे मैं कह रहा हूँ ठीक है तो मेरे को बताओ सिक्सटीन पेन कितने के मिलेंगे तो भाई ये बताओ कि सिक्सटीन पेन इतने ही रुपए के मिलेंगे या इससे कम रुपए के मिलेंगे कहने मतलब क्या है अगर नंबर आप पेन डिक्रीज हो रहे हैं तो पैसा घटेगा या बढ़ेगा पैसा डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा अगर नंबर आप पेन क्या हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं तो पैसा डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा अरे भैया एक्टिव हो जाओ भाई गलत बात गलत बात एक्टिव हो जाओ भाई डिक्रीज होगा इसको एक्स मान लिया डिक्रीज होगा तो अगर एक क्वांटिटी को डिक्रीज करने पे दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो एक क्वांटिटी को डिक्रीज करने पे दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो इस केस को क्या बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन क्या बोलते हैं डायरेक्ट या इनवर्स बताइए इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट या बताइए। अगर एक डिक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो तो रहा है इसको बोलते हैं डायरेक्ट और डायरेक्ट में क्या करते हैं दोनों को सीधे डिवाइड कर दोनों को डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 66 डिवाइड बाय 16 इक्वल टू 1287 डिवाइड बाय एक्स अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 66 सिक्स इंटू एक्स इक्वल टू वन टू एट सेवन इंटू सिक्स रखो सिक्सटी सिक्स को यहां भेज दो वन टू एट सेवन इंटू डिवाइड बाई सी सिक्स मान लीजिए कोई बात नहीं मारे जी याद रखो अगर एक को डिक्रीज करने पर दूसरा भी डिक्रीज होगा तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट अब टू से काटा थर्टी थ्री टू से काटा एट थ्री से काटा इलेवन इसको थ्री से काटा कितना आ जाएगा फोर टू सिक्स टू और सेवन कितना ट्वेंटी सेवन तो थ्री से आ जाएगा नाइन आप 11 से 429 को काटो बताओ कितना आएगा 11 से 429 को काटो कितना आएगा तो थ्री टाइम में 33 बचा बच्चा नाइन ऑन नाइन नाइनटी तो नाइन टाइम में नाइन्टी नाइन तो एट इंटू थर्टी नाइन करो कितना आ जाएगा तो कोई भी एट इंटू थर्टी नाइन नहीं करेगा थर्टी नाइन को ऐसे लिख दो फोर्टी माइनस वन तो एट इंटू फोर कितना थर्टी टू एक जीरो लगा दिया तो थ्री ट्वेंटी माइनस एट कितना आ जाएगा थ्री वन टू ऐसे कैलकुलेशन किया करो जिससे आसानी हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी सी वाला करेक्ट हो जाएगा कितने लोग का सी ऑप्शन आ गया है सी किसका किसका आ गया सो गए क्या चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 651 बनाना यूज होने एक वीक के लिए तो यहां पे लिख दो बनाना और यहां पे लिख दो डेज तो सिक्स फिफ्टी वन यूज होने हैं एक वीक के लिए मतलब सेवन डेज के लिए तो पूछ रहा है टोटल बनाना जो रिक्वायरमेंट है अप्रैल मई और जून के लिए तो ये बताओ अप्रैल में कितने दिन होते हैं अप्रैल में थर्टी मई में थर्टी वन और फिर से जून में थर्टी काउंट किया कितना आ गया नाइन्टी वन एक्स तो एक बात बताइए अगर सात दिन में बनाना रिक्वायर्ड है सिक्स फिफ्टी वन तो अगर दिन बढ़ रहे हैं तो बनाना की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी या कम होगी अगर दिन बढ़ रहे हैं तो बनाना की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी कम होगी ज्यादा हो जाएगी अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाने पे <coughs> बढ़ाने पे, दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है सेकंड। अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाने पे, दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है तो ये इंक्रीज क्या तो ये भी इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट या इनवर्स जल्दी से बताइए कमेंट करके डायरेक्ट हो जाएगा या इनवर्स हो जाएगा लास्ट के थर्टी मिनट बाकी हैं बस एक्टिव हो जाओ थर्टी भी नहीं मिनट बाकी हैं ट्वेंटी फाइव मिनट हैं ट्वेंटी फाइव मिनट मेरा हाथ जोड़ के बिनती है बेस्ट दो अपने ट्वेंटी फाइव मिनट लास्ट सुकून की नींद सोस के बाद डायरेक्ट हो जाएगा तो डायरेक्ट में क्या करते हैं सीधे डिवाइड कर देते हैं तो सिक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू सेवन डिवाइड बाई नाइनटी

मैंने मल्टीप्लाई किया ही नहीं देखो मैं छठवा घंटा होने वाला है इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपनी स्मार्टनेस भूल जाऊंगा स्मार्टनेस यही है कि हमको टाइम सेव करना है कहे हम पूरा मल्टीप्लाई करें तीन के अलावा यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं जहां पे फर्स्ट डिजिट थ्री हो तो इसको सॉल्व ही नहीं करना ये आपका आंसर करेक्ट हो गया तो इसलिए हमेशा एक्टिव रहो ऐसा नहीं है कि मतलब फिर एक्टिव रहो पूरा मल्टीप्लाई करने की नहीं थी उसको ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ बकेट फिल्ड इन मिनट। तो अगर पूरी बकेट अगर वन है पूरी बकेट को वन बोल दें पूरी बकेट को वन बोल दें तो उसका फोर बाय नाइन पार्ट एक मिनट भरा जा रहा है तो रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा तो वन में फोर बाय नाइन माइनस करो कितना आ रहा है जल्दी बताओ वन में फोर बाय नाइन माइनस करो कितना आ रहा है अभी भी किसी ने शेयर नहीं किया हो तो जाते जाते कम से कम शेयर जरूर कर दो वन तो में फोर बाई नाइन माइनस किया कितना हो जाएगा तो नाइन टू वन नाइन माइनस वन टू फोर फोर डिवाइड पे पे तो रिमेनिंग फाइव बाई नाइन पार्ट अच्छा एक बात आओ फोर बाई नाइन और फाइव बाई नाइन इनमें से कौन बढ़ाया इतना बता दो ऊपर वाला बढ़ा है नीचे वाला बढ़ाया फोर डिवाइड बाई नाइन और फाइव डिवाइड बाई नाइन कौन बड़ा है ऊपर वाला है नीचे वाला नीचे वाला तो अगर ये पार्ट कम है पार्ट ज्यादा है अगर ज्यादा पार्ट बढ़ना है तो टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा ये पार्ट कम है आप बता रहे हो नीचे पार्ट ज्यादा है अरे भाई फोर बाई नाइन कहा से बढ़ा हो गया चार बड़ा है कि पांच बड़ा है ये बताओ नाइन तो सेम ही है ऊपर वाला डिसाइड करेगा तो फोर बड़ा है फाइव बड़ा है तो ये पार्ट ज्यादा है अगर ज्यादा पार्ट बढ़ोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा ज्यादा लगेगा तो डायरेक्ट होगा या इनवर्स होगा डायरेक्ट या इनवर्स डायरेक्ट या इनवर्स जल्दी से बताओ डायरेक्ट डायरेक्ट या इन्वर्स? क्या करो सीधे डिवाइड कर ट गया तो फोर बाई फाइव इक्वल टू वन बाई एक्स एक्स चाहिए तो क्या कर दो पलट दो फाइव बाई फोर इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स बाई वन मतलब एक्स बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया ए बी सी डी कौन सा करेक्ट है बताइए सी ऑप्शन करेक्ट हो गया नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टी a man complete 5 by 8 of a job in 10 days at this rate how many more day will it take to complete to finish the job to so 5 by 8 job jo 5 uh, by 8 part jo hai wo 10 day mein karta hai theek hai तो so फाइव by एट part वो complete कर रहा है टेन दिन में तो remaining part कितना हो जाएगा रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा पूरा पार्ट मान लेते हैं one. One में पार्ट को माइनस कर दो कितना आ रहा है लास्ट के कुछ मिनट बाकी प्लीज हंड्रेड परसेंट एक्टिव रहिए प्लीज आई जस्ट रिक्वेस्ट टू गाइस प्लीज तो वन में फाइव बाई एट माइनस करो कितना आ जाएगा एट इंटू वन एट वन टू फाइव फाइव डिवाइड बाई एट एट में फाइव गया कितना थ्री बाई एट तो ये हो गया थ्री बाई एट कितना दिन लगेगा एक्स मान लेते हैं ठीक है अच्छा आओ, अगर ये पार्ट कम हो रहा है क्योंकि फाइव बाई एट और थ्री बाई एट कौन बड़ा है ऊपर वाला फाइव बाई एट थ्री बाई एट कौन बड़ा है ऊपर वाला है नीचे वाला ऊपर वाला, वाला? वाला तो अगर पार्ट कम हो रहा है तो दिन क्या होगा कम है ज्यादा अगर पार्ट कम हो रहा है कि भाई मैक्सिमम पोर्शन ये हो गया तो इसको करने में कम दिन लगेंगे ज्यादा दिन लगेंगे कम दिन लगेंगे तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट इनवर्स डायरेक्ट हो जाएगा तो फिर से क्या कर दो सीधे डिवाइड कर दो इक्वल बराबर कर दो तो एट से एट कट गया फाइव बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन डिवाइड बाई एक्स पर फाइव से सीधे टेन कट जाएगा टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स इंटू वन एक्स थ्री इंटू टू सिक्स छह दिन और लगेंगे ज्यादा छह दिन ज्यादा और लगेंगे बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है छह दिन और लग जाएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन गेट हो जाएगा जितने लोग लास्ट तक टिक रहे हैं आप अपने स्टेटस में आज एक जरूर डालिएगा बस और किसी को बताने जरूरत नहीं इसका मतलब क्या है कभी कुछ ऐसा करो बताने जरूरत नहीं आई डिड इट आई डिड इट अपने स्टेटस में यह जरूर डालना बस आई रियली प्राउड ऑफ यू देखो कुछ ना कुछ तो लाइफ में अच्छा कर ही लोगे अगर आपको लड़ना आ गया सर हैंग कर गया अरे सर थोड़ी हैंग करेगा वीडियो हैंग करेगी ज्यादा ज्यादा सर हैंग कर गया मतलब क्या है मैं ऐसे चलूंगा ऐसे मैं ऐसे रहूंगा कैसी बात कर रहे हैं सर कैसे हैंग कर जाएगा चलता फिरता इंसान हूं मैं है। वीडियो हैंग कर गई होगी बोलो सर की वीडियो हैंग कर गई वीडियो हैंग कर गई सर हैं करके मतलब क्या है <laughs> अरे बस मजाक कर रहे थे कोई बात नहीं टेंशन मत लो ठीक है चलो आगे आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं कोई, 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 कोई बात नहीं कोई बात नहीं ये फिफ्टी सिक्स मैन ये है डेज तो मैन एंड डेज तो फिफ्टी सिक्स मैन एक काम को ट्वेंटी फोर डे में कंप्लीट करते हैं चलो भैया हंस लो जल्दी से हंस लो फिर स्टार्ट करते हैं कमा <laughs> लो भी कसम से सिक्स मैन ट्वेंटी फोर डेज में काम करते हैं ठीक है ना सर इज नो होना <laughs> एक मैराथन क्लास लेते हुए नवयुवक की वही मौत <laughs> ये आएगा पेपर में मैराथन क्लास लेते हुए नवयुवक की हुई मौत सत्ताईस साल का नवयुवक अभी अभी उसने बीस अप्रैल को अपने बर्थडे मनाया था ये न्यूज़ पढ़ना चाहते हो चलो अभी बहुत जीना है भाई बहुत कुछ करना है फिर फोर्टी टू मैन जो है वो कितने डे में कंप्लीट कर रहे है उसको एक्स मान लिया फोर्टी टू मैन कितने दिन में कर रहे है उसको एक्स मान लिया ये बहुत अच्छी बात बोली है प्राउड ऑफ अस बेहतरीन बात बोली है प्राउड ऑफ अस खुद पे प्राउड करना सीखो अब आज लास्ट तक हो तो मैं एक आपको बात आता हूं देखो अपना अपने आप को ऐसा रखो जब दुनिया के सामने जाओ ना तो बिल्कुल अपने आप को डाउन अर्थ रखो मतलब डाउन अर्थ मतलब आप बिल्कुल एक होता ना कि मोडिस्टी के साथ बिल्कुल कि आप दूसरे की बात समझो सुनो सब है ना लेकिन जब आप इंडिविजुअल अकेले में रहो ना तब तो ये समझो कि मेरे से बड़ा दुनिया में कोई इंसान ही नहीं है सबसे दुनिया का सबसे ताकतवर सबसे स्ट्रांग सबसे बुद्धिमान अपने को कभी भी गाली नहीं देनी है कई लोग लोगों अपने को है, मैं बुद्धू हूँ मैं ये हूं मैं फलान हूं मैं ठिकान कभी नहीं, कभी नहीं। मैं लिटरली बोल रहा हूँ बी वेरी ऑनेस्ट शायद ही कभी मैंने अपने आप को गाली दी हो शायद ही अगर मैं पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं दुनिया के सबसे बड़ा टीचर हूँ तो कोई होगा तो मान ले अपने आप को मुझे नहीं फर्क पड़ता मैं दुनिया के बड़ा टीचर हूँ अगर ये मैंने मान लिया कि मैं दुनिया के बड़ा टीचर हूँ तो छः घंटे की लाइव क्लास क्या ही मैटर करता है मैं सोलह घंटे ले लूँ अगर ये मैंने एजूम कर लिया लेकिन दिक्कत क्या है ना दिक्कत क्या है कि हमारा माइंड एजूम ही नहीं करने देता है उतना डाउट करता है अपने आप पर धीरे धीरे कम होगा धीरे धीरे कम होगा तो बेसिकली आप अपने आप को ना कभी भी निगेटिव वर्ड मत बोलो अपने आप को अच्छी अच्छी बातें बोलो कि मैं सब कर लूंगा कभी कुछ गलत हो जाए तो अपने आप को माफ कर दो कि कोई बात नहीं इसके मैं भी एक ह्यूमन ना। आज मेरा दिन अच्छा नहीं गया कोई बात नहीं हो सकता है आज मेरा साल अच्छा नहीं गया लेकिन मेरा वक्त अच्छा जाएगा सबका वक्त आता है कह दो तो मेरा दौर आएगा कि जब मैं आऊंगा तो बस वहीं मैं ही रहूंगा है ना तो एक बड़ी लाइन है कि समु एक बड़ी लाइन है मेरा, मेरा पानी उतरता देख मेरा पानी उतरता देख किनारों पे घर मत बना लेना मैं समुन्दर हूं लौट के जरूर आऊंगा तो जिनको लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे या इससे हैं ये वो तो उनको कुछ बोलना नहीं अपने मन में क्या रखना है मेरा पानी उतरता देख किनारों पे घर बना लेना मैं समुन्दर हूँ दौड़ के जरूर आऊंगा और जब आऊंगा तब आई मचाऊंगा चलो तो 56 सिक्स मैन ट्वेंटी फोर डेज फोर्टी टू मैन कितने दिन पता नहीं ठीक है ना अब ये एक बात बताओ एक घर बन रहा था उस घर में छप्पन आदमी काम कर रहे थे 56 लोग काम कर रहे थे ठीक है ना 56 लोग काम कर रहे थे उस घर में और कुछ लोग चुनौती रगड़ते रगड़ते दूर निकल गए है ना वो विमल चुनौती वो होता ना ये वो रगड़ रगड़ तमाकू रगड़ते रगड़ते निकल गए कुछ लोग तब 42 बचे। तो बचे, अगर लोग कम हो गए तो घर बनने में कम टाइम लगेगा ज्यादा टाइम लगेगा मच्छर परेशान कोई इनके घर जाके इनके मच्छर मार दो भैया इनके दोनों हाथ बंधे हुए हैं इनके घर में मच्छर मार दो कोई अगर दिन कम हो रहा है तो डेज बढ़ेंगे कम होंगे बढ़ेंगे तो अगर आदमी कम हो रहा है तो दिन बढ़ रहा है आदमी कम हो रहा है दिन बढ़ रहा है ठीक है तो इसका मतलब एक क्वांटिटी घटाने पे दूसरी बढ़ रही है तो ये डायरेक्ट होगा या इनवर्स डायरेक्ट होगा या इनवर्स लास्ट के बारह मिनट हैं आज तो आपने इतिहास ही रच दिया भाई मजा आ गई आई रियली एंजॉयड मेरे को कुछ ऐसा लगा कि मैंने एफर्ट किया कुछ नहीं बहुत एंजॉय किया मैंने लास्ट के बारह मिनट है बस क्या हो जाएगा इनवर्स अब ध्यान से ध्यान से ध्यान से एक बात सुनेंगे डायरेक्ट में क्या करते थे दोनों को डिवाइड करते थे इनवर्स में क्या करेंगे एक को ऐसे ही डिवाइड कर देंगे ऐसे ही और दूसरे को पलट के डिवाइड कर दो एक को ऐसे सीधे डिवाइड कर दो और दूसरे को पलट के डिवाइड कर दो ठीक है पलट के मतलब एक्स ऊपर चला और 24 जा जाएगा और ट्वेंटी फोर नीचे आ जाएगा पलट के एक को सीधे डिवाइड कर दो दूसरे को पलट के डिवाइड कर दो आपके क्वेश्चन आएगा सर किसको ऐसे डिवाइड कर दे, किसको पलट के डिवाइड कर हैं, किसी को भी सीधे डिवाइड कर दो किसी एक को पलट के डिवाइड कर दो ठीक है अभी ट्वेंटी फोर को यहाँ भेज दो तो फिफ्टी सिक्स इंटू फोर्टी डिवाइड बाई फोर्टी फोर इक्वल टू एक्स सिक्स uh, से काटा फोर सिक्स से काटा सेवन सेवन से काटा एट एट इंटू फोर कितना हो गया थर्टी टू ठीक है थर्टी टू आंसर आ गया बताइए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है ए बी सी डी बताइए कौन सा करेक्ट है ए बी सी डी बताइए कौन सा करेक्ट है ए बी सी डी कौन सा करेक्ट है बी ऑप्शन करेक्ट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैन डेज थर्टी मैन कैन डू ए वर्क इन सिक्सटीन डेज थर्टी मैन कितने दिन कर सकते हैं सिक्सटीन हाउ मैनी रिक्वाय टू डू द सेम वर्क अब काम करवाना है दसी दिन में, कितने लोग चाहिए तो लोग ज्यादा चाहिए कम चाहिए बताइए काम कम दिन में कराना है तो लोग ज्यादा चाहिए कम चाहिए लास्ट दस मिनट बाकी है जितने लोग ने अगर अगर शेयर अभी तक नहीं किया तो शेयर जरूर कर देना वीडियो को अगर आज की क्लास बहुत अच्छी लगी हो तो हार्ट बना देना यही आज की क्लास की फीस थी बस ज्यादा चाहिए तो ज्यादा चाहिए तो क्या हो जाएगा इनवर्स ज्यादा चाहिए तो क्या हो जाएगा इनवर्स इनवर्स हो गया तो मतलब क्या करना किसी एक को उल्टा कर दो तो मैं यूजली क्या करता हूँ एक्स वाले को उल्टा कर देता हूं एक्स वाले को तो एक्स वाले को उल्टा कर दो तो इसको उल्टा कर दिया मतलब रेसिप्रोकल तो एक्स थर्टी इसको सीधा डिवाइड कर दोज हैं सॉरी या तो दिन ज्यादा हो गए तब भी सेम ही बात होगी तब भी सेम ही बात होगी आदमी कम लगेंगे कम लगेंगे सेम ही बात है तो इसको उल्टा कर दो तो एक्स डिड बाई थर्टी टू सिक्सटीन डिवाइड बाई ट्वेंटी जीरो से जीरो कट हो गया अब ये टू से किसको कट किया एट ये थ्री से यहाँ एट में मल्टीप्लाई हो जाएगा ट्वेंटी फोर हो जाएगा तो ट्वेंटी फोर करेक्ट आंसर हो गया उसमें फर्क नहीं पड़ना है क्वेश्चन फर्क नहीं पड़ना है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये जो क्वेश्चन है ये मैन एंड वर्क वाला है मैन एंड वर्क वाला ये नया टॉपिक आ गया मैन एंड वर्क वाला तो एक क्वेश्चन में क्या है कह रहा है थ्री मैन या सिक्स वोमेन एक काम को बीस दिन में करते हैं तो थ्री मैन एक काम को बीस दिन में करते हैं तो थ्री मैन एक दिन में एक दिन में उस काम का कितना पार्ट करेंगे जैसे मान लो मैं कह दूं कि आप दो घंटे में दो घंटे में होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं अपना होमवर्क तो एक घंटे में कितना कंप्लीट करेंगे होमवर्क का कितना पार्ट कंप्लीट करेंगे एक घंटे में कितना पार्ट कंप्लीट करेंगे अगर मैं कर दो घंटे में आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं तो एक घंटे में कितना पार्ट कंप्लीट करेंगे हाफ मतलब वन बाई टू तो कैसे आया कि जो आवर्स है इसको नीचे कर दिया आपने सेम यहाँ पे थ्री मैन एक दिन में कितना कितना पार्ट कंप्लीट करेंगे तो वन डिवाइड बाई ट्वेंटी और वन बाई सिक्सटी हो जाएगा तो so, बेसिकली क्या हो जाता है दिन नीचे डिवाइड होते हैं और नंबर्स भी नीचे डिवाइड हो जाते हैं सेम ऐसे आप लोग कैलकुलेट करिए कि वन वोमेन वन वन डे में कितना पार्ट कंप्लीट करेगी आप लोग कैलकुलेट करिए वन वोमेन वन डे में कितना पार्ट कंप्लीट करेगी जैसे मैंने मैन वाला कंप्लीट किया आप लोग वोमेन वाला कैलकुलेट करिए वन वोमेन वन डे में कितना पार्ट कंप्लीट करेगी देखिए सिक्स वोमेन ट्वेंटी डेज में पूरा कंप्लीट करते हैं तो सिक्स वोमेन में कितना करेंगे वन बाई वन ट्वेंटी अब क्या कह रहा है बारह मैन और एट वोमेन तो पहले एक मैन का एक दिन में कितना है वन बाई सिक्सटी एक मैन का एक दिन का कितना है? तो मैन का कितना हो जाएगा ट्वेल्व का मल्टीप्लाई कर दो भाई एक मैन में ट्वेल्व का मल्टीप्लाई कर दो तो बारह लोग इतना काम करेंगे ऐसे ही एक वोमेन का एक दिन कितना है ट्वेंटी कितना हो जाएगा तो एट का मल्टीप्लाई कर दो तो ये बारह मैन एट वुमेन का एक दिन का काम है यस yes no? और नो बारह मैन और एट वुमेन का एक दिन का काम है कितने लोगों को ये चीज क्लियर हो गया यस और नो बताइए अब ये कह रहा कितने दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे तो ये एक दिन का काम है एक दिन का तो मैंने मान लिया कि डेज में कम्प्लीट कर लेंगे तो एक्स का मल्टीप्लाई कर दो एक दिन में इतना काम करते हैं तो एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स इंटू जाएगा वन इक्वल टू हो जाएगा वन ठीक है तो ट्वेल्थ से इसको कट किया कितना फाइव एट से इसको कट किया कितना आ जाएगा फिफ्टीन तो x को वहां भेज दो तो वन बाई फाइव प्लस में वन बाई कितना आपका क्या LCM. तो 5 से कट किया थ्री प्लस टू क्या, 1 equal to क्या? 1 by x. तो by equal to 1 by x. उसको उल्टा कर दो दोन फोर इक्वल टू एक्सम जी मैंने एज्यूम कर कि x day में काम हो जाएगा भाई ये वन का काम था ना तो वन डे में इतना हुआ तो मैंने माना कि एक्स डे तो पूरा काम कम्प्लीट हो जाएगा तो वन डे के काम में एक्स डेज का मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरा काम मतलब आ आ आ आ जाएगा तो आ जाएगा 3 3 आ जाएगा 3 3 जाएगा आंसर 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 तो इसको करो कितना स्क्रीन ब्लॉक हो गई कोई बात नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा चलिए टू फिफ्टी सिक्स हो गया फोर्टी थ्री तक ही क्वेश्चन करते हैं लास्ट क्वेश्चन वैसे भी थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है तो मैं चाह रहा हूँ डिफिकल्टी में छोड़ू मैं चाह रहा हूँ डिफिकल्टी में छोड़ू चलिए तो बताइए आउट ऑफ टेन आउट ऑफ टेन आप अपने आप को कितना मार्क्स दोगे आज आपने जो आज पढ़ाई की मेरे को क्या ही रिव्यू करोगे आउट ऑफ टेन आप अपने आप को कितना मार्क्स दोगे वी डिड इट आज व्हाट्सएप स्टेटस पर लगना चाहिए वी डिड इट वी डिड इट वेरी गुड टेन पॉइंट फाइव वेरी गुड मेरे को चाहिए कॉन्फिडेंस भाई दुनिया में ना, ना सेवन एट क्या है? मतलब क्यों अपने आप को कम मानते हो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू रियली प्राउड ऑफ यू रियली प्राउड ऑफ यू मैं यूजली बोलता नहीं हूं ऐसा आई रियली प्राउड ऑफ यू रियली छ घंटे पढ़ाई करना एजी टास्क सच में एजी टास्क सच में नॉट एजी टास्क मैं सच में बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ आप लोगों पे बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ आपने सच में बहुत बेहतरीन यहाँ पे किया है और इसका इसका इम्पैक्ट दिखेगा एग्जाम में देखना इसका इम्पैक्ट एग्जाम में दिखेगा कैसे सिलेक्शन नहीं होगा ये अगर आपका एटीट्यूड है ना तो आप सिलेक्शन छीन लोगे छीन लोगे किसी से मांगने जरूरत नहीं छीन लो वेरी गुड वेरी गुड प्राउड ऑफ यू मैं बहुत बहुत खुश हूँ आज बहुत खुश हूँ लिटरली सेवेंटी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया टू बी वेरी ऑनेस्ट टू भी वेरी ऑनेस्ट मैं ट्वेंटी से थर्टी एक्सपेक्ट कर रहा था लास्ट में मैं दो बोल रहा था इतने कम है वेरी ऑनेस्ट आई एम रियली वेरी हैप्पी मुझे कुछ भी नहीं महसूस हो रहा छह घंटे कि मेरा मेरा कुछ भी नहीं आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू are रियली अमेजिंग अमेजिंग सिलेक्शन आपका पक्का होगा आप बस ये maintain करोग पक्का होगा मेरा साथ हंड्रेड परसेंट रहेगा मेरा साथ हंड्रेड परसेंट रहेगा बिल्कुल टेंशन लेना है दुनिया में कोई आपके साथ खड़ा नहीं खड़ा इससे मतलब नहीं है आपके अमरजीत सर आपके साथ खड़े हैं ये मैं पर्सनली गारंटी दे रहा हूँ जब तक सिलेक्शन नहीं होता है ये पर्सन आपके साथ है आपको टेंशन नहीं लेना है पापू जी जैसे एग्जाम पास आएगा मैराथन ही मैराथन चलना है ठीक है बस अब सिलेक्शन पे ही रुकना है बस सिलेक्शन पे ही रुकना है चलिए जी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ आज मेरे को बहुत ही सुकून की नींद आने वाली है बहुत ही सुकून की नींद बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ बहुत अच्छा लगा मेरे को थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम थैंक यू ये हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए थैंक यू सो मच नेक्स्ट अब मुझे पक्का यकीन है नेक्स्ट क्लास में अगर नौ घंटे भी रखता हूँ ना तो अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ आपकी वैसे कॉन्फिडेंट हूँ मैं मेरे को बहुत मजा आया थैंक यू सो मच थैंक यू ऑल ऑफ यू बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ आपसे आप लड़, ऐसे लड़ो बस आप ऐसे लड़ो सिलेक्शन पक्का होगा आपका मैं आपके लिए दिल से प्रेयर करूंगा पक्का सिलेक्शन होगा चलिए चलिए फिर अब चाहते ना चाहते क्लास को खत्म करना पड़ेगा चाहते ना चाहते क्लास खत्म करना मेरा तो दिल नहीं कर रहा मेरा दिल कर रहा है आपके साथ बैठा ही रहूं बातचीत करता रहूं लेकिन कोई बात नहीं इट्स ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू सो मच थैंक यू ऑल ऑफ यू लव यू ऑल थैंक यू गुड नाइट जी गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट एवरी वन गुड नाइट बाय गुड नाइट गुड नाइट एवरी वन गुड नाइट कल अपने आप को एक ट्रीट सब लोग जरूर दीजिएगा एक ट्रीट तो बनती है कल अपने आप को एक ट्रीट तो जरूर दीजिएगा मेरी तरफ से कल अपने आप को एक ट्रीट जरूर दीजिएगा थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू गुड नाइट थैंक यू एरोडो जी एरोडो गुड नाइट जी गुड नाइट थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी थैंक यू थैंक यू इतने अच्छे स्टूडेंट मिले मैं खुद बहुत प्राउड फील करता हूँ मैं ऊपर वाले बहुत शुक्र गुजार हूँ थैंक यू जी थैंक यू सो मच थैंक यू चलिए मिलते हैं फिर जी थर्टी सिक्स अभी छह नहीं हुआ है जस्ट ट्वेंटी सेकेंड बाकी है चल ट्वेंटी सेकेंड देखिए है बस टेन 10... टन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन अब हो गए घंटे. अब घंटे हो गए जी चलिए जी अब मैं कट करता हूँ जी अब छह घंटे हो गए मेरा प्रॉमिस मेरे को लेकर था वो ओवर हो गया छह घंटे चलिए थैंक यू हलफी थैंक यू बाय बाय